गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का फैव इंद्रो स्पोर्ट क्वालिफायर्स पावर्ड बाय खेम.टीवी। मेरा नाम है संजय, मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आज की टीम से। यहां पर हमको देखने के लिए मिलने वाली एक से बढ़कर एक टीम हमको यहां पर कहीं ना कहीं आज देखने के लिए मिल जाएगी। देखना होगा यहाँ पर कौन कौन सी जो टीम्स आज तहलका मचाने वाले महासंग्राम की टीम्स के बीच में हमको देखने के लिए मिलने वाला। तो यार चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर जो टीम्स होने वाली है। सबसे पहले बात करें तो एरो स्पोर्ट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, टी टू एवडी जुनैद आई भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, गैलेक्सी रेसर यहाँ पर होने वाले, फुल ऑफ स्ट्रेटजी सी ए टीम हमको यहाँ पर नजर आने वाले, फोर अननोन यहाँ पर रहने वाले थे यार, माफिया जो कि नए प्लेयर हमको टीम के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। देखना होगा आज इनका जो प्रदर्शन है वो कैसा हमको देखने के लिए मिलने वाला है। एस गेमिंग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और सी के साथ साथ बात की जाए तो यूजी एम्पायर हमको यहाँ पर नजर आने वाले, टोटल गेमिंग होने वाले। तो गाइस एक से बढ़कर एक टीम हमको यहाँ पर नजर आने वाले। देखना होगा आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपने फेवरेट टीम्स को, कितना ज्यादा मोटिवेशन आप लोग यहाँ पर देते हो। यार आपको टीम को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना है। एस आर भी यहाँ पर होने वाले, सर्वाइवर सूर्य होने वाले, टीम ओपी हमको यहाँ पर कहने की देखने के लिए मिल जाएगी, टीम लीड यहाँ पर रहने वाले, पहाड़ी आरडीपी किलर आइकन इनका गेम प्ले आज कैसे रहने वाला, टीएसआर भी हमको यहाँ पर नजर आने वाले। आई थिंक यार ये लॉबी बहुत कुछ कहने वाली आज, कौन से छह मैच वो कौन सी तीन टीम होगी जो आज यहाँ से क्वालिफाई होकर आगे जाएंगे। सीआरएक्स डिवाइन हमको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर गेमिंग सुब्रता भी हमको नजर आने वाले। देखना होगा आज की जो मैचेस होने वाले हैं उनके अंदर टीम्स का प्रदर्शन कैसा हमको देखने के लिए मिलने वाला। तो गाइस हमारा जो मैच है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला, तो गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ पर एंड जो मैच है उसको स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पर टीम्स कहां कहां पर लैंड करने वाली। फिलहाल थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी बट कहीं ना कहीं जो भी टीम बुया निकालेगी उसके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे कि अच्छी लीड यहां पर हम लोग कायम रखा। तो चलते गाइस यहां पर आगे बढ़ते, पहला मैच जब स्टार्ट करते हैं फिलहाल यहां पर आगे बढ़े गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला लिटरली यार। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, मैं आपको यही बोलूंगा। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने भी मैचेस होंगे यानी कि टोटल सिक्स मैचेस होने वाले, हर एक मैच में कुछ ना कुछ नया आपको देखने के लिए मिलने वाला था, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो मैच स्टार्ट होने वाला है फिलहाल यहाँ पर ठीक है वो आज के धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे की यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ गाइस अगर बात करें तो हर एक टीम को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली, फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर एक टीम प्रदर्शन कैसा होने वाला आज, कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर जो है मचाएंगे। फिलहाल गैलेक्सी रेसर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले, एरो स्पोर्ट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ बात करें तो गैलेक्सी रेसर फोर अननोन यहाँ पर होने वाले, बहुत ही शानदार गेम प्ले आज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एस गेमिंग यूजी एम्पायर एक तरफ होने वाले, टोटल गेमिंग की अगर बात करें तो फुल ऑफ स्ट्रेटजी सी टीम हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सर्वाइवर सोरियम होने वाले, टीम ज्ञान गेमिंग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ टीम एलीट जो कि यहाँ पर पहाड़ी हमको देखने के लिए मिल जाएंगे, पहाड़ी की डबल स्नाइपर कैसे आज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सर बहुत कुछ यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा, तो फिलहाल थोड़ा सा सोच समझ के टीम्स को जो है वो फाइट लेनी होगी। इसी के साथ बात करते तो कहीं ना कहीं टीएचसी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है जो कि फिलहाल यहाँ पर लूट करते हुए हमको नजर आएंगे, कहां कहां पर पहुंचने वाले तो वो भी देखना होगा। बट फिलहाल सीआरएक्स डिवाइन की बात की जाए तो वो हमको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, सुशी यहां पर लूट करेंगे, शेड ने एक तरफ बोलिया जहां आगे बढ़ेंगे, मार्स इलेक्ट्रिक का ये एरिया इनके पास निकल कर आने वाले, बट कितनी अच्छी लूट इनके पास हो पाएगी वो भी देखना होगा। एंड साथ ही साथ यहां पर कहने की थोड़ी सी दिक्कतें भी आने वाली हैं, इसी के साथ देखना होगा। फिलहाल धीरे धीरे करके कहने की आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं तो बाकी टीम्स गेमिंग सुब्रता हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, एंड पहला किल कौन यहाँ पर निकालने वाला, तो गाइस वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि फोर अननोन होगी जो यहाँ पर स्टार्टिंग में फाइट में इन्वॉल्व होते हुए हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला लिटरली अगर बात कर ली जाती है, हर एक एरिया पर टीम तो होती है बट अभी तक कोई भी फ्रैग यहाँ पर निकाला नहीं गया है, धीरे धीरे करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ फोर अननोन को हम लोग देख सकते हैं लूट करते हुए हमको नजर आ जाएंगे, कुणाल जेआर एक तरफ होने वाले, जी हाँ गाइस लूट करेंगे एंड जल्दी से जल्दी यहाँ पर लूट करके अपने एरिया की तरफ जाना चाहेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं तो कहने की बाकी प्लेयर्स भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। माफिया आई थिंक इस बार न्यू प्लेयर आए, देखना होगा इनका गेम प्ले आज कितना प्रभावित रहेगा, कितना अच्छा ये अपने लिए सपोर्ट बनाएंगे, आई थिंक कितने फैंस ये लोग आज यहाँ पर बनाकर जाने वाले, तो हर एक चीज हमको यहाँ पर
देखने के लिए मिलेगी। यूजी आ चुके, लास्ट वीक हमने देखा था, पिछले कुछ दिनों में इतना इनका अच्छा गेम प्ले था, बहुत सारे बुयास जो है वो ये टीम निकालती है। इसी के साथ क्या एक और बार हैट्रिक यहाँ पर लगा पाएगी, तो वो हमको यहाँ पर कहने की देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करें तो माफिया यहाँ पर कहने की आगे बढ़ते टोटल गेमिंग से उम्मीदें गाइस बहुत ज्यादा रहने वाली। फिलहाल यहाँ पर गाइस देखता होगा कौन कौन सी टीम जो आज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सर्वाइवर्स यहाँ पर लूट करेंगे, देखता होगा फिलहाल ऑब्जर्वेटरी का ये एरिया लूट प्रॉपरली हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बट गाइस आई थिंक आपको थोड़ा सा सोच समझ के जो फाइट है ना वो यहाँ पर कहने के लेनी होगी। इसी के साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें भी होने वाली हैं। देखना होगा फिलहाल टीम्स कहाँ कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, कैसे कैसे यहाँ पर अपने आप को बचा पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर यहाँ पर टीम्स को देखना होगा। फिलहाल टीम ओपी की बात किया तो वो हमको यहाँ पर देखने के लिए टीम में लीड यहाँ पर लूट करते हुए नजर आ रही है। गाइस अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आई थिंक ऑलवेज फोर अननोन डोंट मैटर विन और लूज, तो यहाँ पर फुल एंड सपोर्ट जो है वो फोर अननोन के लिए दिखाया जा रहा है। भले ही वो जीते या फिर हारे, दिल से फोर अननोन यहाँ पर रहने वाला था। आपको भी सपोर्ट करना है अपने फेवरेट टीम्स को, टीजी कहाँ है तो यार टीजी को दिखाया जाए। टीजी के लिए यहाँ पर जो फैंस है वो बहुत ज्यादा उत्साह हो रहे हैं, देखने में पड़ेगा यहाँ पर टोटल गेमिंग डिलीट यहाँ पर फैन फेवरेट होने वाला है। एनसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस टीम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिएगा। एक से बढ़कर एक टीम यहाँ पर जो है वो युद्ध लेगी एंड आगे बढ़ना चाहेंगे। देखना पड़ेगा कौन पहला भूया यहाँ पर निकाल पाएगी। बाला फिलहाल ऊपर की तरफ रहने वाला, उनके पास यहाँ पर M14 प्लस MP40 हमें देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ गाइस सर्वाइवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर लूट करते हुए नजर आ जाएगी। बट टीम में लीड यहाँ पर वेंडिंग मशीन से कुछ ना कुछ जो है वो खरीदती हुई हमको नजर आने वाली। आई थिंक थोड़ा सा सोच समझ के जो फाइट्स है वो कहीं ना कहीं लेनी होगी। इसी के साथ यहाँ पर पहाड़ी हमको देखने के लिए मिल जाएगी, सिंगल स्नाइपर उनके हाथों में रहने वाली है। बट यहाँ पर आई थिंक देखना होगा पहाड़ी के पास सिंगल स्नाइपर है क्या वो यहाँ पर करेंगे। बट यहाँ पर आई थिंक एक ही जगह पर रुके हुए हैं, एक डबल स्नाइपर अगर उनको मिलती है तो शायद से अच्छी फाइट वो पिक कर पाएंगे, आगे कोई टीम मिलती है। बट एक ही बात बोलना चाहूंगा गाइस, यहाँ पर आपके लिए भी प्रॉफिट रहेगा। आप लोग भी कभी टूर्नामेंट खेलते हो तो टूर्नामेंट के अंदर कुछ चीजें नोटिस करनी होती है। आप किसी भी एरिया के ऊपर उतर रहे हो तो आपको वहां पर समझना है कि यार आपके सामने क्या कोई टीम उतर रही है। अगर कोई टीम आपके साथ नहीं उतर रही है तो ट्राई करना थोड़ा सा स्प्रेड आउट होकर आप लोग लूट कर पाए, यानी कि आपके पास टाइम बचेगा, लूट जितनी जल्दी हो पाएगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बट अगर आपके साथ लाइक केप टाउन का एरिया है, कोई टीम आपके साथ उतर रही है, तो आपको क्या करना है, हाफ एरिया लूटना, हाफ एरिया लूट करने के बाद अगर आपके पास परफेक्ट लूट आ जाती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, फाइट ले सकते हो। अगर फाइट नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है, तो वहां से रोटेशन लेकर जल्दी से जल्दी निकल जाना और कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर टीम लीड उतरी है, लूट करेगी, अच्छे वेपन्स यहाँ पर उठाए गए हैं। उसी के साथ टोटल गेमिंग एक तरफ, माफिया फिलहाल यहाँ पर रोटेशन लेते हुए नजर आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में पीक का एरिया यहाँ पर रहने वाला है, देखना होगा यहाँ पर कितनी अच्छी लूट इनके पास से मिलकर आने वाली। सेटी डिलीट बाला यहाँ पर आगे बढ़ेगा, आई थिंक डिलीट के पास जो है VSS होने वाले, कितने अच्छे नॉक्स होने निकाल पाएंगे, एक्स्ट्रा एडिट का डैमेज हो यहाँ पर कैरी करने वाले। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा फिलहाल प्लेयर्स कौन कौन से पोजीशन से यहाँ पर लेने वाले हैं। उज्जवल एक तरफ होने वाला, उज्जवल के पास यूजी अंपायर को गाइस हमने एक दो दिन पहले देखा था, तीन बुयास बैक टू बैक यहाँ पर निकाले गए थे। इनकी तरफ से कितना अच्छा गेम प्ले, कितना अच्छा सपोर्ट इनके टीम मेंबर्स को मिल पाएगा वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। बट बाकी टीम्स की अगर हम लोग बात करते तो फोर अननोन फिलहाल गाइस आप लोग देख सकते हो, कोई भी नॉक अभी तक नहीं किया गया, अभी तक एक भी किल कंफर्म यहाँ पर नहीं हुए। इनकी के साथ बात की जाए तो कहने की हमारा पहला जो सर्कल है वो आई थिंक हमें देखने के लिए मिल जाएगा, सेंटर होगा क्योंकि पीक एंड फैक्ट्री और पोचिनो के बीच के जो रिजिस का कवर होता है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एंड सी के साथ यहाँ पर टीम्स भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर कितने आगे तक बढ़ पाएंगे, गैलेक्सी रेस यहाँ पर होने वाले गाइस, तो आपके कमेंट्स में यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा, देखना होगा यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। गैलेक्सी रेसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो राधे ठाकुर, अमन, मैरियक्स, VRC यहाँ पर आई थिंक राधे ठाकुर, आई थिंक अमन को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। यहाँ पर मैक्स एवन वुड पैगन के हाथों पड़ेगी मैरियक्स, जो कि पहाड़ी के स्नाइपर हर कोई देखना चाहता है कैसे वो यहाँ पर दिखाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो गाइस आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर मचाने वाली है बहुत कुछ आज आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स है वो थोड़ा सा सपोर्ट है वो कहने की दिखा रहे, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। एंड सी के साथ यहाँ पर पहाड़ी एक तरफ होने वाला, आइकॉनिक यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, किलर एक तरफ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले। फिलहाल
धीरे धीरे करके रोटेशन से आप ले जाने वाले जो हमारा सर्कल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है पीक की तरफ। टीम को जाना पड़ेगा, टीम लीड के पास मौका है यार। ये टीम बहुत ज्यादा सोच समझ कर खेलती है, इनको पता है यार कैसे हमें अप्लाई करना है स्ट्रेटेजी को। आई थिंक केप टाउन एक परफेक्ट लूट नहीं रहती है, बट ये अपनी लूट को यहाँ पर निकालते हैं लाइक येलो टोकन से, वेंडिंग मशीन से कुछ कुछ वेपन खरीदते हैं, धीरे धीरे लूट करते हैं। उनको पता चलता है कि यार यहाँ पर कम प्लेयर्स बचे, उसी के साथ साथ ये टीम आगे बढ़ती है। एंड यहाँ पर एक टीम को एलिमिनेट कर दिया, खेमिंग सुब्रता यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। तो गाइस देखना होगा फिलहाल सर्वाइवर के खाते में जो है वो 4 किल्स यहाँ पर निकल कर आज के बहुत शानदार गेम प्ले यहाँ पर देखने में मिल रहा, किसी भी प्लेयर को यहाँ पर नहीं खोया गया। इसी के साथ टीएसजी एक तरफ होने वाले, टीएसजी यहाँ पर आगे बढ़ेगा, कहने के थोड़ा सोच समझ के जो है वो फाइट्स को लेना होगा। इसी के साथ यहाँ पर जस्सी बिहान जाने वाले फिलहाल लॉन्च पैड का यूज यहाँ पर करेंगे, जल्दी से जल्दी सर्कल में पहुंच जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओजस्वी आगे तो बढ़ रहे हैं, बट जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपके जो कमेंट्स है गाइस, आप अगर शायराना अंदाज में कमेंट्स करते हो तो मैं आपके कमेंट्स के ऊपर पूरा पूरा जो नजर है ना वो यहाँ पर रखे हुआ। आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स रीड आउट करूंगा, आपका नाम भी यहाँ पर लिया जाएगा। देखना होगा टीम टीएसजी को दिखाओ तो गाइस टीएसजी को यहाँ पर दिखा देगा। टीएसजी अभी आगे बढ़ते हैं, ऋतिक यहाँ पर आई थिंक फैन फेवरेट होने वाले, ऋतिक यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वीएसएस उनके पास हमको देखने के लिए मिल रही है, ये एरिया छोड़कर आज कटलिस्ट राइट साइड में नीचे की तरफ होने वाला, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। भीमा सत्य इनके सामने आने वाले के सेंटर यहाँ पर कवर कर आएंगे, पहला सर्कल जो यहाँ पर सेंटर दिखलाया गया। फिलहाल धीरे धीरे टीम्स को जल्दी से जल्दी आगे जाना होगा। एंड सी के साथ टोटल गेमिंग के लिए हैशटैग लगाए गए, तो टोटल गेमिंग के पास जाएंगे। एंड डिलीट एक तरफ होने वाले, क्या उनके सामने कोई टीम होगी? तो गाइस मॉन्स्टर ट्रक का जो कवर है वो यहाँ पर अपने लिए लिया गया। एंड सी के साथ ये प्लेयर कितनी देर तक अपने आप को संभाल पाएगा, कि ये अपने टीम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कभी भी किसी भी फाइट से डरते नहीं। कोई भी टीम सामने आ जाए नॉक निकालना इनका पेशा है, देखना होगा कितने नॉक से निकालेंगे। बीएसएस का और भी एडवांटेज यहां पर मिलने वाला है सी के साथ, यहां पर बात करते हुए हमको नजर आएंगे। देखना होगा फिलहाल कितने और ज्यादा नॉक से यहां पर निकाल पाएंगे सी के साथ। दिल से एलीट पहाड़ी भैया मचा दो, तो यहां पर जो है वो हैशटैग लगाया जा रहा है हैशटैग पहाड़ी के लिए। मिसिंग टीम्स तो यार जहां पर आई थिंक देखना होगा समवन, आई थिंक थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर फाइट जो लेनी होगी गाइस, बट देखना होगा यहाँ पर टीम्स कितना आगे तक रोटेशंस लेने वाली। वाला ने ट्राई करे ये जो एरियन के पास निकल कर आया, डेंजर जोन से इनको यहाँ पर बचना होगा। एंड मीटर शावर किसी भी वक्त हो सकता है, अगर आप लोग भी यार इस मीटर शावर में फंस जाते नॉक यहाँ पर आप लोग हो जाते हो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर बताइएगा। एंड धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखना होगा यहाँ पर क्या इसके ऊपर किसका प्रहार यहाँ पर होने वाले, क्या ये अकेला प्लेयर यहाँ पर बचा पाएगा अपने आप को या फिर ऊपर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है, क्या सर्वाइव करेंगे यहाँ से निकल पाएंगे पूरे के पूरे 4 प्लेयर पर निकाल लेंगे। तो 4 केस यहाँ पर निकालते हो गाइस, 2 टीम को एलिमिनेट किया, एंड कोई भी सोलो सर्वाइवर को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा एंड एलिमिनेट कर जाएगा। एंड इसी के साथ टीएसजी के पास चलते हैं, टीएसजी थोड़ा ट्राई करे सामने होने वाली, फिलहाल टोटल गेमिंग होने वाली आई थिंक यहाँ पर और कोई टीम होने वाली वो देखना होगा, बट सर्कल आई थिंक इस बार यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। भीमा शक्ति का सेंटर यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगा, देखना होगा टीम्स कितना जल्दी सर्कल के अंदर यहाँ पर पहुंच पाएंगे। सीआरएस जीवाइन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, पोचिनो का एरिया होने वाला, सुशी के पास होने वाली डबल वेक्टर और सी के साथ ऋतिक जो कि फिलहाल यहाँ पर कवर लेकर रखे हैं। पीछे कटोलिस्वा से अगर कोई भी टीम आती है तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इंटेल यहाँ पर पास करेंगे। देखना होगा क्या ये लोग आराम से टीम को रोक पाएंगे। वीएसएस भी अच्छे वेपन हमें यहाँ पर कहने के देखने के लिए मिल जाएंगे, बट M79 इंपोस्टर के पास होने वाला, तो गाइस यहाँ पर हथियार जो वो ले लिया गया है, मैच भी नहीं ये जो वेपन होता है ना वो इनके हाथों में आ चुका है। अभी इनको थोड़ा समझना होगा कि किसी भी एंगल से कोई सी भी टीम इनके ऊपर गोलियां चला सकती है। आरडीपी की बात किया तो आई थिंक यहाँ पर टीम एलीट पीक के ऊपर हमको देखने के लिए मिले, समन एयरड्रॉप यहाँ पर मंगवा लिए गाइस, धीरे धीरे करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, सपोर्ट फुल ऑन बनाए रखिएगा। एंड यहाँ पर आपके जो कितने भी कमेंट्स आ रहे हैं टीजीओपी बोलते एंड सबकी खोपड़ी खोलते, तो देखते हैं यार कौन किसी खोपड़ी आज यहाँ पर खोलेगा एंड कौन यहाँ पर अपने लिए टॉप 3 में जगह बनाएगा, सेलेक्ट होकर आगे जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फाइटिंग गाइस, तो फाइटिंग यहाँ पर पॉसिबल होगा उतना मैं फाइटिंग आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करने वाला, जितना ज्यादा पॉसिबल होगा आपकी फेवरेट टीम्स की फाइट में यहाँ पर दिखाऊंगा। टीम लीड ट्राई करे, सामने एक टीम होने वाली थी वो क्या 4 अननोन यहाँ पर रहने वाली है, देखना होगा थोड़ा सा सोच समझ कर 4 अननोन से बचकर आई थिंक 4 अननोन इस बार थोड़ा सा दूर होने वाली है, कोई भी गलती ना करते हुए यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। बट यूजी एम्पायर यहाँ पर धीरे धीरे रोटेशन से आई थिंक पीछे से हमला करते, तो शायद से टीम लीड
यहाँ पर थोड़ा सा खतरे में आ देखना होगा टोयल गेमिंग से बालक है नौकर करके रखा जाएगा नेट से अपर थ्रो की जरिए माफिया के पास नेट होने वाले हैं। फिलहाल क्या यहाँ पर सैटी ट्राई करने वाले माफिया आगे बढ़ेंगे रिवाइव यहाँ पर देते हुए कि डिलीट यहाँ पर एक और बार ही तो गाइस सपोर्ट यहाँ पर बना दी गया टोटल गेमिंग कमेंट सेक्शन में लगा दी गई सी के साथ स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जी हाँ बहुत ही अच्छा गेम एम्पायर की फाइट यहाँ पर स्टार्ट उसके एक के बाद एक फाइट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले सी के साथ नेट यहाँ पर थ्रो करेंगे शॉर्ट रेंज के नॉक निकाल के जाने वाले रखा जाएगा M14 उनके पास हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले दो ही यहाँ पर थोड़ा सा खतरे में आते हैं थोड़ा सो लेकिन लौते फिर यहाँ पर कह इनके बचे रहेंगे एंड कितनी देर तक यहाँ पर अपने आप को संभाल पाएंगे क्या 1v2 यहाँ पर निकाल पाएंगे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले VSS उनके पास है MP5 यहाँ पर उनके पास रहने वाले हैं देखना संभाल पाएंगे फिलहाल जावा बॉय यहाँ पर फिनिश ऑफ करते हैं बट पीछे देखो डीप की एंट्री होने वाले साइबर शॉट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जावा बहुत ज्यादा डैमेज खाते हैं यहाँ से जल्दी निकलने का ट्राई करते हुए नजर आ जाएंगे। जी हाँ गाइस थोड़ा सा सोच समझ कर फाइट देनी होगी इसी के साथ बिल्कुल पर आपके शायराना कमेंट्स हमको देखने के लिए मिले बट यूजी एम्पायर आई थिंक यार छोड़ने वाली नहीं है TSG के पास हम लोग जाना चाहेंगे देखना होगा TSG की फाइट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है एंड TSG यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कि पोस्टर हमको नजर आने वाले ऋतिक यहाँ पर आगे बढ़े इसी के साथ बात की जाए तो हमको यहाँ पर टीम मिलिट की फाइट देखने के लिए मिल जाएगी तीन प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहने वाले किलर यहाँ पर फिनिश ऑफ कर देगा राडी भी एक तरफ होने वाले पहाड़ी यहाँ पर डबल साइबर साथ आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर आइकॉनिक को पकड़ा जा चुका है रिवाइवर को नहीं मिलेगा ओपन में बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी गई है पहाड़ यहाँ पर ट्राई करें साइबर शॉट यहाँ पर एक उसी के साथ यहाँ पर देखना होगा प्लेयर अपने लिए कवर जो है वो यहाँ पर बना चुके टीम को यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा सीआरएस डिवाइन के ऊपर एलिमिनेट किया अंश यहाँ पर अकलौते प्लेयर सर्वाइव करेंगे पहाड़ी एम यहाँ पर सेट करके बैठे कोई भी प्लेयर अगर वहां से निकलेगा वो फुट आउट से एम कनेक्ट करेंगे एंड फिनिश ऑफ करके उस टीम को एलिमिनेट बैक टू लॉबी यहाँ पर कर दिया जाएगा देखना होगा यहाँ पर सर्कल किस किसके फेवर में आने वाला है देखिए बट सर्कल दिखाऊंगा तो गाइस भीमा शक्ति के ऊपर सेंटर होने वाला है और यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंड टीम इलीट के पास से दो ही प्लेयर्स यहाँ पर लाइव रहने वाले गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो जल्दी से एक साथ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा कि हम लोगों ने 10,000 की वॉचिंग यहाँ पर क्रॉस कर दी शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाकर लाइव गैलेक्सी रेसर यहाँ पर दूसरा मचा रही थी देखना होगा गैलेक्सी रेसर कहाँ कहाँ तक पहुंचने वाले के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के जो फाइट्स है वो यहाँ पर लेनी होगी यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे गैलेक्सी रेसर की फाइट स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर गोलियां लगातार चलाई जा रही है इसके साथ अगर बात की जाए तो होने वाले मैंने इसको देखना होगा अमन जो कि यहाँ पर ट्राई करे फिलहाल आगे बढ़े लॉक यहाँ पर निकला है ड्रैग नो के बाद किल टोटल गेमिंग के ऊपर बाहर गया देखना होगा गैलेक्सी रिजल्ट टोटल गेमिंग कौन यहाँ पर जीत पाएगा डिलीट को यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा सी के साथ एक नेड आएगा और अमन को यहाँ पर डैमेज कर देगा जख्मी हो जाएंगे नॉक हो जाएंगे टोटली यहाँ पर पांच की जो निकाली जा चुकी है गैलेक्सी रिजल्ट की तरफ से रिवाइव यहाँ पर मिल चुका देखना होगा बाकी की टीम नीचे की तरफ होने वाली फिलहाल आगे बढ़ेंगे सी के साथ यहाँ पर सर्वाइव करते हुए नजर आ जाएंगे टीम जो कि फिलहाल सर्कल में रहेगी थर्ड पार्टी यहां पर पूरा पूरा किया जाएगा कोई भी गलती यहां पर नहीं करने वाले TSG सर्वाइव करते लगातार उनके सामने एक प्लेयर होने वाले जैसे यहां पर क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे आगे अंदर तक जाना तो चाहते बटके नहीं अकेले प्लेयर बचे क्या वो चोपी को पकड़ेगा एनसी के साथ एलिमिनेट कर जाएगा ज्ञान गेमिंग यहाँ पर ट्राई करते हुए कहने की पहाड़ी को देख लेते हैं हम लोग यहाँ डबल स्नाइपर उनके पास आने वाले गाइस पहला मैच बहुत शानदार हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा शेयर आप लोग कर सकते हो जितना ज्यादा सपोर्ट आप लोग बना सकते हो सपोर्ट यहाँ पर करते रहेगा चलते गैलेक्सी रेसर के पास और जानते यहाँ पर दो लिटरली बचे होते हैं VRC यहाँ पर नॉक हो जाएंगे मैजिक सिकलौते प्लेयर बचे रहेंगे सर्कल के अंदर होने वाले बट बाकी टीम सर्कल के अंदर क्या इनको पहुंचने देगी तीन प्लेयर्स होने वाले ESL के पास किल्स यहाँ पर लगातार निकाली जा रही है चार की टोटली निकाली गई यूजी एम्पायर से प्रिंस इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे आई थिंक TSG उनके साथ TSG उनके सामने होने वाली फिलहाल रोजस्वी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हाँ यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर निकाली जाएगी इंपोस्टर आगे बढ़ते हुए ऋतिक के वो यहाँ पर ट्राई करें उनके पास करोड़ों की एबिलिटी होने वाली क्या ये प्लेयर यहाँ पर 1v1 निकाल पाएगा पीछे से यहाँ पर सपोर्ट इनको
मिल पाएगा वो यहाँ पर इंतजार करेंगे। वेट यहाँ पर किया जा रहा है, बट ऊपर से कहीं ना कहीं मैरियस को फिनिश ऑफ यहाँ पर कर दिया गया। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अपने आपको अपने जो कमेंट्स है वो यहाँ पर करते रहना। इसी के साथ यूजी के हैशटैग लगाए जा रहे। टीएच यहाँ पर ट्राई करें, इंपोस्टर एक तरफ होने वाले, ऋतिक के नेट यहाँ पर क्या कनेक्ट हो पाएंगे, ऊपर होने वाले यहाँ पर ट्राई करें लीड। आरडीपी के शॉट्स यहाँ पर क्या परफेक्ट हो पाएंगे, आठ प्लेयर्स आप लिटरली गाइस बचे रहने वाले। देखना होगा कौन कौन से यहाँ पर ऊपर की तरफ पहुंचने वाले। सी के साथ अगर बात की जाए तो नेट से यहाँ पर थ्रू हो गया, आरडीपी के नेट से यहाँ पर क्या कनेक्ट हो पाएगी। तो गाइस हम लोग 12,000 वॉचिंग के बहुत ज्यादा क्लोजिंग आने वाले, जल्दी से शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट किया। एक के भी सामने होने वाले हैं आरडीपी लगातार श्रृंक करता जाना, कोई एक अच्छा पॉइंट नहीं रहने वाला है। बट यहाँ पर सर्कल में जगह बना रहे एक के बाद एक, देखना होगा कितनी देर तक यहाँ पर अपने आपको संभाल पाएंगे। निपोस्टर एक तरफ होने वाले, फिलहाल पहाड़ी एक पहाड़ी के स्नाइपर शॉट को यहाँ पर देखने मिले। तो एलिमिनेट कर देगा यूजी एम्पायर से क्लॉथे भी यहाँ पर कहने के मचा रहे। टीएसजी के पास भी सोलो प्लेयर यहाँ पर बचे हुए M79 रहने वाले, वो यहाँ पर फिनिश ऑफ करेंगे। M79 का बहुत ही ज्यादा डैमेज यहाँ पर पड़ चुका है, आरडीपी बहुत ज्यादा लो एचपी में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सर के बाद क्या कितना आसान रहेगा, टीम यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा टीएसजी। इंपोस्टर वर्सेस होने वाला, देखना होगा एक और लॉस क्या काम आएगा जी। यहाँ पर बहुत ही शानदार से यहाँ पर जो गेम प्ले है वो खेला गया है। तो गाइस आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता ताकि रिजल्ट यहाँ पर जल्दी से जल्दी बन पाए। देखना होगा यार बाकी टीम्स कितना ऊपर तक यहाँ पर पहुंच पाएगी। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 7 किल्स यहाँ पर टीएसजी आर्मी निकाल करके, यूजी एम्पायर आई थिंक 8 किल्स निकाली है। यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा अकेले प्लेयर की जिन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को सेकंड पोजीशन दिलाई, कहने के अच्छा गेम प्ले दिखाकर अच्छी किल्स भी उनके पास निकल कर यहाँ पर आई है। सो गाइस हमारा यहाँ पर पहला जो मैच है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मैप होने वाला है परगेटरी मैप, जो कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम प्ले हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला। टीम यहाँ पर ट्राई करी है भी यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर परगेटरी मैप के अंदर रोटेशन कैसी ली जाने वाले, कौन कौन सी टीम्स कहाँ पर लैंड करने वाले, उसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे टोटल गेमिंग। एंड आई थिंक यहाँ पर ट्राई करते हुए कहेंगे जो प्लेयर्स है वो हमको नजर आने वाले। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और सी के साथ अगर बात करें हम लोग तो हर एक टीम ट्राई करना चाहते हैं भूया अपने लिए निकाला जाए, और देखना होगा कितनी देर तक यहाँ पर अपने आपको संभाल पाने वाले। सीआरएक्स फाइनल एक तरफ होने वाली, वो यहाँ पर ट्राई करें जल्दी जल्दी आगे जो है वो बढ़ पाए। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर जो फाइट है वो लेनी होगी। सी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं कहने की हर एक टीम ट्राई करी है, एंड फाइनली यार थोड़ी देर में हमारा जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। बट गाइस हम लोग यार 15,000 वॉचिंग है, बहुत ज्यादा क्लोजिंग पहुंचने वाला है। अगर शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। देखना होगा यार सेकंड मैच के अंदर कौन कौन सी टीम सबको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे एनसी के साथ। अगर गाइस हम लोग बात करते हैं आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर, यार आपके कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं पर यहाँ पर यार मेरे लिए भी हैशटैग लगा रहे थे। देखना होगा लेजेंड है इंपोस्टर, आई थिंक यहाँ पर लेजेंड मचा रहे थे वो हमको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। इसी के साथ अगर बात करें तो आपके कमेंट्स यहाँ पर रुकने के नाम नहीं लिए, लेजेंड ओपी यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इंपोस्टर लेजेंड बोलते हैं तो हमारे व्यूअर्स का बहुत कुछ पता रहता है कि यार कौन कौन सा प्लेयर है। तो यही आपको खबर यहाँ पर रखनी है, सीखना भी है साथ यार कौन कौन सी टीम से यहाँ पर लगातार आगे बढ़ती है, कितना अच्छा गेम प्ले जो है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। इसी के साथ बात की जाए तो पूरी की पूरी लेजेंड गॉड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं फिलहाल। ओ भाई लेजेंड कहते हैं तो यार दिल से इलीट यहाँ पर लगाया जा रहा है। सो गाइस यहाँ पर ऑफिशियल कस्टम नहीं होने वाला, आपको यहाँ पर एक दो दिन वेट करना होगा ऑफिशियल कस्टम आएगा, क्योंकि आज यहाँ पर अपडेट आया। तो आप लोग भी समझ सकते हो कि आप लोगों ने यार अपडेट के बाद गेम प्ले खेला है, तो गेम खेला तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपको क्या क्या चीजें गेम के अंदर नई देखने के लिए मिली। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ठीक है आज यहाँ पर बात करेंगे एंड यहाँ पर आगे बढ़ते आपको नजर आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर सपोर्ट आपको फुल और बनाए रखना, तब तक मैं आपके कमेंट यहाँ पर रीड आउट करना चाहूंगा। देखना होगा लेजेंड आपकी वॉइस कम आ रही है, तो गाइस यहाँ पर मैं तो फुल और तेजी में बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा
यहाँ पर ट्राई करते हुए रहना होगा। आपको यहाँ पर हैशटैग लगाते रहेगा कि जब तक हमारा मैच स्टार्ट होगा तब तक आप लोग अपनी टीम्स के लिए हैशटैग लगाइए और साथ ही साथ पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। एक बार फिर से मैं यहाँ पर टीम्स को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एरो इनपुट होने वाली चारों प्लेयर टी टू एबीडी जुनैद आई भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। गैलेक्सी रेसर होने वाली है, देखना होगा फोर रनो जो कि यार मिड गेम के अंदर एलिमिनेट हुई। एंड ये टीम कितना अच्छा कमबैक यहाँ पर करने वाली है। एएसकेबी की तरफ होने वाली यूजी एम्पायर यहाँ पर रहने वाली, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर फाइट जब वो कहने के लेनी होगी, आगे बढ़ना होगा लगातार यहाँ पर ट्राई करेंगे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी टीम्स की बात किया तो यूजी एम्पायर सेकंड पोजीशन 8 किल से यहाँ पर लेके गए। टोटल गेमिंग से उम्मीदें बहुत ज्यादा होने वाली है, टोटल गेमिंग यहाँ पर ट्राई करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा किल्स यहाँ पर निकाले जा सकर सी के साथ। गाइस आपको जो सपोर्ट है वो फुल ऑन यहाँ पर बनाए रखना है, तो हर एक टीम ट्राई करे यहाँ पर आने का। देखना होगा फिलहाल कितने गाइस अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर रहता है यार, जल्दी से आएंगे डेप्थ लोग भी यहाँ पर जल्दी से मैच जब स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपके कमेंट्स की बौछार यहाँ पर आ रही है यार, आपके कमेंट्स तो बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं। एएस स्पोर्ट के लिए लगाए जा रहे हैं भाई, एएस स्पोर्ट यहाँ पर होने वाली है लेजेंड कैट है। बाकी सब हो जाएंगे डिलीट जब मचाएगी टीम इलीट। तो गाइस देखना होगा टीम इलीट यहाँ पर कितने अच्छे गेम प्ले के साथ भूया यहाँ पर निकाल कर जाने वाले, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जी हाँ गाइस थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर टीम्स को फाइट लेने होगी, इंतजार यहाँ पर करना होगा। फिलहाल यहाँ पर गाइस थोड़ा सा गेम प्ले को चले लेवल पर होने वाला है। बट गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक हमारा जो मैच है यहाँ पर स्टार्ट होगा तो आपको सपोर्ट जो है वो फुल ऑन बनाए रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट आपको बनाए रखना है। देखे तो यार हम लोग यार 9000 की वॉचिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर होने वाला है, आगे बढ़ेंगे। हमारा मैच भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर किसी भी वक्त आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस टॉप 3 टीम्स आज क्वालिफाई होकर जाने वाले, आसान नहीं होने वाले। 6 मैचेस के अंदर अगर आपको थर्ड पोजीशन लेकर आना कि टॉप 3 के अंदर आना, तो आपको पर गेम 10 से 15 पॉइंट यानी कि 12-14 पॉइंट आपको निकालने होंगे, जिससे आप लोग अपने लिए टॉप 3 में जगह बना पाओ। तो यहाँ पर प्लेयर्स जो गाइस हमारा मैच जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर फुल ऑन बनना है, आगे बढ़ेंगे। देखना होगा यहाँ पर कितने आगे तक हमको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। गाइस यहाँ पर लाइक करते रहेगा, 10,000 लाइक्स हमको इस मैच के अंदर अंदर करने हैं, जितना ज्यादा सपोर्ट हो सकेगा उतना सपोर्ट आपको यहाँ पर बनाए रखना है। के साथ यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट मैच है वो स्टार्ट हो चुका है, बात करना चाहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग टीम लीड है, आगे बढ़ेंगे। देखना होगा टीएससी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जितने गेम तक होने वाले हैं पिछले गेम के अंदर टीएससी का शानदार गेम प्ले आपको यहाँ पर, साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर भूया भी निकाला गया 7 के साथ। यहाँ पर टीएससी पहले मैच के अंदर यहाँ पर मचा दिया गया है, तो यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिएगा। इस यहाँ पर 10,000 लाइक के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर रहने वाले, तो फुल ऑन सपोर्ट आपको यहाँ पर। सो गाइस हमारा मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, देखना होगा हमारे मैच के अंदर कौन कौन सी टीम्स कहाँ पर लैंड करने वाले। अगर हम लोग बात करें तो टीएससी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, सीआरएस यहाँ पर उतरने वाली है, गेमिंग सुब्रता हमको जाती हुई नजर आ जाएगी, लंबर मिलो और यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा चेंजेस होने वाले। फिलहाल सीआरएस जीवन जाएगी जो कि फोर्स के ऊपर एंड ऊपर की तरफ चल रहा है। टीएससी आर्मी हमको देखने के लिए मिल जाएगी, फिलहाल वो यहाँ पर थोड़ा सा चोरी छुपके हुए जाएंगे लंबर मिल की तरफ। टीम मिलिट जाना पसंद करती है स्की लॉज की तरफ, तो देखना होगा टीम मिलेट कितने आगे तक बढ़ पाएगी। सी के साथ बात की जाए तो ज्ञान ऋषभ हमको यहाँ पर देखने को मिले, टीम ओपी एक तरफ होने वाली है, सर्वाइवर्स हो रहे हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सी के साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग से बाला हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं।
जी हाँ गाइस, थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर जो फाइट है वो लेनी होगी। यूजी एम्पायर एक तरफ होने वाली गाइस, यहाँ पर रोटेशंस लेंगे। लैंड जो भी यहाँ पर सबसे पहले करेगा, ट्राई करेंगे अच्छी से अच्छी लूट यहाँ पर कर पाए। फिलहाल बाकी टीम्स की बात करें तो फोर अननोन मार्बल बॉक्स के ऊपर हमको उतरती नजर आने वाले। देखना होगा अपने कदम कितनी देर में जमीन पर रखेंगे, बट गैलेक्सी रेसर ने अपने कदम यहाँ पर रख दिया। देखना होगा इनके सामने कौन सी टीम्स होने वाले, कितनी अच्छी लूट इनके पास। वेंडिंग मशीन का एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जितने भी जल्दी हो सके ना आपको ट्राई करना, सबसे पहले आपको जाना जमीन पर उतरना है, यानी कि लैंड जैसे आप लोग करते हो येलो टोकन जहां पर भी आपको दिखते हैं, लाइक दो मिल गए तीन मिल गए, फटाफट से जाओ वेंडिंग मशीन के पास भाग कर वहां से परचेस करो नेट्स। आई थिंक ग्रेनेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैच के अंदर, जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज की फाइट लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा नेट रहेंगे उतने ज्यादा नॉक्स आप लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। फोर अननोन के सामने एक बंदा हमको यहाँ पर देखने मिला, आई थिंक देखना होगा कौन सा टीम का मेंबर यहाँ पर रहने वाले। फिलहाल गोलियां तो चला जा रही, कुणाल एक तरफ, स्वास्तिक एक तरफ, आई थिंक यहाँ पर डैडसोल ने स्पॉट किया और उसी के साथ हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बट बाकी टीम्स की बात करें तो ये सबको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। फोर अननोन यहाँ पर देखने के लिए, यूजी एम्पायर ट्राई करिए उनके सामने। जी हाँ गाइस, फोर अननोन वर्सेस यूजी एम्पायर यहाँ पर रहने वाले हैं उसी के साथ। So, देख रहे हो टोटल गेमिंग यहाँ पर लूट करते हुए हमको नजर आ जाएगी, जो कि क्रॉस रोड का एरिया हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलना है। ज्यादा से ज्यादा लूट यहाँ पर करना चाहेंगे, शॉट एक तरफ होने वाले, सर्वाइवर्स भी यहाँ पर लूट करेगी, बट कहने के थोड़ा सा दूर यहाँ पर होने वाले दूर दराज लूट करते हुए बाला डिलीट जैसा गेम प्ले इनका देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्टनेस ये प्लेयर्स यहाँ पर दिखाते हैं, बट बात की जाए टीम लीड की तो टीम लीड हमको देखने के लिए मिले। स्की लॉज का एरिया यहाँ पर रहने वाला है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ देखना होगा थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर बनाए रखना होगा। टीम लीड यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, किलर एक तरफ होने वाला है, आइकॉनिक यहाँ पर लूट करते हुए कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस सपोर्ट आपको बनाए रखना है हम लोग, यार क्या 15,000 की वॉचिंग यहाँ पर क्रॉस कर पाएंगे, तो जल्दी से जल्दी स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। देखना होगा यहाँ पर कितना अच्छा सपोर्ट जो है वो आप लोग बनाए रखने वाले हैं। आपके जितने भी कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं मैं यहाँ पर रीड आउट जरूर करना चाहूंगा गाइस, आपके जितने भी कमेंट्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं बाहर जाएंगे सबके। आई थिंक यहाँ पर टीएसजी ओपी लगाया जा रहा था गाइस, सपोर्ट यहाँ पर बनाए रखेंगे, टीएसजी फाइट दिखाई देगा, टीएसजी के पास चलते टीएसजी आई थिंक यहाँ पर अपने को खोल दे। देखना होगा वीआर यहाँ पर आगे बढ़ेगी, ऋतिक जो की एक तरफ होने वाले ओजस्वी को यहाँ पर खो दिया गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, कहने के देखना होगा वीआर मनन एंड ऋतिक यहाँ पर कितना अच्छा गेम प्ले दिखा पाएंगे, कितने अच्छे बूया यहाँ पर ये लोग निकालने वाले। टोटल गेमिंग भी कहने की हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस फिलहाल टीएस यहाँ पर लूट करना चाहती है, हॉट जोन के अंदर आ चुके, टीम लीड यहाँ पर लूट कर रही है एंड बात की जाए तो टोटल गेमिंग एक तरफ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। धीरे धीरे करके यहाँ पर लूट करना चाहेंगे और सी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। माफिया एक तरफ होने वाले, उनके पास होने वाली है AK एंड M187 यानी कि डबल बैरल शॉट एक तरफ होने वाले। डिलीट बाला यहाँ पर आगे बढ़ने वाले, बाला जाएंगे कार लेकर जल्दी अपने टीम मेंबर्स के ऊपर ज्वाइन करेंगे, बट सामने होने वाली फोर अननोन मार्बल वर्क्स का एरिया इनके पास आएगा। एक स्नाइपर आनंद के हाथों में हमको देखने के लिए मिल चुकी, कुणाल JR यहाँ पर रहने वाले हैं एंड फोर अननोन स्वास्थ्य डेड सोल यहाँ पर लूट करेंगे, तो डेड सोल वाले हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल चुके। तो गाइस अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट किया, फिर किसी पर्टिकुलर प्लेयर को आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए तो उसके लिए भी हैशटैग आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर अभी अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से गाइस लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट यहाँ पर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 10,000 लाइक्स के बहुत ज्यादा क्लोजिंग रहने वाले हैं। यार सपोर्ट आपको फुल ऑन यहाँ पर बनाए रखना। जी हाँ गाइस आगे बढ़ेंगे, देखना होगा यहाँ पर बाकी की टीम्स कितना आगे तक बढ़ने वाली है। AS Esports यहाँ पर ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा लूट करने का, उसी के साथ यूजी एम्पायर की बात करें तो क्वेरी के ऊपर लूट करें। क्वेरी की गाइस खास बात ये रहती है यहाँ पर वेंडिंग मशीन है और जोन प्रिडिक्टर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग सर्कल देख सकते हो, नेक्स्ट सेफ जोन कहाँ पर बनने वाला है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जल्दी से जल्दी रोटेशन दे सकते हो। गाइस एक और बार बोलता हूँ, जब भी कभी यार पहला सर्कल मान लो बना हुआ है, सेकंड सर्कल बन गया है, तो आप वहां पर कभी भी लेट मत करना, यानी कि आपको पता है कि यार सर्कल बन चुका है, फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना गलती से, सामने कोई टीम है ना इग्नोर मारो, अवॉइड मारो, रोटेशन लो, सर्कल के अंदर पहुंच गए तो आप लोग यार सारे एक टीम को गेट कीपिंग यहाँ पर कर पाओगे, अपने लिए अच्छे पॉइंट्स आप निकाल पाओगे, क्योंकि यार एक साथ जब आप लोग फायरिंग करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोग एक प्लेयर को नॉक यहाँ पर कर पाओगे, भले ही लास्ट प्लेयर को पकड़ो या फिर सबसे पहले वाले प्लेयर को पकड़ो, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पर दिखाना होगा जिससे आप लोग भूया निकाल कर अच्छे पॉइंट गैदर कर पाओगे अपने टीम्स के लिए। बट बात करते हैं तो बाकी टीम्स से टोटल गेमिंग आ चुके सर्कल में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हमारा पहला सर्कल का जो सेंटर है वो टोटल गेमिंग के पास निकल कर आने वाला है, देखना होगा बाकी टीम्स कितने आगे तक यहाँ पर बढ़ पाएगी। डिलीट एक तरफ रहने वाले आगे बढ़ेंगे, नो यहाँ पर
कुछ ना कुछ होने वाला है, देखना होगा। टी मिलीट के लिए एस्ट्रेक लगाया जा रहा है, टीएसजी के लिए लगाया जा रहा है, टीएसजी ओपी बोलते हैं एस्ट्रेक टी मिलीट। तो यहाँ पर ओपी दिल से इलीट टीएसजी। यहाँ पर यार आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग, यार शायराना अंदाज में भी कमेंट्स करते हो, मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर रीड आउट जरूर करना चाहूंगा। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे ना मैं यहाँ पर शाउट आउट भी दूंगा, जितने भी अच्छे कमेंट्स होंगे, जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे अपने टीम को उतने ज्यादा हैशटैग मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यार टीएसजी आनंद जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं गैलेक्सी रेसर को, यार सपोर्ट आपको ऐसे ही बनाए रखना है। और साथ ही साथ टीएसजी के लिए लगा जा रहे गैलेक्सी रेसर के, यार हर कलर का हार्ट यहाँ पर भेजा जा रहा है, दिल ही दिल यहाँ पर भेजे जा रहे थे। यार आपको भी दिल से सपोर्ट यहाँ पर गाइस करते रहना। टीम इलीट के पास चलते हैं और चलते टीम इलीट के फाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए। फील्ड का एरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, आई थिंक एक तरफ बाकी प्लेयर्स होने वाले, आइकॉनिक को देख सकते, किलर को देख सकते, पहाड़ी को देख सकते, जो कि यहाँ पर सिंगल स्नाइपर के साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। गाइस यहाँ पर कहीं जगह कुछ नया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, आइकॉनिक कार लेकर यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते नजर आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत शानदार स्किन होने वाली है, इसी के साथ यहाँ पर टीम मेंबर्स को ज्वाइन कर लिया गया। फिलहाल पहाड़ी डबल साइबर क्या उनको मिल पाएगा, टीएसजी जो कि लगातार लूट करते हुए ब्राजीलिया के अंदर एंट्री यहाँ पर ले ली गई, बट तीन प्लेयर्स होने वाले हैं। यार तीन प्लेयर्स का नुकसान भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यार आप लोग फाइट तो निकाल सकते हो बट लेकिन चार प्लेयर्स नहीं है आपकी टीम का, कोई एक ऐसा प्लेयर जब एलिमिनेट होता है ना, यानी कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यार आप प्रॉपरली फाइट नहीं ले पाओगे एंड आपको उस प्लेयर की कमी बिल्कुल यहाँ पर मैच के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर चलते हैं बाकी टीम से, सीआरएच की फाइनल तरफ होने वाली कार लेकर आते हैं ब्राजीलिया में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा टीएसजी क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे, आई थिंक बहुत ज्यादा क्लोजिंग रहने वाले हैं। क्या ट्राई करेंगे डबल वेक्टर उनके पास यहाँ पर रहने वाले, फिलहाल आगे बढ़ेंगे डबल वेक्टर के साथ, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा प्लेयर को क्या वो यहाँ पर पकड़ पाएंगे, पीछे जाएंगे डबल वेक्टर के साथ रहने वाले इसी के साथ करेगा। तो यहाँ पर अपना किल कंफर्म जरूर कर लेंगे। तो गाइस देखना होगा डबल वेक्टर का बहुत शानदार यूज आप किया, तो आप लोग क्या डबल वेक्टर चला सकते हो गेम के अंदर, आपको मजा आएगा। यहाँ पर थ्री साइड गेमर्स है, कमेंट आए यहाँ पर बोल रहे हैं ईस्ट और वेस्ट टीएसजी इज द बेस्ट, यार सपोर्ट आपको गाइस ऐसे ही बनाए रखना है। एंड यहाँ पर तो यार आपको थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पर फाइट लेनी होगी। इसी के साथ सबके मुंह पर लगेगा ताला जब फॉर्म में आएगा माफिया भारत। तो मिस्टर क्रिएटिव का कमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, क्रिएटिव के लिए गाइस यहाँ पर देखा, तो आप लोग भी यार कमेंट कीजिए, मैं आपके नाम यहाँ पर बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। रेट से गो बाय गॉड यहाँ पर कार लेके जा रहा है सीआरएक्स डिवाइन, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा क्या अपने कदम पीछे रह गए, बट यूजी एम्पायर की फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं अब जाते हैं यूजी एम्पायर गैलेक्सी रेसर की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, गैलेक्सी रेसर के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली है। गोलियां तो चलाई जा रही है, बढ़ाई थी शायद से फोर अननोन के ऊपर प्रहार किया जा रहा था, राधे ठाकुर के लौते प्लेयर बच्चे जो कि सर्वाइव कर रहे हैं। एंड बाकी टीम्स की अगर बात करते हैं तो यूजी एम्पायर एक तरफ होने वाली, रजिस्टर कवर यहाँ पर होल्ड करके रखा जाएगा, नीचे फोर अननोन यहाँ पर रहने वाले, दिखाई सपोर्ट यहाँ पर फुल ऑन आपको दिखाते रहना है। और देखा जाए तो यहाँ पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं टीम लीड जिंदाबाद, तो यहाँ पर लगाया जा रहा है यहाँ पर गोल इतना जा रहा है करने वाले वो देखना होगा, यूजी का उनको बख्शने वाले बढ़ा दी, यूजी के ऊपर मुसीबत बढ़ने वाली है, टोटल गेमिंग यहाँ पर निकल कर आई है। देखना होगा बाकी कौन सी टीम इनके ऊपर प्रहार करने वाली है, आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की जाए टीएसजी की फाइट चलने वाली सीआरएक्स डिवाइन के साथ, तीन प्लेयर यहाँ पर रहने वाले 3v3, ये फाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल नेट जो है वो थ्रो कर रहे हैं, क्या वो कनेक्ट हो पाएंगे। अगर बात किया तो ऊपर डैमेज जरूर दिया गया, एरिया ने बहुत ज्यादा चोटी यहाँ पर कर दिया जाएंगे, एक और लीड यहाँ पर आने वाला है। फिलहाल क्या कनेक्ट हो पाएगा, पोजिशन यहाँ पर ले लेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सी के साथ
यहाँ पर थोड़ा देखना होगा टीएसजी रहते कितनी देर तक अपने आपको संभालने वाला है। यहाँ पर डबल वेटरन को देखने मिल रही है, सिर्फ एक ही किल निकालेगा टीएसजी की तरफ से। गाइस क्या आप लोग 15,000 की वर्चुअल क्रॉस कर पाएंगे? मिलेगा आई थिंक यहाँ पर बरन को नॉक करके गया, बट यहाँ पर क्या पकड़ पाएंगे? तो ऋतिक का बहुत अच्छा गेम प्ले, अकेले प्लेयर हमको नजर आने वाले, देखना होगा यहाँ पर सीआरएक्स शेर ने कितना अच्छा सरवाइव कर पाएंगे। वो यहाँ से निकल चुके, आगे बढ़ेंगे सरवाइव करने के दो प्लेयर्स टीएसजी के पास होने वाले। बस चलते हैं जानते टीम मिली टोटल गेमिंग यहाँ पर ट्राई कर खुद को डैमेज नहीं रहने वाले प्लेयर्स के पास। बस चलते हैं जानते हैं माफिया यहां पर कितने देर सरवाइव करेंगे। गाइस यहां पर अगर जल्दी से लाइक कीजिएगा, जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करिएगा। टीम बिलीड यहां पर बचाने वाले चार किल यहां पर निकाल ली गई। गाड़ियां लेकर आए थे, कार लेकर आए थे, स्पोर्ट्स कार लेकर आए थे अपने लिए, सर्कल में जगह भी बना ली। एक बार सर्कल आपको दिखा देता हूं जो कि यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है। टीम एलीट सर्कल के पास आपको यहां पर नजर आ चुके हैं, देखना होगा कितने अच्छे लूट के पास बाकी रहने वाले। टीएसजी विहान यहां पर ऋतिक दो ही प्लेयर्स बचे रहेंगे, सर्वाइव इनको करना पड़ेगा। सर्कल के अंदर जा रहा होगा सामने डेंजर जोन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। मीटर शावर होने वाला है कितनी देर तक अपने आपको बचा पाएंगे मुझे देखना होगा। सीआरएक्स शेरनी एक तरफ होने वाले हैं फिलहाल, इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होने वाले, बट शेरनी यहाँ पर लगातार सर्वाइव करते हैं, ऊपर होने वाले टीएसजी एंड नीचे सीआरएक्स शेरनी। यहाँ पर क्या इनकी फाइट होगी, क्या 1v2 यहाँ पर निकाल पाएंगे? टीम एलीट सर्वाइवर्स की अगर बात करते हैं, सर्वाइवर्स यहाँ पर सेफली सर्वाइव करे, कोई भी गलती नहीं करना चाहते, कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं की जा रही है। चारों प्लेयर्स को बचाकर रखा गया है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतना अच्छा सर्वाइव यहाँ पर करेंगे। समन ड्रॉप मंगवाए हैं, अच्छे वेपन इनके पास जाने वाले हैं। यूज एलिमिनेट हो चुके हैं, एसी फुट की बात है तो आई थिंक यहाँ पर उनको पकड़ा जाएगा। देखना होगा वो रनों से डैश से यहाँ पर ट्राई करेंगे। खिलौने प्लेयर यहाँ पर करके बचे रहेंगे, कितनी देर तक संभाल पाएंगे? किसी भी कीमत पर प्लेयर को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो धीरे धीरे करके ट्राई यहाँ पर करना जाएगा। जिप लाइन से एक प्लेयर आगे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल प्लेयर्स यहाँ पर ट्राई करने वाले डैमेज देने का, और सी के साथ बात की जाए तो बाकी के प्लेयर्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यस यहाँ पर माली आगे की तरफ जाते देखना पड़ेगा, संजय यहाँ पर क्या रोक पाएंगे, अकेले प्लेयर को क्या यहाँ पर पकड़ा जाएगा? तो पूरे की पूरी उम्मीद यहाँ पर रहने वाली कि इनको यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। अच्छे वेपन इनके पास आपको देखने के लिए मिले, लेजेंडरी लेजेंड ही ओपी बोलते हैं। तो गाइस सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपके जितने भी कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा और आपका सबका प्यारा टीजी का साथ हमारा। तो गाइस यहाँ पर फाइनली पकड़ा जा चुका है, फोर अननोन के ऊपर एलिमिनेट कर देगा। देखना होगा ये गेम के अंदर टीम मिलिट क्या बुआ निकाल पाएगी। तो गाइस टीम मिलिट के लिए हैशटैग आप लोग लगा सकते हैं, सपोर्ट फुल ऑन यहाँ पर बनाए रखिए। फाइनली देखा तो टीएसजी ऋतिक भी यहाँ पर करके किल निकाले, 6 किल्स यहाँ पर निकाल ली गई है टीम एलीट की तरफ से। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पर सिर्फ 11 प्लेयर्स बचे रहने वाला है, टोटली 4 किल्स हमें देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर, जो कि आइकॉनिक के पास टोटल 6 किल के साथ आपको यहाँ पर नजर आने वाले। लगातार डैमेज यहाँ पर देते हुए देखने के लिए मिल जाएगा, 3 टीम्स यहाँ पर अलाइव रहने वाले। गाइस क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, क्या वो एएस स्पोर्ट होने वाले, क्या वो सर्वाइवर्स हो रहे हैं या फिर टीम एलीट यहाँ से भूया निकल कर जाएगी? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। गाड़ियां यहाँ पर तोड़ दी है, इनको पता है कि यार सामने जो टीम है कोई भी गलती ना करे, टीम एलीट को कोई भी मौका ना मिले जिससे वो गाड़ी लेकर डायरेक्टली आगे सर्कल की तरफ बढ़ पाए। बढ़ाए थी क्या वो कर
पंप किया जाएगा। यहाँ पर एक तरफ टीम लीड होने वाली है, वो लगातार ट्राई करी सर्वाइवर ट्राई करी, यहाँ पर शॉट्स कर पाए, बट टीम लीड कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिल से लीड होने वाला है, चलता है टीम लीड के पास जाता है, टीम लीड का रश यहाँ पर होने वाला, वॉल टॉप लगा लेंगे यहाँ पर, आज आइकॉनिक नेट जो बरस रहा है, क्या वो यहाँ पर कनेक्ट कर पाएगा, यहाँ पर देखना होगा कितने नेट्स उनके पास आने वाला। आरडीपी आगे बढ़ेंगे, आरडीपी का रश यहाँ पर होने वाला, यहाँ पर निकाला जा चुका है कौन नॉक आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आइकॉनिक उनका साथ देंगे, फाइनली पीछे जाएंगे पहाड़ी जो कि यहाँ पर चलाएंगे ड्रैग डोर M10 4D उनके पास आने वाला, आइकॉनिक यहाँ पर ट्राई करें कितना ज्यादा डैमेज वो यहाँ पर दे पाएंगे। तीन प्लेयर्स कहीं के बची रहने वाले, फिलहाल देखना होगा दो प्लेयर्स होने वाले, एस स्पोर्ट के पास ट्राई करेंगे सर्वाइवर के प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा। आरडीपी कोई भी गलती यहाँ पर लेकर अच्छा सर्कल उनके पास यहाँ पर रहेगा, वीएसएस का फायदा पूरा का पूरा यहाँ पर उठाया जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्या वो शॉट कनेक्ट कर पाएगा, क्या वो कोई नॉक यहाँ पर निकल कर आ पाएगा, आइकॉनिक के नेट यहाँ पर कनेक्ट होने वाले, किया गोल्डन का फिनिश ऑफ कर देंगे, इसी के साथ साथ यश इकलौते प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करते हुए हमको नजर आ जाएंगे। देखना होगा एएस स्पोर्ट होने वाली गाइस, दो प्लेयर्स इनके पास भी बचे हुए अपने लिए कवर बनाकर रखा, देखना होगा टीम एलीट ऑलरेडी यहाँ पर 9 किल्स निकाल चुके, एक तरफ पहाड़ी होने वाला, आइकॉनिक को पता है कि कहां पर आगे बढ़ना है, टीम लीड से आरडीपी भी यहां पर आने वाले, बट बाकी के जो प्लेयर्स होने वाले यश यहां पर कितना अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। सामने पहाड़ी पहले ही सेट बैठे, उनको पता है कि नीचे से प्लेयर्स यहां पर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे ड्रैगना को शॉट्स यहां पर कनेक्ट जी हां किए जाने वाले। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सी टीम यहां पर भूया निकाल कर जाएगा, एंड सपोर्ट यहां पर बनाए रखेगा, एंड देखना होगा यहां पर धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ेंगे, एनसी के साथ साथ गाइस आरडीपी यहां पर पहाड़ी यहां पर आगे बढ़ेंगे, सर्वाइवर से यहां पर एलिमिनेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आरडीपी यहां पर ट्राई करना चाहते हैं, बट कहने की आइकॉनिक एक तरफ होने वाले, फिर से यहां पर पहाड़ी आगे बढ़ जाती है, इकलौते अपने बच्चे क्या वो यहां पर भूया निकाल पाएंगे, जिया यहां पर टीम लीड भूया निकालकर चाहिए। तो गाइस बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला, एंड सी के साथ बात के लिए जाता है, एक बार हम लोग यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेते ताकि यहाँ पर रिजल्ट्स है वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, देखा जाएगा कौन सी टीम जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ती हुई हमको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो गाइस बहुत ही अच्छा गेम प्ले जो है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला, हर एक टीम ने यहाँ पर मचाया थे। यहाँ पर बात करूं तो यार टीम लीड टोटली 10 किल्स के साथ एक बहुत अच्छा बूया यहाँ पर निकाला गया। तो गाइस यहाँ पर अभी तक अगर आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जी हाँ गाइस यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, यहाँ पर ब्लॉक कराइए हम लोग यार 15,000 की वॉचिंग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। सपोर्ट यहाँ पर गाइस सर्वाइवर्स सेकंड पोजीशन लेकर गए, कोई भी किल हमें उनके पास जब देखने के लिए नहीं मिला है, और थर्ड पर जो टीम आई हमें एएस स्पोर्ट देखने के लिए, उनके पास 4 किल्स यहां पर निकल कर आए, चारों प्लेयर्स यहां पर एक एक किल जी हमें निकाले। तो गाइस सब तक मैं आपके कमेंट्स यहां पर पढ़ना चाहूंगा, आपके जितने भी कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं आइकॉनिक दिल से लीड यहां पर लगाया जा रहा है, हमारा और सबका प्यारा टीजी का है साथ, हमारा सबका सपोर्ट आपको ऐसे बनाए रखना है, जितना भी ज्यादा सपोर्ट हो सके टीम लीड के लिए लगाया जा रहा है, टोटल गेमिंग के लिए लगाया जा रहा है, टीएचसी के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है, सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा फुल ऑन। हाँ गाइस यहाँ पर देखना होगा यार कौन सी टीम थर्ड मैच के अंदर मचाने वाली, फिलहाल यहाँ पर आई थिंक अगर मैं बात करूँ तो कालाहारी मैप होने वाला हमारा अगला मैप, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर आती है कालाहारी मैप के लिए। गाइस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, कालाहारी मैप है, तीन मेन एरियाज यहाँ पर होने वाले होते हैं, जैसे कि हमारा कमांड पोस्ट हो गया, रिफाइनरी हो गया, बेफ्रंट हो गया, इनके पास हमें सर्कल मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है, मैक्सिमम टाइम्स हमको देखने के लिए मिलता है, एंड ऑफ द सर्कल भी हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, तो सेफली आपको जल्दी से जल्दी लूट करना है। कालाहारी मैप एक ऐसा मैप है, छोटा मैप है, जल्दी से जल्दी आपको रोटेशन देने होते हैं, ग्रैपलिंग हुक गन से आपको एडवांटेज मिलता है, जितना ज्यादा हो सके हाई ग्राउंड का फायदा आपको लेना है, हाई ग्राउंड से अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्मेशन देने, कितने एंगल से कितने डिग्री से कौन सी टीम यहाँ पर आ रही है, कितने प्लेयर्स उनके पास है, कहाँ कहाँ पर कवर लेकर रखा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली टीम्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, जिससे आप लोग किल्स भी निकाल पाओ, टीम को थोड़ा सा कमजोर कर दो, यानी कि एक प्लेयर को आपने डिलीट
नॉक एंड फिनिश कर दिया, दूसरे प्लेयर को खत्म कर दिया, तो आप लोग इजीली रश भी कर पाओगे एंड अपने लिए अच्छे किल यहां पर निकाल पाओगे। तो गाइस देखना होगा धीरे धीरे करके यहां पर टीम तो है वो फिलहाल आज के देखना होगा थर्ड मैप के अंदर कौन सी टीम यहां पर आगे बढ़ेगी। जी आ गए थोड़े से ट्रबल में टीम्स को डाला जाता है बट कहीं ना कहीं यहां पर हमारा जो थर्ड मैप है गाइस यहां पर स्टार्ट हो चुका है काला हरी मैप यहां पर होने तो गाइस रेडी हो जाइए हमारे तीसरे मैच के लिए। देखना होगा कौन कौन सी टीम्स कहां पर लैंड करने वाले, कितने अच्छे रोटेशन यहां पर लिए जाने वाले। फिलहाल टीएसजी लेजेंड एंटर्ड यहां पर टीजी ओपी बोलते हैं, टीजी जैसा कोई हार्ड इच नहीं है। तो गाइस यहां पर रखेगा एंड यहां पर आज के अगर बात की तो हर एक टीम में उनके एरो की प्रोफाइल पर देखिए गैलेक्सी जितना पर होने वाले गैलेक्सी जैसे के पास उनके प्लेयर्स होने वाले हैं। आज हमको बाजियो देखने के लिए नहीं मिले बट वो रन आउट के पास हमको जरूर प्लेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर आई थिंक थोड़ा सा ये लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे वो देखना होगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर जी हाँ टोटल गेमिंग क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएगी तो वो हम करेंगे देखने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर जो फाइट्स है वो कहीं ना कहीं ले लिया, देखना होगा गाइस कितने किल्स यहाँ पर कितने नॉक्स जब निकाले जाने वाले। कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा हलचल चल रहा है एंड लेजेंड इज बैक जीएक्सआर के लिए लगा जा रहे हैं दिल से एलीट ज्ञान गेमिंग यहां पर लगाया जा रहा है। कल ओह माय गॉड पहाड़ी के लिए हैशटैग लगाया जा रहा है गाइस तो बहुत शानदार गेम प्ले यहां पर देखने के लिए मिलेगा। टीम लीड के पास चलते हैं, टीम लीड जैसा भूया यहां पर पिछले गेम में निकाला तो देखना होगा क्या काउंसिल हॉल के ऊपर जाना पसंद करके फोर अनोन रिफाइनरी के ऊपर जाना पसंद करती है और धीरे धीरे करके टीम से यहां पर कहने के लैंड भी करती है। तो सबसे पहले जानेंगे एरो स्पोर्ट जाने वाले धीरे धीरे करके यहाँ पर आई थिंक काउंसिल हॉल की तरफ जाएगी और बे फ्रंट के ऊपर जाती हुई नजर आने वाले बट बात किया गैलेक्सी रेसर जो कि जाती है दमेश के ऊपर लूट करेंगे फोर अनोन हमको उतरती नजर आती है रिफाइनरी का एरिया ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अच्छी लूट के पास सिकल करा पाती है। एएस स्पोर्ट की बात की जाए तो मैमथ के ऊपर हमको देखने के लिए मिल जाएगी ह्यूज एम्पायर कन्फाइनमेंट के ऊपर उतरेगी सी के साथ टोटल गेमिंग की बात की जाए तो वो सैंटा कैटरीना यहाँ पर लूट करते हुए सर्वाइवर लेकिन फिलहाल देखा जाए तो लगातार यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा यश यहाँ पर क्या अपने को रिवाइव दे पाएंगे सी के साथ यहाँ पर टीम ओपी आपको देखने के लिए मिल जाएगी दो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो जल्दी से लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा हर एक टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगा। आप लोग सपोर्ट करने के लिए फुल ऑन यहाँ पर अपने जोश के साथ यहाँ पर आएंगे हैशटैग लगाएंगे टीएसजी यहाँ पर ओजस्वी आ चुके थे ओजस्वी के लिए मैं यहाँ पर देख रहा था ओजस्वी के लिए हैशटैग जो है वो बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे। देखना होगा विहान एक तरफ होने वाले इंपोस्टर हमको देखने के लिए मिले ऋतिक यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं नजर आने वाले इसी के साथ बात किया लूट करेंगे दसअप का एरिया होने वाला है। गाइस आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में आप काला हरी मैप के अंदर कहाँ पर उतरना पसंद करते हैं। इसी के साथ बात किया सीआरएस की देखना पड़ेगा यहाँ पर एक लौती प्लेयर सुशी है वो बची रहेंगे फिलहाल सेजी को यहाँ पर रॉक करके रखा जाए क्या ये अकेली प्लेयर से बचकर निकल पाएंगे सर्वाइव यहाँ पर कर पाएंगे। एएस स्पोर्ट क्या उनका पीछा आई थिंक यहाँ पर एरो स्पोर्ट होने वाली क्या उनका यहाँ पर पीछा कर पाएंगे एक प्लेयर यहाँ पर लिया गया बट एबीडी यहाँ पर चाहते हैं जल्दी जल्दी उस प्लेयर को पकड़ा जाए कहीं ना कहीं एक सरप्राइज यहाँ पर दिया जाए एलिमिनेट किया जाए बैक टू लॉब यहाँ पर जल्दी जल्दी किया जाए। देखना होगा कितनी दूर तक यहाँ पर टीम जो है वो पूरा का पूरा पीछा यहाँ पर करने जाने वाली है। अरे टोटल गेमिंग यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाले तो गाइस चलते हैं टोटल गेमिंग के पास जानते हैं। टोटल गेमिंग यहाँ पर डिलीट होने वाले एक तरफ आगे बढ़ेंगे हॉट जोन के ऊपर लूट करते हुए कहने के हमको नजर आ जाएंगे MP14 का तो रहने वाली है एनसी के साथ क्या वो डैमेज यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे सामने
कितने प्लेयर्स यहाँ पर होने वाले, बट दो किल्स लिटरली यहाँ पर निकाले हैं। इसी के साथ साथ हम लूट करते नजर तो आ रहे हैं, बट प्लेयर्स कितने बचे रहेंगे वो भी देखना होगा। बट यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली, बाकी प्लेयर्स यहाँ पर ट्राई करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अपनी अच्छी लूट यहाँ पर करके आगे। सो गाइस यहाँ पर जो टीम्स है वो आगे बढ़ते हुए हमको नजर आने वाले हैं, देखना होगा कितने आगे तक यहाँ पर बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर लूट करते हुए हमको नजर आने वाले सीक्रेट सर्वाइवर्स की बात है तो वो भी यहाँ पर लूट करते हुए व्यस्त रहेंगे। एक टीम लीड यहाँ पर होने वाली बीजी जो कि लूट करेगी, आइकॉनिक यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, TSG आर्मी यहाँ पर होने वाले धीरे धीरे करके यहाँ पर लूट करते हुए हमको नजर आने वाले। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर रोटेशंस भी कहीं ना कहीं लिए जाएंगे, देखना होगा कितनी देर तक अपने आपको यहाँ पर संभालने वाले। फिलहाल ओजस्वी एक तरफ होने वाले, विहान यहाँ पर ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ट्राई कर पाए कहने के CRX सुशी जो कि यहाँ पर एक किलौती प्लेयर बचे, बट आई थिंक ऊपर एक टीम होने वाले, क्या वो यहाँ पर स्पॉट कर पाए। आई थिंक 4 unknown यहाँ पर रहने वाला, थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर फाइट होने वाला। आई थिंक अगर उनको स्पॉट किया जाता तो शायद से यहाँ पर सुशी को एलिमिनेट होना पड़ सकता है। चलते यहाँ पर 4 unknown के पास जाते हैं, वो कहाँ कहाँ तक रहने वाले। आई थिंक स्वास्तिक जो कि फिलहाल पीछे हट चुके हैं, भनक यहाँ पर नहीं लगने दी गई है। एंड सी के साथ सुशी के पास एक मौका रहने के वाला है कि यार वो यहाँ से जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, सर्वाइव करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट टोटल गेमिंग के पास, माफिया के पास आ चुके डबल स्नाइपर्स, टीम एलीट यहाँ पर लूट करेगी। बट गाइस लिटरली आपके जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे मैं यहाँ पर रीड आउट करने वाला हूँ। 15,000 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोजिंग रहने वाले हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर। यहाँ पर एक कमेंट आएगा इस कहने के, हुसैन अंसारी की तरफ से सब तरफ धमाल छाया जब टीजे ने अपना गेम दिखाया, तो देखना होगा TGR और कितने अच्छे गेम प्ले के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगी। GXR के हैशटैग लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, कहने के थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया जा रहा है, कितना आगे तक सपोर्ट यहाँ पर आपको बनाए रखना गाइस। एक साथ लाइक करना, अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सपोर्ट फुल ऑन यहाँ पर दिखा दे रहेगा। TSG यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल चुके हैं, पोस्टर यहाँ पर यार कमेंट सेक्शन में लगाए जा रहे हैं यार ये प्लेयर लेजेंड होने वाले। यार आप लोग बताइएगा यार इम्पोस्टर आपके अकॉर्डिंगली कौन होने वाला है। VSS उसके पास हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे, ऋतिक एक तरफ होने वाले, कुछ यहाँ पर सर्वाइव कहने के बहुत अच्छे सर्वाइव यहाँ पर करना होगा। बट गेमिंग सुब्रता यहाँ पर सर्वाइव करते हुए नजर आ जाएंगे सी के साथ। कहीं ना कहीं बात करें हम लोग बाकी के प्लेयर्स की, तो यहाँ पर गाइस 39 प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं। पहला सर्कल जो है वो सेंटर जाने वाला है, रिफाइनरी और थोड़ा सा जो नीचे एरिया होने वाला है ना वो हमको देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर जितनी भी टीम्स ट्राई करेंगी वो पहले आगे बढ़ेंगे। TSG के पास एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी सर्कल में रहे, फोर अननोन कितना आगे तक बढ़ पाएगी वो देखना होगा। बट रिफाइनरी का एरिया इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले, इनके पास सेंटर ऑलमोस्ट रहने वाला, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आगे जाते तो हायर ग्राउंड का फायदा उनको यहाँ पर मिल पाएगा। सुशी जब एक किल कंफर्म कर लें, कोई भी मौका यहां पर नहीं दिया गया, देखना होगा। सुशी के एंगल से हम लोग जानना चाहेंगे सुशी यहां पर कितना अच्छा सर्वाइव करने वाले, क्या वो 1v3 यहां पर निकाल पाएंगे। CRX डिवाइन की तरफ से क्लॉथी पे यहां पर बच रहे हैं, मेडिकेट की कमी उनके पास रहने वाली, ग्रैपलिंग हुक उनके पास आगे बढ़ते हैं। फाइनली उनको यहां पर डैमेज बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, बट यहां से निकलना थोड़ा इंपॉसिबल होने वाला है। इनहेलर यहां पर यूज किया जा रहा है, कितनी देर तक अपने आपको बचाने वाले, थोड़ा सा मन लगा फोर यहाँ पर ट्राई करें जैसे उनको पकड़ पैंड कहने के, कितनी देर तक क्या वो यहाँ पर पकड़ पाएगी। स्वास्तिक का एम अगर सेट होता तो शायद से वो ऊपर की तरफ जाएंगे, बट अगर पकड़ते हैं तो शायद से डेड सोल ट्राई करें। फाइनली यहाँ पर पकड़ेंगे, CRX डिवाइन यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे सी के साथ। पहला किल 4 unknown यहाँ पर करके निकाल लिया, यूजी एम्पायर एक तरफ लूट करते, टोटल गेमिंग हमको यहाँ पर नजर आ जाएगी। चारों प्लेयर धीरे धीरे यहाँ पर लूट कर जाएंगे, सर्वाइवर्स यहाँ पर लूट करिए, सर्कल की तरह हर एक टीम को आगे बढ़ना होगा। टीम लीड अगर हम लोग बात करते तो किलर पोजीशन से यहाँ पर ले लीजिए, क्या वो रिफाइनरी की तरफ बढ़ने वाले हैं या फिर नहीं बढ़ने वाले। गाइस आप लोग बताइए, टीम लीड जो भी चोरी छुपे रिजिस का कवर यहाँ पर लेकर बैठे, क्या वो घात लगाने वाली है, क्या वो आगे बढ़ेगी। सामने कोई टीम उनके होने वाले, आइकॉनिक के नेट से यहाँ पर बरसने वाले, बट ऊपर जो है वो लगाई गई है। क्रोनो की एबिलिटी नेट से यहाँ पर आने वाले हैं, आइकॉनिक के पास कितने नेट्स होने वाले, नेट मास्टर ही होते हैं इनके पास, बहुत सारे नेट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर आई थिंक पहाड़ी को एक शॉट कनेक्ट किया गया, जल्दी से बॉल यहाँ पर लगाने होगी, आई थिंक अंदर जाना होगा नहीं तो नॉक होने के चांस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। बट फिलहाल बात की जाए तो
टीम एलीट क्या आगे बढ़ पाएगी, क्लियर क्या नजरे क्या बन पाएगी एंड आरडीपी यहाँ पर कितनी देर तक संभालने वाले। यहाँ पर शील्ड जावल लगाएगी, सामने एक प्लेयर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ग्रैपलिंग गन हो तो ग्रैपलिंग हुक गन होती तो शायद से मैं और ज्यादा मजा आता है कहने के देखने के लिए। बट आई थिंक आरडीपी यहाँ पर नेट जो थ्रो करना चाहते हैं, बट क्या वो कनेक्ट हो पाएगा, कनेक्ट होता तो शायद से नॉक निकालेंगे। बहुत अच्छा रश हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल ट्राई करें आइकॉन एक तरफ पहाड़ी एक तरफ पूरा का पूरा एरिया समझ रहे कौन सा प्लेयर किस किस एंगल पर यहाँ पर बैठा हुआ। तो गए थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर फाइट नहीं होगी, बट कहने की नेट अभी भी थ्रो की जाएगी साथ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत शानदार फाइट्स हमको देखने के लिए मिले। यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूंगा, टीम एलीट पिछले गेम में भूया निकाले, पहले गेम के अंदर यहाँ पर भूया निकालना टीएसजी आर्मी द्वारा एक अच्छा गेम प्ले दिखाना होगा हर एक टीम को अगर टॉप थ्री के अंदर अपने लिए पोजीशन बनानी है। तो आपके कमेंट्स गाइस मैं यहाँ पर रीड करने वाले हैं। यहाँ पर टीएसजी इंपोस्टर टीएसजी लेजेंड आ जाएगा, यहाँ पर टीजी स्पोर्ट के लिए सपोर्ट दिखाया जाए, आपको यार फुल ऑन सपोर्ट जो है वो दिखाना है एंड लेजेंड इज माय फेवरेट एंड बेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर फुल ऑन मोटिवेशन दिया जा रहा है कि टीम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी पोजीशन यहाँ पर लेकर जाए। Why no official custom? तो गाइस यहाँ पर official custom आज ही अपडेट आया, तो गाइस आपको बताएगी यार official custom एक दो दिन के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर तब तक हम लोग ऐसे ही देखेंगे यार कुणाल आई थिंक 4 unknown के पास चलते summon drop यहाँ पर मंगवाते हुए प्लेयर्स हमको देखने के लिए मिल रहा। बट बहुत ही चालाकी से यहाँ पर CRX Divine ने एक प्लेयर को पकड़ा, यानी कि आनंद को जो कि डबल स्नाइपर प्लेयर इनकी टीम में थे। देखते हैं यार ये एरिया कितनी देर तक ये होल्ड करने वाले, सर्कल इनके पास कितनी देर तक रहने वाले, कितने डिफरेंट स्ट्रेटजीज इनके पास होंगी। बट आई थिंक आप लोग देख सकते हो गाइस सर्कल में समन एयर ड्रॉप भी मंगाया जा रहा है, बट ये सर्कल जाने वाला थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पर मूव इन कर चुका है, शिफ्ट इन ले चुका है एंड थोड़ा सा रिफाइनरी के नीचे की तरफ जाएगा। आई थिंक दमेश रिफाइनरी का जो सेंटर रहेगा वो यहाँ पर जो भी टीम्स होल्ड कर पाएंगे उनके पास उतना ज्यादा फायदा रहेगा। बट गैलेक्सी रेसर की अगर हम लोग बात करते हैं वो भी यहाँ पर आउट ऑफ द सर्कल रहेंगे, सर्कल में क्या पहुंच पाएंगे क्या यहाँ पर देते हो। अमन यहाँ पर आपको संजय को फिनिश ऑफ करते हुए एंड इसी के साथ गैलेक्सी रेसर अपना पहला किल कहीं ना कहीं कंफर्म करेंगे। देखते हैं नीचे वाले एंगल से हम लोग एक बार जाना चाहेंगे, एक भी यहाँ पर क्या कुछ हाल चाल एंगल कराने वाले हैं, देखना होगा कितनी देर तक यहाँ पर अपने आपको संभाल पाएंगे। टीम सर दो से तीन टीम को एलिमिनेट किया गया इसी के साथ यूजी एक तरफ होने वाली एस की बात किया तो कहने के एक अपने कंपाउंड के अंदर कैद होकर रह जाएंगे, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होने वाला, सर्कल के अंदर जाना इतना आसान नहीं रहने वाला। फटफू रनून एक तरफ होने वाली गैलेक्सी रेसर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, पूरा ट्राई करेगी जितना हो सकेगा उतना ज्यादा यहाँ पर कोशिश करने वाली है किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने ना दिया जाए। क्या टीएसजी भी सर्कल के बाहर यहाँ पर रहने वाली गाइस, तो देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल सम सिचुएशन में फंस सकते टीएसजी, अच्छा ओजस्वी के यहाँ पर डाउन करके रखा जाएगा। इमोशनल ऋतिक यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे, सर्कल यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला M79 यहाँ पर थ्रो किया जाएगा ऋतिक के पास यहाँ पर रहने वाले, बट यहाँ पर देखना होगा। फिलहाल बाला फिनिश ऑफ करते हैं टोटल गेमिंग गाइस सबके यहाँ पर देखने के लिए मिले क्लोटा प्लेयर, बट यहाँ पर कहने की लैंडमाइन से एलिमिनेट हो जाएंगे सी के साथ। यहाँ पर सर्वाइवर्स को हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे ट्रेडिशन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर फाइट से देखना होगा, सर्वाइवर टोटल गेमिंग को यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा एंड सी के साथ यूजी एम्पायर इस पर सर्वाइव करिए दो के उनके पास निकल कर आने वाले ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव यहाँ पर करेंगे। कहने के टीएसजी को दिखाओ, तो गाइस टीएसजी को हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहेंगे एंड गैलेक्सी रेसर यहाँ पर बची है, बट टीएसजी आई थिंक यहाँ पर बचे
सुब्रता टाइगर एक लौते पे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। बना क्या पर नहीं लगाया जा रही, सामने टीम है, पीछे छुपते छुपाते यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। सी के साथ गैलेक्सी रेसर यहाँ पर थोड़ा सा फंसी हुई हमको नजर आने वाले थे। एक नॉक करके रखा जाएगा, स्नाइपर शॉट यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, कॉल नहीं आ पाएगा, बट यहाँ पर सक्सेसफुली एक नॉक जो निकाला जा चुका है। मैरी एक्स यहाँ पर रिवाइव देंगे, अपने प्लेयर्स को सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा कहने के रिवाइव देते हैं। अमन को अगर रिवाइव मिल जाता तो जल्दी जल्दी सर्कल में ही पहुंच पाएंगे, बट आई थिंक टीम जो वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल देखना होगा गैलेक्सी रेसर कितनी तेजी में आगे बढ़ने वाली, क्या वो यहाँ पर संभल पाएगी। सामने होने वाली आई थिंक टीम लीड यहाँ पर गेट कीपिंग करने के लिए फुल ऑन रेड यहाँ पर रहने वाली। पहाड़ी के स्नाइपर शॉट्स क्या यहाँ पर कनेक्ट हो पाए तो गाइस यहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा, हैशटैग यहाँ पर नहीं लगाया लगाइएगा, लाइक अगर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब उस पर टैप कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर टूर्नामेंट के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो हर एक टीम को यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए एट प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहने वाले, देखना होगा तीन यहाँ पर निकाली गई। सी के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत यहाँ पर लगाई जा रही है पहाड़ी के ऊपर, लेफ्ट साइड से भी रश होने वाले हैं, लेफ्ट साइड से डैमेज दे रहे हैं। कौन कौन सी टीम यहाँ पर बचे रहेंगे, सर्वाइवर ऑलरेडी यहाँ पर आठ गेंद से काफी पूरा ट्राई करेगी, गोल्डन उनका साथ देंगे। यहाँ पर की जा रही, बस यश को यहाँ पर पकड़ा जा चुका है, आई थिंक रिवाइव मिलना क्या इतना आसान है वो देखना होगा, बट कहने की बहुत ज्यादा लो एचपी यहाँ पर उनके पास है कि अगर बस से तो शायद से एंड मूवमेंट पर कहने के बच पाएंगे, बट जी नहीं यहाँ पर रिवाइव देना बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं रहने वाला। टीम मिलिट के पास तीन प्लेयर्स होने वाले, सर्वाइवर के पास तीन प्लेयर्स होने वाले, वो भी आगे बढ़ेंगे। आइकॉन यहाँ पर ट्राई करें, टीम मिलिट आरडी भी यहाँ पर होने वाले, वीएसएस यहाँ पर कौन गुया निकाल के जाने वाले, तो गाइस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए क्या लगता है, वो सर्वाइवर्स हो रहे होने वाले या फिर टीम मिलिट होने वाले। धीरे धीरे करके रोटेशन यहाँ पर लेने होंगे, बट सर्वाइवर्स यहाँ पर एएस स्पोर्ट को एलिमिनेट करते हुए छह प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव रहेंगे सर्कल में जगह बनाने को। एयर ड्रॉप का कवर यहाँ पर बनाना होगा, सी के साथ आरडी भी आगे बढ़ते टोटली यहाँ पर अगर बात करें छह किल से अपने निकाल के ऊपर सर्वाइवर, आई थिंक ऊपर के एंगल से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ट्राई करें, बट यहाँ पर एक साइपर शॉट्स कनेक्ट कर जाएगा, शॉट ही यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, इग्नाइटेड टोल क्या जल्दी जल्दी पहुंच पाएंगे रिवाइव देंगे। ये फाइट गाइस होने वाली 3v3, तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर फाइट करेंगे कौन सी टीम आप भूया निकालेगी। सर्वाइवर्स के पास गाइस होने वाले टोटली 9 किल्स एंड यहाँ पर 6 किल्स होने वाले टीम मिनट के पास, टीम मिनट ऑलरेडी एक भूया यहाँ पर निकाल चुके हैं। सर्वाइवर्स के पास पिछले गेम के पास अच्छे सर्वाइव अधिक प्लेसमेंट पॉइंट निकल कर आए थे, किल ज्यादा नहीं थी, एक और दो किल पॉइंट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, बट यहाँ पर ये भूया किसके फेवर में जाने वाले, बट आई थिंक यहाँ पर आप लोग भी सपोर्ट करोगे टीम मिनट को, क्योंकि सर्कल आई थिंक देखने के साथ साथ ऐसा लग रहा है टेंट का कवर इनके पास है, प्लेयर सुपर की तरफ है, तो ये भूया किसके पास जाएगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जल्दी से हैशटैग लगाइएगा, हमें बताइएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, 16,000 लाइक यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, 20,000 लाइक क्या आप लोग जल्दी से किसके पास तो ये भूया दिया गाइस ट्राई करेंगे सेक्शन लगाएगा खेल इस साइड पर, फिर यहाँ पर लास्टली भूया जो वो निकाल देंगे। देखना होगा यार कौन कौन सी टीम्स के पास कितने पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, और हम लोग यार एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर कितने जो है वो पॉइंट्स निकाले। एंड सी के साथ बात की जाए तो यहाँ पर हर एक टीम का बहुत शानदार गेम प्ले, बहुत ज्यादा बेस्ट गेम प्ले हमको आपको देखने के लिए मिला। टीम लीड यहाँ पर बात करें टोटली 9 किल्स यहाँ पर निकाल कर एक बहुत ही अच्छा भूया जो है वो लेकर गए। तो गाइस हमारे तीन मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, रिपीट होंगे एक बार और मैप्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, बरमुडा बर्गेट्री एंड काला आरी हमको यहाँ पर निराने वाले। तो गाइस आप लोग रेडी हो जाओगे क्या एक और बार यहाँ पर तहलका मचाने के लिए। जी हाँ गाइस देखना होगा, फिलहाल थोड़े से रोटेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं लेने होंगे, इसी के साथ थोड़ा सोच समझ कर जो फाइट है वो कहीं ना कहीं लेने होंगे। तो गाइस देखना होगा फिलहाल टीम्स यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगे। जी हाँ गाइस हमारा जो मैच है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है, तो गाइस चलते हैं पर हमारे साथ अब जो जुड़ने वाले हैं प्रसाद आपको बताएंगे और बाकी तीन मैचेस का हाल यहाँ पर क्या होने वाला है, कितने रोटेशन आप ले जाएंगे। बट यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि यार एक भूया टीएसजी आर्मी ने निकाल दिया, दो भूया यहाँ पर निकाल चुके हमारी टीम मिलीकर, बहुत अच्छा गेम प्ले कहने की हमको यहाँ पर टीम्स की तरफ से देखने के लिए जो है वो मिल रहा है। तो गाइस चलते हैं पर प्रसाद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हेलो
गाइस कैसे हो सब लोग यार। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा ब्लू हार्ट नजर आ रहा है गाइस। आज का कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ऐसा ऐसा सपोर्ट बना के रखिएगा। मैं सुन रहा हूँ यार, लिटरली THG भी मचा रही है बिल्कुल। यहाँ पे ब्लू हार्ट किसके लिए स्पैम किया जाता है हम सभी को पता है। टीम एलिट भी यहाँ पे मचा रही है बहुत ही तगड़ा बिल्कुल गेम प्ले यहाँ पे नजर आ रहा है। जी हाँ गाइस, हम सभी को पता है यार बहुत ज्यादा खूबसूरत आज का कमेंट सेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस। ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, अपनी टीम के लिए सपोर्ट बना के रखिएगा। बात की जाए यहाँ पे तो यार बिल्कुल हमने 10,000 की वॉचिंग क्रॉस करके रखी, बट गाइस जैसे यहाँ पे प्लेन बिल्कुल अपनी उड़ान भरेगा हमें यहाँ पे 15,000 की वॉचिंग क्रॉस करनी है बिल्कुल। गाइस मेक श्योर कि आपने शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, मेक श्योर आपने स्ट्रीम को लाइक किया, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके बिल्कुल आप बन चुके हो चैनल का हिस्सा। एंड यहाँ पे यार बेल नोटिफिकेशन को अगर ऑल पे सेट करते हो तो बिल्कुल दिन ब दिन आपको इन सारी टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पे बर्मुडा फिर से एक बार देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा वेल नोन मैप है। रोटेशंस यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार होने वाले, देखते हैं किस प्रकार से आज हमारी टीम यहाँ पे रोटेट करना पसंद करेगी। जी हाँ गाइस, पहाड़ी के हैशटैग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पहाड़ी ओपी। तो गाइस इस बार पहाड़ी क्या ऐसे ही मचाएंगे, जी हाँ देखने वाली बात होगी। फाइनली बिटअप किया जाएगा फिलहाल स्पॉन लॉबी में। गाइस कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि ये नई जो स्पॉन लॉबी है बिल्कुल आपको कैसी लगी, ये जो एरिया है, ये जो नए नए अंदाज है, नए नए कपड़े आए, आपको यहाँ पे कैसे लगे। जी हाँ मैं जानना चाहता हूँ यार, आज नया अपडेट आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है। गाइस क्या ही बढ़िया अपडेट है यार, वो जो ग्राफिक्स है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो यार स्नाइपर्स के लिए गाइस सबसे ज्यादा अहम बात है ग्राफिक्स की, अगर ग्राफिक्स स्ट्रॉन्ग है तो स्नाइपर प्लेयर सबसे पहले बहुत जल्दी स्पॉट कर पाएंगे जिनकी यार निगाही बास की होती है। तो यार पहाड़ी इसी के वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी स्पॉट कर पा रहे हैं। फाइनली हमेशा की तरह पहाड़ी बहुत ही लाजवाब गेम प्ले दिखा दे, तो देखेंगे आज यहाँ पे किस प्रकार से उनका गेम प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस मेरी निगाह बिल्कुल यहाँ पे रहने वाली है चैट सेक्शन में, दिल से एलिट यहाँ पे लगाया जा रहा है। जी हाँ गाइस देखते हैं यहाँ पे प्लेन पाथ कैसा होने वाला है, गाइस कौन सी टीम कहाँ पे जाएगी, बिकॉज वेल नोन मैप होने वाला है बर्मुडा का। एंड टीम एलिट की बात की जाए तो फिलहाल देखेंगे यहाँ पे वो कहा उतरना पसंद कर रही है। जी हाँ बिल्कुल पहाड़ी हमारी फेवरेट प्लेस के ऊपर। जी हाँ गाइस टीम एलिट का फेवरेट प्लेस सभी को आई थिंक पता होगा, उनके फैंस को तो सबसे ज्यादा पता होगा। जी हाँ केप टाउन के ऊपर उतरते हैं, बहुत तगड़ी लूट करते हैं, वेंडिंग मशीन से यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, येलो बॉक्सेस अगर हो तो उसकी लूट यहाँ पे की जाती है। बट सबसे पहले पहाड़ी के हाथों में स्नाइपर दी जाती है। किलर की बात किया तो ये तो यार M10 के साथ कमाल के शॉट लगाते हैं। जी हाँ गाइस बहुत कमाल का प्रभावशाली प्लेयर है अपनी टीम की तरफ से। आइकॉनिक की बात किया तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, RDP रशर का काम करते हैं। देखेंगे आज का रश क्या यहाँ पे टीम एलिट के लिए बहुत ही ज्यादा खुशियां लाएगा, बिकॉज यार गाइस अगर इस प्लेयर के हाथों में MP40 या M887 आ जाने ये तहलका बिल्कुल तहलका मचा देता है। चलते THG के पास, देखते THG यहाँ पे अपनी फेवरेट प्लेस के ऊपर उतर रहे, बुलसाई के ऊपर लैंडिंग बिल्कुल किया जा रहा है। कोई भी टीम यहाँ पे ग्राउंड शेयर करेगी या फिर नहीं वो थोड़ी देर में पता चलेगा, बट गाइस कदम यहाँ पे बिल्कुल फूक फूक कर रखने होंगे बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी टीम ग्राउंड शेयर कर सकती है तो अर्ली एलिमिनेशन का झटका किसी भी टीम को यहाँ पे लग सकता है। यार इसी बात किया तो बिल्कुल सामने बिल्कुल आ चुका है 182 के डैमेज के साथ का नाइटेड सुशी एक प्लेयर को यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर लेगी। बात की जाए तो इनका किल CR61 के खाते में जरूर आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे किल करने वाला शेरनी और प्लेयर का यहाँ पे किल कंफर्म कर लेगी। जी हाँ दो किल्स यहाँ पे इनके खाते में आ जाएगा। हरियाणा की बात किया तो वो स्पॉट करने की कोशिश करिए, UMB के हाथों में होने वाली। स्नेहा की बात किया तो जी हाँ गाइस खाता अभी तक खुला नहीं, बट देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ गाइस आपको यहाँ पे सपोर्ट करना होगा। चलते टीम के पास देखते क्या वो किसी टीम के साथ ग्राउंड शेयर कर रहे हैं या फिर नहीं। आई थिंक टाउन के ऊपर बिल्कुल एंट्री हो चुकी है। फाइनली यहाँ पे लूट की जाएगी, शॉपिंग की जाएगी पहाड़ी के हाथों में स्नाइपर थोड़ी देर में यहाँ पे नजर आएगी। THG के पास कोई भी टीम ग्राउंड नहीं शेयर कर रही है, देख रहे बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। CRX ने जिस टीम के साथ पंगा लिया था वो टीम यहाँ से बिल्कुल भाग चुकी है, वो थी हमारी टीम टाइगर एंड टीम डॉन। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल भाग चुके हैं वहां से। बट देखेंगे गाइस रिमनाम विलेज का ये एरिया इनके लिए कितना ज्यादा प्रॉफिट लाता है, बिकॉज डुअल सर्वाइवर है। बहुत तगड़ा यहाँ पे गेम प्ले होने वाला है। जैसे सभी को पता है कि अभी तक कौन कौन सी टीम कहां उतर रही है, कैसी खेल रही है, बट देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इनका गेम जाता है। बात की जाए बाकी सारे टीम की तो चलते हैं गाइस यहाँ पे टीम ओपी के पास, अंश ओपी बिल्कुल रिमनाम विलेज के ऊपर होने वाले हैं। गाइस यहाँ पे क्या आपने ये चीज नोटिस की, बिल्कुल
दोनों टीम्स एक दूसरे के करीब होने वाली है। दो प्लेयर्स यहाँ पे पूरी की पूरी टीम ओपी के बहुत ज्यादा करीब होने वाले हैं। अगर गलती से भी निमनाम विलेज की तरफ जाकर लूट करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल स्पॉट हो जाएंगे। राहुल बहुत ज्यादा क्लोज होने वाले गाइस। बात की जाए यहाँ पे इनके टीममेट जो अंश ओपी है वो अपने कदम उन्हीं दो सर्वाइवर्स की तरफ यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल ऐसे ही हार्ट्स यहाँ पे दिखने चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे सपोर्ट दिखना चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए गाइस। एंड आप हमें बताओ कि यार कौन सी टीम को आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए, हैशटैग लगा के बिल्कुल टीम का नाम यहाँ पे स्पैम हो जाए। चाहे वो टीम इलिट हो, चाहे वो हमारी टीम ओपी हो, चाहे वो एसावी हो, चाहे वो कोई टीएजी हो। जी आप गाइस बात की जाए इस बार तो रिमनाम विलेज का एरिया टीम ओपी ने बिल्कुल एक्वायर करके रखा है। हमारे दो प्लेयर्स यहाँ पे बात की जाए तो वो बिल्कुल सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली देखते हैं बाकी सारी टीम क्या करे। सर्वाइवर्स की बात किया तो ऑब्जर्वेटरी सबसे पहले इन्होंने बिल्कुल कब्जा करके रखा था। जी हाँ गाइस स्किल कोई भी नहीं खाते में, यानी कि कोई भी टीम यहाँ पे ग्राउंड शेयर नहीं कर रही है। शॉन्टी की बात किया तो इनके पास यहाँ पे AK-47 और M10 होने वाली है, हाथ में साइड है होने वाला। इग्नाइट की बात किया तो इनके पास M887 ऑग वेपन के साथ। गोल्डन की बात किया तो जी हाँ गाइस वुडपेकर एंड M887 होने वाली। सर्वाइवर यश की बात की जाए तो जी हाँ गाइस इनके पास भी MP40 यानी कि यार शॉटगन यहाँ पे 2-3 एंड एक प्लेयर यहाँ पे SMG वेपन के साथ खेलेगा जो काफी अच्छा मिड रेंज फाइट एंड कवर फायर दे सकता है। यूजी की बात की जाए तो इनका भी अभी तक आई थिंक गाइस खाता नहीं खुला है, बट टोटल गेमिंग यहाँ पे अपना खाता खोल चुके हैं। पहला किल खाते में आई थिंक गाइस यहाँ पे कोई किसी टीम के ऊपर बिल्कुल निगाह बना के रखे। माफिया ने एक किल अपने खाते में जोड़ा है। सैडी आगे बढ़ेंगे देखेंगे डिलीट के बहुत ही ज्यादा चर्चे चल रहे थे अभी तक तो गाइस देखेंगे डिलीट इस बार यहाँ पे कितने प्लेयर्स को बिल्कुल फिनिश ऑफ करेंगे, नॉकआउट करेंगे। बाला की बात किया तो इन्होंने एक किल अपने खाते में जोड़ दिया। टोटल दो किल टोटल गेमिंग के खाते में होने वाली है। जी हाँ गाइस देखेंगे यहाँ पे और कितने किल्स बोमुड़ा के इस मैप में टोटल गेमिंग के खाते में आ पाएंगे फिलहाल। जी हाँ गाइस बिल्कुल जो जो फैंस अभी अभी जुड़े हैं आपको बता दें गाइस की फौजी अजय स्पोर्ट क्वालिफाइज यहाँ पे चल रहा है। टॉप 3 टीम यहाँ पे बिल्कुल क्वालिफाई करने वाली है। आगे जाके हमें यहाँ पे एंटरटेन जरूर करेगी। वे देखेंगे गाइस टॉप 3 टीम्स यहाँ पे वो कौन सी होने वाली टॉप 3 पोजीशन का टिकट यहाँ पे कौन सी टीम कटवाती है। यूजी के पास चलते हैं गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या अभी तक अर्ली फाइट बिल्कुल देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर एस की बात किया तो क्लॉक टावर के ऊपर इनका एरिया होने वाला है बट फाइनली खाता नहीं खुला है तो कोई भी टीम यहाँ पे अर्ली फाइट लेना नहीं चाह रही है। जी गाइस फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। टोटल 6 मैचेस में से 3 मैचेस यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। चौथा मैच आपके सामने चल रहा है बर्मुडा जो सबसे ज्यादा वेल नोन मैप होता है। अर्ली फाइट के लिए बिल्कुल अवॉइड की जा रही है यानी कि सेकंड सेगमेंट में थोड़ा सा सारी की सारी टीम पैसिव गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रही है। जी हां गाइस चलते फोर अननोन की तरफ देखते हैं शिपयार्ड से इनका यहां पे बिल्कुल कहां से रोटेशन होने वाला है। शिपयार्ड पे उतरते गाइस हमेशा लूट करके आ चुके हैं, प्लांटेशन के ऊपर यहां पे पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे भीमा शक्ति सामने होने वाली सबसे पहला शिकार। फोर अननोन इस बार किसको बनाएगी सवाल ये भी है। गैलेक्सी रेसेस की बात किया तो मिल के ऊपर उतरते हैं। फाइनली मिल को लूट करके रिवर साइड तक का ये सफर तय तो जरूर किया है। एरो की बात की जाए तो बिल्कुल यहां पे सर्वाइव है, खाता इनका अभी तक खुला नहीं है। देखेंगे यहां पे एरो आईबी बिल्कुल कोशिश कर स्नाइपर वेपन AK-98 एक यहां पे होने वाली है। M82B वेंडिंग मशीन से लूट की जाएगी। पोचिनॉक का ये एरिया होने वाले कोई भी टीम आई थिंक यहां पे ग्राउंड नहीं शेयर करे। चलते गैलेक्सी रेसेस की तरफ फिलहाल आगे बढ़ा जाएगा। ये पीक की तरफ कदम बढ़ाएंगे बट देखते हैं गाइस पीक के ऊपर इनकी मेहमान नवाजी करने के लिए कौन-कौन से टीम बिल्कुल रेडी होने वाले। जी हां गाइस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा हैशटैग आपके यार। लिटरली गाइस आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ आज का कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा खूबसूरत चल रहा है। एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज्यादा हार्ड आज स्पैम होगा। बिल्कुल मैं एक भी कमेंट पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज्यादा स्पीड में चैट सेक्शन चल रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही कमाल का सपोर्ट आपकी तरफ से गाइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट गाइस ऐसा ही सपोर्ट आपको दुगना करना होगा अगर आप चाहते हो आपकी टीम का सपोर्ट यहाँ पे दुगना हो जाए, मोटिवेशन उनको मिल जाए तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा इस स्ट्रीम को। एंड गाइस हमें बताइएगा आप किस टीम से बोगड़ा के इस मैप में बुआ चाहते हो। कमेंट सेक्शन के ऊपर मेरी निगाह बिल्कुल बना के रखी है मैंने। जैसे यार आपके हैशटैग नजर आएंगे वैसे मुझे पता चलेगा आज इस टीम को सबसे ज्यादा एंड तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। फोर रन बिल्कुल अपने कदम बढ़ाए रहे। जी हाँ भीमा शक्ति से साइड से होके बिल्कुल गुजर जाएंगे। अभी तक एस गेमिंग का बिल्कुल खाता नहीं खुला। यूजी की बात की जाए जीरो किल्स खाते में बट हाई टियर जोन की लूट। देखेंगे पहला शिकार जिस भी टीम को बनाएंगे बिल्कुल उस टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा कहर बरसाया जाएगा। हाई टियर जोन की लूट यानी कि यार अटैचमेंट वेपन स्नाइपर्स एमो सबसे ज्यादा तगड़ी होने वाली है। बात की जाए टोटल गेमिंग की तो टीम किस खाते में आ चुके हैं बट माफिया इनके ऊपर यहां पे VSS रीपर बुलेट बिल्कुल कनेक्ट कर दी गई थी। टोटल गेमिंग के साथ बात की जाए गाइस तो देखेंगे यहाँ पे
बिल्कुल टोटल गेमिंग के प्लेयर्स क्या यहाँ पे फिनिश ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं। जिया गाइस बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, चार केस टोटल गेमिंग के खाते में यहाँ पे आ चुके हैं। सैडी की तरफ से अभी तक खाता नहीं खुला, बट डिलीट की तरफ से एक ही, बालों की तरफ से एक किल, माफिया की तरफ से डबल किल आते हुए देखने को मिल रहा है। जिया गाइस देखेंगे यहाँ पे पूछिंग ऑफ के ऊपर टोटल गेमिंग के साथ कितने सारे यहाँ पे टीम्स ग्राउंड शेयर करती है। जिया गाइस बहुत ही कमाल की शुरुआत हुई यार टोटल गेमिंग के, लिटरली चार किल्स खाते में एक भी प्लेयर को खोया नहीं। तो इस बार टोटल गेमिंग मूड में आ चुके हैं। जिया गाइस अपने अंदाज में खेल रही है, हमेशा जो गेम प्ले इनकी तरफ से फैंस एक्सपेक्ट करते हैं वही गेम प्ले इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। देखेंगे कितने अच्छे किल्स पोजिनो का ये एरिया टोटल गेमिंग के खाते में दिलाता है। फिलहाल चलते बाकी सारे टीम्स की तरफ, देखते हैं उनका गेम प्ले इस प्रकार से चल रहा है। एरो की तरफ से गाइस सिर्फ दो सर्वाइवर नजर आएंगे सेम पोजीशन के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं। टीडू की बात की जाए तो यहाँ पर यार सिमेट्री में होने वाले, एबीडी की बात किया तो बिल्कुल एक अलग अंदाज में, बट देखेंगे यहाँ पे टोटल गेमिंग कब तक इनका सामना करती है, कब तक आगे बढ़ती है। जिया गाइस डिलीट की बात किया तो बैक टू बैक आगे बढ़ रहे, बट क्या डिलीट को पता है कि प्लेस यहाँ पर ऊपर होने वाले, बट देखेंगे गाइस क्या डिलीट का यहाँ पे किल कंफर्म करने के लिए कामयाबी हासिल होगी। एरो यहाँ पे कैरी वेल ले पाएगी टोटल गेमिंग वर्सेस एरो गाइस एरिया होने वाला पोचिनो का, बट आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी टीम इस फाइट में जीत सकती है। क्या 2v4 बैटल पिक करके एरो इस फाइट में जीत हासिल करेगी या फिर टोटल गेमिंग एरो की टीम को पूरी पूरी एलिमिनेट करके यहाँ पे बैक टू लॉबी भेज देगी। देखेंगे फिलहाल यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश की जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कार्ड बिल्कुल यहाँ पे तेज हो चुके होंगे, बस देर है अब फुटस्टेप साउंड का। जिया गाइस जब सभी को बताया यार फुटस्टेप साउंड एक बार आ गया तो पता चल जाता है प्लेयर यहाँ पे क्या है, ढूंढने की कोशिश की जाती है। देखेंगे डिलीट कब तक यहाँ पे बातें फाइनली चलते बाकी साइड के पास दूर कर रहे पोचिनो की फाइट एंड जा रहे दूर, यानी कि एरो के दो प्लेयर्स को यहाँ पे सर्वाइव करने का एक बहुत ही शानदार मौका मिल चुका है। तो गाइस आपको यहाँ पे बिल्कुल एरो के जो फैंस होने वाले बहुत ज्यादा खुश होने वाले, स्पॉट करने की कोशिश जूम जूम आउट डिलीट का बिल्कुल चालू है, मेडिकेट की कमी आई थिंक साफ साफ नजर आ रही है। एथेरल फाइनली आई थिंक नॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिला, देखते माफिया यहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्नाइपर प्लेयर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होने वाली है। टावर पे गाइस यहाँ पे कुछ प्लेयर्स होने वाले, लेफ्ट साइड लाइट हाउस के पीछे कुछ प्लेयर होने वाले स्प्रेड आउट होके बिल्कुल यहाँ पे खेलते रहे। देखेंगे वेंडिंग मशीन से यहाँ पे अब तक शॉपिंग की जाती है, समन एंड ड्रॉप यहाँ पे क्या क्या कुछ देते हैं। लेफ्ट साइड से एक प्लेयर बिल्कुल स्पॉट करके रखे, राइट साइड के प्लेयर कभी भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, थोड़ा सा माफिया को यहाँ पे बचना होगा। बट देखेंगे यहाँ पे रश जो प्लेयर यहाँ पे कर रहा है, क्या ये रश संभव होगा। टिलेट बिल्कुल आगे आ चुके पत्थर के पीछे यहाँ पे होने वाले। जी हाँ गाइस टोटल गेमिंग यहाँ पे लिटरली मचाते हुए चली जा रही है, टीम मिलिट यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, बट गाइस टोटल गेमिंग क्या सामने वाली टीम को यहाँ पे एलिमिनेट करेगी। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड स्प्लिट स्ट्रेटेजी होकर खेल रहे हैं, बट स्प्लिट स्ट्रेटेजी है यानी कि एक साफ सुथरा रश बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज अगर लेफ्ट साइड पे बंदों पे अगर रश किया जाए तो राइट साइड हार्ड कवर टावर का मिल जाएगा, वो प्लेयर्स यहाँ पे टोटल गेमिंग को बिल्कुल पनिश कर सकते हैं। तो गाइस टोटल गेमिंग के लिए यहाँ पे रेड हार्ट्स किए जा रहे हैं, टीम रेड के लिए ब्लू हार्ट्स, गैलेक्सी रेसर्स के लिए बहुत प्यारे प्यारे हार्ट यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो गाइस आज आपकी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट जैसा करेगा बहुत ज्यादा एक साथ जितने भी पब्लिक यहाँ पे देख रही है, जी हाँ जितने भी व्यूअर जितने भी फैंस यहाँ पे देख रहे हैं गाइस एक साथ लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिएगा विद द ट्रीटमेंट कैरी की जा रही है टोटल गेमिंग के खाते में। यहाँ पे टोटल चार किल होने वाले, बहुत सारी टीम पोचिनो के ऊपर आ चुके, देखते हमारे बाकी सारे प्लेयर्स क्या कुछ कर रहे हैं। एरो के अकेले प्लेयर यहाँ पे होने वाले, गैलेक्सी रेसर्स की बात की जाए चारों के चारों प्लेयर्स कोटा टोर की तरफ से फ्लैंक करेंगे, पीक इनके बिल्कुल सामने होने वाली है, चार किल्स खाते में जरूर नजर आ रही है। देखते गाइस फोर रन का अभी तक खाता नहीं खुला, बट फाइनली पिक के ऊपर आ रही है। जिया गाइस गैलेक्सी रेसिस अपने कदम फोर रन की तरफ बढ़ा रही है, अगर यहाँ पे थोड़ी देर इसी एंगल में चलते रहे तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे गैलेक्सी रेसिस वर्सेस फोर रन की पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। गाइस क्या लगता है अगर हम अंदाजा लगा रहे अगर यहाँ पे फोर रनों एंड गैलेक्सी रेसर्स की फाइट शुरू हुई तो आपको बता दूं फोर रनों के पास एक काफी ज्यादा तगड़ा फायर पावर है, गैलेक्सी रेसर्स के पास एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। देखेंगे फायर पावर वर्सेस एक्सपीरियंस क्या कुछ कमाल का गेम देखने को मिलता है पीक के इस एरिया में सिमेट्री के इस हाउस में। जी हाँ गाइस गैलेक्सी रेसर्स बहुत जल्दी फोर रनों के सामने कभी भी आ सकती है, बट देखेंगे सर्कल गाइस यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होने वाला है, बिल्कुल पीक के ऊपर तो आ चुका है बट सर्कल यहाँ पे क्लोजिंग होने के लिए शुरुआत हो चुकी है, किस टीम का यहाँ पे फेवर करेगा फाइनली बात किया तो एस की तरफ चलते हैं। जी हाँ गाइस बंगा इन्होंने यहाँ पे लेके रखा है, ओह
माय गॉड जी हां गाइस, एस गेमिंग के फैंस यहां पे खुशी की खबर होने वाली है। जी हां, 4-5-6 किल्स टोटल यहां पे होने वाले। ट्रोथ सारी की सारी टीम की लोकेशन यहां पे रिपीट कर देगा। जी आगे देख, कमाल का फायर पावर लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। राइट से यहां पे क्रोनो एक्टिवेट किया जाएगा, लेफ्ट साइड से फ्लैंक मिस्टर राज यहां पे कर देंगे। देखेंगे यहां पे क्या प्लेयर्स को ढूंढ पाएंगे। या फिर नहीं, संजय की बात किया तो ये भी प्लेयर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित की बात की जाए तो फाइनली ड्रोन की मदद से जितने प्लेयर्स स्पॉट हो रहे हैं उनको यहां पे ढूंढा जा रहा है। डबल ड्रोन में यहां पे क्लियर होने वाले। लकी की तरफ चलते हैं, इनका रश क्या यहां पे थोड़ी सी देरी की, थोड़ा सा डैमेज यहां पे मिला। फाइनली एस गेमिंग यहां पे एलिमिनेट कर देगी पूरी की पूरी टीम को। एंड गाइस, खुद के खाते में यहां पर 7 किल्स जोड़े जाएंगे एस गेमिंग विद 7 किल्स। हैशटैग एस गेमिंग इन द चैट गाइस, बिकॉज़ ये टीम बहुत ज्यादा तगड़ा फायर पावर दिखा रही है। आई थिंक 7 से ज्यादा किसी भी टीम के किल्स अभी तक यहां पे बर्मुडा के इस मैप में नजर नहीं आए। बट गाइस, गैलेक्सी रेसेस की बात किया तो 5 किल्स इनके भी पास से देखेंगे। 4 रन उनके साथ इनका आमना सामना कब तक होता है। सर्कल का एडवांटेज 4 रन उनके पास होने वाला है पूरे सर्कल के सेंटर पर। यहां पर बैठ चुके, बात की जाए एस गेमिंग की तो इनको सर्कल के अंदर जाना होगा। सामने होने वाली 4 रन उनके गैलेक्सी रेसेस वर्सेस 4 रन या फिर एस गेमिंग वर्सेस 4 रन देखने को मिलेगा। सवाल बहुत सारे होने वाले। गाइस, क्या लगता है आपको कौन सी टीम यहां से जीत के जाएगी? बिकॉज एस गेमिंग बैक टू बैक अपने कदम बढ़ा रही है 4 रन की तरफ। एंड 4 रन यहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। जी हां गाइस, आपको दिखा दूं सिमेट्री, हार्ड कवर, हाइट का एडवांटेज, हर एक पोजीशन यहां पे 4 रन के पास होने वाली। बस यहां पे देरी है एस गेमिंग को स्पॉट करने की। लेफ्ट साइड से यहां पे रोटेशंस लेंगे तो स्कूल के ऊपर अपने कदम बिल्कुल बना सकते हैं। गैलेक्सी रेसेस की तरफ चलते गाइस, देखते हैं यहां पे सर्कल के अंदर आया जाएगा या फिर नहीं। जी हां, बहुत ज्यादा करीब, लिटरली बहुत ही ज्यादा करीब होने वाले 4 रन के। बाकी सारी टीम को देखा जाए तो गाइस, एस गेमिंग विद 7 किल्स यहां पे लिटरली मचाते हुए आगे बढ़ रही है। लेफ्ट साइड से इनका फ्लैंक बहुत ही ज्यादा शानदार था, यूजी के पास भी यहां पे टोटल 5 किल्स होने वाले। बट गाइस, यहां पे जावा बॉय को फिलहाल स्पॉट कर लेंगे। जी हां, एक किल को यहां पे कंफर्म किया जाएगा। ऐप इज हियर यहां पे बिल्कुल खुद को ही लग करके नजर आ रहे। आगे बढ़ेगा विद स्नाइपर, बिल्कुल देखा जाएगा यहां पे कितने सारे किल्स उठा पाते। बट 23 का शॉट यहां पे एक प्लेयर पर नॉक कर देगा उनका किल। राउंड का यहां पे बिल को कंफर्म किया जाएगा। टीम ओपी के ऊपर यहां पे खेल डालते नजर आ रहे। जी हां गाइस, बाद में एक और प्लेयर को कंफर्म किया जाएगा। ओजस्वी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, एंड आई थिंक टीएजी की ये घर वापसी की जाएगी। जी हाँ गाइस, बैक टू लॉबी, उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। उज्जवल को बचाना असंभव हो जाएगा, बट खुद को भी बचाना लिटरली यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। बताने के लिए बहुत ज्यादा दुख है, बट गाइस यहाँ पे टोटल 8 किल के साथ यूजी एम्पायर बिल्कुल एलिमिनेट होते हुए नजर आ रही है। बहुत ज्यादा डैमेज सर्कल का गिरेगा। सर्कल होने वाला एक प्लेयर के साथ यहाँ पे ग्राउंड चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब होने वाला। देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्लेयर, जी हाँ, टीम ओपी के एक प्लेयर यहाँ पे यूजी को एलिमिनेट कर देंगे। फाइनली टीम ओपी के पास एक और किल बिल्कुल देखने को मिलेगा, बट सर्कल के अंदर जाना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जी हाँ गाइस, देखेंगे बाकी सारे टीम्स यहाँ पे क्या कुछ मचा रहे हैं। बहुत ज्यादा किल्स के फ्रैगर यहाँ पे आ चुके हैं सर्कल के करीब बॉर्डर के ऊपर होने वाले। बट 4 अननोन गैलेक्सी रेसेस को क्या अपना शिकार बनाएगी? जी हाँ गाइस, गैलेक्सी रेसेस अपने बैक टू बैक एक एक करके किल बढ़ाते हुए जा रहे हैं। टोटल 5 किल इनके खाते में हो चुके हैं। एक टीम की गेट कीपिंग यहाँ पे की जा रही है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर गैलेक्सी रेसेस का सामना कर रहे हैं। फाइनली राधे ठाकुर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। M79 128 का डैमेज। एंड गाइस, दिस इज टाइम टू रश ऑन द एनिमी। एंड राइट साइड से यहाँ पे बिल्कुल राधे ठाकुर जाके अमन इनके सामने होने वाले कमाल का सब यहाँ पे दिखा दे खुद को आगे बढ़ाना होगा। सामने आने वाली है बिल्कुल 4 रन और अकेले प्लेयर लिटरली गाइस गैलेक्सी रेसेस के नाक में दम करके रखे। बिल्कुल ग्रेनेड देखते हैं यहाँ पे राधे ठाकुर का क्या कनेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे ग्रेनेड फेंके तो जा रहे, बट प्लेयर अपने ही अंदाज में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस के पूरी नाक में दम करके रखा था। जी आ गए, देखते हैं 4 रन की तरफ चलते हैं। फिलहाल क्या कुछ इनके एंगल से हमें स्पॉट हो रही है किट्स। बात की जाए आनंद की तो स्नाइपर काफी ज्यादा फ्लॉलेस गाइस चलाती है। इस बार देखेंगे आनंद यहाँ पे क्या उसी तरीके से फ्लॉलेसली अपना स्नाइपर का गेम प्ले दिखाते हैं। बिकॉज इस बार एमएट टू बी ने कार 98 हाथों में होने वाले हैं। देखेंगे किसकी खोपड़ी आनंद यहाँ पे खोलेंगे। फिलहाल खाता खोलने की देरी बिल्कुल होने वाली है। 4 रन का अभी तक खाता नहीं खुला है, एक भी किल खाते में नहीं। बट गाइस, फिर से एक बार गैलेक्सी रेसेस की नजरों से यहाँ पे देखना चाहेंगे। 1000 वोल्टेज का जी हाँ झटका यहाँ पे देना चाहते हैं 4 अननोन को। देखेंगे फिलहाल मोको यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे कौन से प्लेयर बहुत ज्यादा डैमेज होने वाले। जी हाँ गाइस, डेड सोल को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज करेंगे, हिल अप करेंगे खुद को। एंड
फाइनली फाइट के लिए रेडी करना होगा। चिया गाइस अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज फुया लेने में बहुत ज्यादा काम आ सकती है, वो होने वाले ग्रेनेड 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 एंड ओनली ग्रेनेड। चिया गाइस गैलेक्सी रेसिस ऊपर आने की कोशिश करिए, अगर 150 के पास अच्छे खासे ग्रेनेड रहे तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ग्रेनेड यहाँ पे जाएगा एंड डैमेज देने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। देखेंगे कितने अच्छे गेट की भी 150 यहाँ पे कर पाते हैं रिलोडिंग के मामले में। बिल्कुल यार बीएसएस जब रिलोडिंग करेगी तभी प्लस को यहाँ पे मौका मिला अंदर आने का। बट गाइस यहाँ पे स्वास्तिक बिल्कुल आगे होने वाले, देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ कमाल का गेमप्ले दिखाएंगे अपनी यार वेपन के साथ। एन एम एड सेवन के साथ वीआर 6000 अकेले प्लेयर यहाँ पे होने वाले। राजेंद्र ठाकुर इनके बिल्कुल लेफ्ट साइड होने वाले, दोनों प्लेयर्स गैलेक्सी रेसिस की कमाल संभाले, बहुत अच्छे किल्स इनके पास यहाँ पे होने वाले। जी हाँ गाइस टोटल 7 के साथ गैलेक्सी रेसिस 2 प्लेयर्स बचे हुए। अभी एक ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट हुआ, देखेंगे यहाँ पे एक और ग्रेनेड फेंका गया, वो 82000 यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। राजेंद्र ठाकुर सोलो सर्वाइविंग यहाँ पे गैलेक्सी रेसिस से करते हुए। जी हाँ गाइस बिल्कुल नजर आ रहे पूर्ण लिटरली हेल डालते हुए नजर आ रही। बट देखेंगे गाइस बाकी सारी टीम क्या कर रही है। स्वास्थ्य की बात किया तो एक किल इन्होंने अपने टीम के खाते में जोड़ कर रखा है। फाइनली 4 रनों का गाइस यहां पे खाता खुल चुका है। बट देखेंगे इस बबुड़ा मैप से कितने अच्छे किल्स यहां पे उठा के लेके जा सकते हैं गैलेक्सी रेसिस के पास। बहुत ही शानदार किल है। जिया गाइस आई थिंक टॉप 2 या टॉप 3 टीम्स बची हुई रहेंगी। एंड एस की बात किया तो जी हां नो यार 11 किल गाइस यहां पे 12 के जिनके खाते में आते आते रह गए फाइनली यहां पे एलिमिनेट हो गए। एंड गाइस बार एक कमाल का पूरा हमें देखने को मिल रहा है। जी हां गाइस सभी ने देखा यहां पे फोर रन का खेल होते हैं। अब यहां पे चैट सेक्शन जो है कमेंट सेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलने वाला है। जी हां बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले गाइस, 4 रनों से लिटरली मचा के चले गए यार। सिमेट्री के ऊपर इतनी देर से पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, किल्स कम हुए तो ही किल्स हुए। बट गाइस एक साथ 12 प्लेसमेंट पॉइंट्स यहां पे होने वाले, तो थोड़ा सा सर्वाइव खेल के यहां पे टोटल 14 पॉइंट्स लेके आगे जाएगी 4 रनों से। बात की जाए एस की तो गाइस लिटरली उनके पास यहां पे 11 किल्स थी, दूसरे स्थान के ऊपर एलिमिनेट हुए, यानी कि यार 9 पॉइंट्स यहां के एंड 11 बिल्कुल किल पॉइंट्स यहां पे मिलने वाले। तो यार इन्होंने भी काफी ज्यादा शानदार मचाया, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमाल का गेम प्ले। आई थिंक गाइस 4 रनों से काफी अच्छे खासे यहां पे उन्होंने किल्स उठाए थे। तो यार देखेंगे गाइस कितने अच्छे बिल्कुल पॉइंट्स नेक्स्ट मैच में यहां पे इकट्ठा कर पाती है हमारी बाकी सारी टीम्स। तो यार बिल्कुल 4 रनों एक कमाल का गेम प्ले यहां पे देखने को मिलने वाला है। जी हां गाइस लिटरली यार जोन प्रेडिक्शन क्या ही कमाल के करते हैं गाइस। सभी को पता है 4 रनों मैप के बिल्कुल कोने में उतरती है जहां पे होता है शिपयार्ड, वहां से लेके भीमा शक्ति रिवर्स साइड पीक एंड देन यहाँ पे पीक के नीचे जो टीम थी गाइस उनके ऊपर गेट कीपिंग करते हुए इतना तगड़ा जोन का यहाँ पे प्रेडिक्शन किया कि बहुत ही कमाल का गेम प्ले देखने को मिला। जी हाँ लिटरली ग्रेनेड भी फेंके गए एंड फाइनली पेशेंस के साथ एक पूया अपने नाम किया। देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो हमारी एस गेमिंग थी उनके मुंह से बुया छीना गया था। जी हाँ गाइस बहुत ज्यादा कमाल का फायर पावर दिखा रहे थे दोनों प्लेयर्स, यहाँ पे तगड़ा किल निकाल रहे थे यार। तीनों प्लेयर्स ने ट्रिपल 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 किल एंड एक प्लेयर ने यहाँ पे डबल किल। एस गेमिंग का गेम प्ले लिटरली फ्लॉलेस था बट 4 रन बिल्कुल उनको रोकने में कामयाब हो गए। देखते हैं गाइस क्या कुछ होने वाला आने वाले पगेट्री के मैप में। बट गाइस आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, कमेंट सेक्शन काफी ज्यादा स्पीड में चल रहा है, आप यहां पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रोकिएगा मत। जो जो फैंस अभी अभी जुड़े हैं लिटरली तहलका मचने वाला है पर्गेटरी के इस मैप में। ब्राजील होने वाला है, लंबा बील होने वाला है। जी हां गाइस सेंट्रल के ऊपर क्या गैलेक्सी रेसिस उतरेगी, क्या उनके साथ यहां पे कोई और टीम ग्राउंड शेयर करेगी। जी बिल्कुल फोर रन क्या यहां पे मापू बॉक्स के ऊपर उतरना पसंद करेगी या फिर ब्राजील की पॉइंट में कौन सी टीम पीएजी के साथ भगा लेगी, सवाल बहुत सारे होने वाले। मजे गाइस यहां पे बहुत ही ज्यादा आने वाले, देखते क्या कुछ करने को मिलेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस एक बहुत ही शानदार गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट गाइस सवाल मेरे मन में ये है कि एस गेमिंग अब क्या करने वाली है, बिकॉज गाइस जिस भी टीम से हम भी जानते हैं यार अगर हमारे हाथों से कोई बुया छीन ले तो कितना ज्यादा अग्रेशन देखने को मिलता है। सवाल ये होने वाला है कि गाइस यहाँ पे कितना ज्यादा अग्रेशन अब एस गेमिंग दिखाएगी आने वाले के इस मैप से। जी हाँ कमेंट सेक्शन लिटरली यार बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है कि यार लिटरली ब्लू हार्ट्स यहाँ पे स्पैम किए जा रहे हैं, येलो हार्ट्स स्पैम किए जा रहे हैं गैलेक्सी रेसेस के लिए, यहाँ पे बिल्कुल धमाके धमाके नजर आ रहे हैं। जी हाँ सवाल गाइस बहुत सारे होने वाले, थोड़ी देर में हमें देखने को मिलेगा पर्गेट्री का गेम प्ले, सारी टीम्स यहाँ पे मचाते हुए नजर आएगी। बट आप सभी से एक सवाल है गाइस, पर्गेट्री के मैप में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा होता है? अगर आप मुझसे पूछिएगा तो सेंट्रल के ऊपर मैं उतरना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज यार जो ग्राउंड साइड एंड हायर ग्राउंड लोअर ग्राउंड का वो जो फाइट है बहुत ज्यादा मजा आता है प्लेयर्स को भगाने के लिए। बट गाइस क्या आपको यहाँ पे पर्गेट्री का कौन सा एरिया पसंद है, क्या स्की लॉज जैसे कि वहां पे टीम मिलिट जाती है, क्या गैलेक्सी रेसिस का सेंट्रल एरिया, क्या यहाँ पे मार्बल बॉक्स या फिर टीएजी का ब्राजीलिया, कौन सी
गाइस कौन सा एरिया आपको पसंद आता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन के ऊपर मैं जरूर देखना चाहूंगा। सबसे ज्यादा स्पैम यहाँ पे किस बात का लगता है? आई थिंक गाइस ब्राजीलिया यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पैम होने वाला है, बिकॉज हम सभी जानते हैं यार ब्राजीलिया की फाइट एक अलग ही फाइट है, सारे प्लेसेस एक तरफ है, ब्राजीलिया एक तरफ जी, बिल्कुल मजा आता है वहाँ पे उतरने के लिए, किल कन्फर्म करने के लिए। टीएजी यार कितने किल्स कंफर्म कर पाएगी ब्राजीलिया के इस एरिया में, सवाल। जी हाँ गाइस यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी देर में जवाब मिलेगा, बट वेट करना पड़ेगा गाइस थोड़ी देर, हमें देखते हैं यहाँ पे प्लेस कब तक हमें ज्वाइन करते हैं, कब तक यहाँ पे बिल्कुल रेन हमें उड़ान पड़ेगा। कमेंट सेक्शन के ऊपर नजर डाल देता हूँ, थोड़ी इलिट के हैशटैग यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं गाइस, लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहे हैं इलिट के हैशटैग, एंड गाइस यहाँ पे बात की जाए तो टीएजी के हैशटैग नजर आ रहे हैं, गैलेक्सी नेशन भी यहाँ पे बिल्कुल मचा रही है, यूजी के लिए भी स्पैम किया जा रहा है, टीजी के लिए भी स्पैम किया जा रहा है। तो गाइस ऐसे यहाँ पे आपका सपोर्ट बिल्कुल बना के रखेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, जो जो फैंस अभी अभी हमारे साथ जुड़े उनके साथ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ चीजें। जी हाँ गाइस यहाँ पे लिटरली देखते हैं कि यार टॉप थ्री टीम जो यहाँ पे क्वालिफाई होने वाली है वहां तक कौन सी टीम पहुंच पाएगी, बिकॉज इस मैच से 4 रन उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट अच्छे खास है, बट उनसे भी ज्यादा पॉइंट्स एज गेमिंग यहाँ पे उठा के लेके गई है, 11 किल्स। चलिए 11 किल्स यहाँ पे इतने ज्यादा आसान नहीं होते जब आपकी लॉबी में टोटल गेमिंग है 4 रनों से। जी हाँ गाइस आपकी लॉबी में यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस भी है, तब यहाँ पे 11 किल्स बिल्कुल आसान नहीं होते, देखेंगे कब तक यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले देखने को मिलता है। वेट कर रहे हैं गाइस, तब तक यार हैशटैग लगाएगा कि आपका कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस होता है जो बगेट्री में आप उतरना पसंद करते हो और अर्ली फाइट यहाँ पे लेना पसंद करते हो। ओ हो सेंट्रल के हैशटैग यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जी हां गाइस अब यहाँ पे हैशटैग शुरू हो चुके हैं, सेंट्रल सबसे ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्रॉस रोड यहाँ पे बिल्कुल लगाया जा रहा है, बाबू बॉक्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। जी हां गाइस और भी ज्यादा यहाँ पे हैशटैग नजर आ रहे हैं, बट मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सारे प्लेस यहाँ पे बगेट्री गाइस, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको बगेट्री में कौन सा एरिया पसंद है, आप बगेट्री के हैशटैग लगा रहे हो, देख पा रहा हूँ मैं। जी हाँ क्रॉस रोड ओके, देन यहाँ पे प्रकाश भाई जो है हमारे वो क्रॉस रोड का हैशटैग लगा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी देर में टीम्स आ जाएगी, तो वेट कर रहे हैं हम हमारी सारी टीम्स के लिए, एंड गाइस जी हाँ जानते हैं कि यार सभी हम सब उत्सुक होने वाले, एक्साइटेड होने वाले बगेट्री के इस मैच में। टोटल गेमिंग क्या करेगी, जी हाँ गाइस गैलेक्सी रेसेस क्या करेगी, एयर गेमिंग क्या इसी अंदाज में करेगी, क्या जो अपना रिवेंज है वो बाकी सारी टीम से लेगी, बिकॉज किल्स जो कम आ चुके हैं ना थोड़ा सा अग्रेशन उनकी तरफ से बिल्कुल देखने को मिलेगा। टोटल गेमिंग क्या कुछ करने वाली है, जी हां गाइस यूजी के ऊपर भी यहां पे केयर बरसाया गया था, टीएचजी उज्जवसी को सर्कल के बाहर यहां पे फिनिश ऑफ किया गया था विद स्नाइपर बुलेट। जी हां गाइस बहुत सारी टीम को बिल्कुल हिटलिस्ट पे रखा जाएगा, एंड सबसे पहला एलिमिनेशन का शिकार कौन सी टीम बनेगी, हम सारे लोग इस चीज के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाले। गैलेक्सी रेसेस हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो चुके, टोटल गेमिंग ज्वाइन हो चुके, वेट कर रहे हैं बाकी सारे प्लेयर्स का। जी हाँ गाइस फिलहाल यहाँ पे बात की जाए तो देखते कब तक बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं। गाइस एक चीज यार मुझे बिल्कुल याद आई कि यार बबुड़ा के मैप में हम देख रहे थे टोटल गेमिंग के रोटेशंस काफी ज्यादा शानदार थे, एस गेमिंग के रोटेशंस यहाँ पे इतने ज्यादा प्रभावशाली थे गाइस, सर्कल के बॉर्डर तक खेल रही थी, एंड जैसे उनको पता चला कि यार सिमेट्री का जो हाउस है सर्कल के सेंटर में होने वाले, तो वैसे ही अपना जो पोजीशन है वो धीरे 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 करके चेंज करती गई। फाइनली एक थोड़ा सा समय था जहाँ पे उन्होंने फाइट्स अवॉइड की, एक थोड़ा सा ऐसा समय था जहाँ पर उन्होंने फाइट अवॉइड की। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल देखते हैं हमारी एस गेमिंग जो होने वाली कब तक यहाँ पे फाइट अवॉइड करेगी। जी हाँ यार स्ट्रेटेजीज बहुत बड़ी बात है, हम जानते हैं गैलेक्सी रेसेस को भी थोड़ी देर पहले गाइस हमने देखा था कोटा टूर से ऊपर जाते हुए नजर आ रही थी, 4 रन के बहुत ज्यादा करीब थी, बट सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया कि यार पीछे की साइड हम क्या सेफ है या फिर नहीं। बहुत बार होता है ना गाइस हम भी रैंक लेते हैं आगे की टीम के ऊपर रश करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि पीछे से हम सेफ है या फिर नहीं। गैलेक्सी रेसेस का वो जो IQ है वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है काफी ज्यादा शानदार था। जी हाँ गाइस लिटरली काफी ज्यादा शानदार था कि यार सबसे पहले हमारी जो पीछे की साइड है बैक साइड सेफ कर लो, देन यहाँ पे नेक्स्ट टीम के ऊपर आगे की टीम के ऊपर रश किया जाए, तो यार बहुत ज्यादा सीखने की चीजें मिलती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली टीम्स है, एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा शानदार है। गैलेक्सी रेसेस को हम सभी देखते हैं गाइस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस। दिल से एलिट, दिल से टीजी, ओहो विवेक भाई यहाँ पे बिल्कुल लगा रहे अपने फेवरेट टीम्स के हैशटैग सेंट्रल, यहाँ पे बिल्कुल
लगा रहे हैं। जी हाँ, जो जो फैंस अभी अभी जुड़े हैं उनको फिर से एक बार मैं बता दूं यार, आज के टूर्नामेंट में टॉप थ्री टीम्स क्वालिफाई होने वाली है। टोटल गेमिंग, टीएजी, टीएम रेड बोर्ड और गैलेक्सी रेसर्स, सारे के हैशटैग यहां पे मैं देख पा रहा हूं। आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो जिया गाइस, मैं यहां पे देखना चाहूंगा कि गाइस हार्ट्स यहां पे कितने ज्यादा स्पैम होते हैं अपने फेवरेट टीम के नाम के साथ। हार्ट्स यहां पे लगा के बिल्कुल कमेंट सेक्शन को पूरा का पूरा हार्ट के साथ भर दो। मैं देखना चाहूंगा यहां पे क्या इतनी ज्यादा स्पीड आपके पास है कि क्या मुझे रोक सकते हैं एक कमेंट पूरा का पूरा पढ़ने के लिए। जिया गाइस यहां पे फटाफट अपने फेवरेट टीम के साथ हैशटैग लगा दो। जिया गाइस हार्ट्स यहां पे जोड़ दो टीम रेड के लिए, ब्लू हार्ट्स एंड बाकी सारे टीम के लिए आपका जो भी फेवरेट कलर हो फटाफट हार्ट्स दिख जाने चाहिए। अपना सपोर्ट यार टीम के पास बिल्कुल पहुंचना चाहिए। हमारी टीम हमारे साथ बिल्कुल थोड़ी देर में ज्वाइन होगी। जिया गाइस आपको बता दें टोटल 6 राउंड्स में से 4 राउंड यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे खासे पेशेंस के साथ बर्मुडा में जो लास्ट मैच हुआ वो रनों ने भूया अपने नाम किया था। एस गेमिंग से भूया छीन लिया था, जो एस गेमिंग 11 किल के साथ लिटरली मचा रही थी। सुपर 10 यहाँ पे कर चुके थे डबल डिजिट में, अपना किल पॉइंट्स बिल्कुल जोड़ के रखा था उस टीम को एलिमिनेट करके 4 रनों से कमाल का भूया यहाँ पे लगा था। बट बड़ा बट गाइस यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल थोड़ी देर में बिल्कुल हार्ट से हार्ट नजर आने वाले कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। गाइस बात की जाए तो पर्गेटरी मैप में यहाँ पे एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाला, बिकॉज एस गेमिंग का ऐसे लिटरली कमाल का गेमप्ले दिखा के बिल्कुल मचाएगी सवाल, बहुत ज्यादा बड़े होने वाले। बट गाइस इसका जवाब हमें पर्गेटरी के मैप में देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी हमारे साथ टीम ज्वाइन हो जाएगी। बड़ा बट गाइस यहाँ पे रेडी हो जाओ, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले, बिकॉज थोड़ा वक्त है अभी पर्गेटरी का मैप बिल्कुल स्टार्ट होने के लिए, तो आपके पास भी वक्त है आपके फेवरेट टीम का सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो गाइस चाहे जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो फटाफट इस टीम के लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनको बताओ कि यार आपकी फेवरेट टीम यहाँ पे किस प्रकार से मचा रही है। जी हाँ, ये जी के हैशटैग यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है। सडनली यहाँ पे हार्ट स्पैम शुरुआत हो चुकी है। जी गाइस यहाँ पे बिल्कुल पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन हार्ट के साथ भर चुका है, ब्लू हार्ट्स, येलो हार्ट्स, लिटरली यार जैसा कि मैं देख रहा था जब मैंने ज्वाइन किया गाइस कास्टिंग यहाँ पे, तो यार बिल्कुल कमेंट सेक्शन आज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल वेट किया जाएगा, टीम्स को आने में थोड़ा वक्त है, तो गाइस क्यों ना आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर दीजिएगा इस स्ट्रीम को। We'll be right back.
है अब यहाँ पे हार्ट गाइस लिटरली हार्ट बहुत ज्यादा जी हाँ गाइस पासवर्ड यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। सारे के सारे फैंस आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ स्माइलीज यहाँ पे भेजी जा रही है। जी हाँ गाइस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी सारी टीम्स बहुत जल्दी यहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगी। बट गाइस आपको फिर से एक बार बता दूं, सिर्फ दो मैचेस यहाँ पे होने वाले, सिर्फ दो मौके हमारी सारी की सारी टीम्स के पास होने वाले। जी हाँ गाइस हम देखेंगे यहाँ पे कि यार बाकी सारे बच्चे दो मौकों में यहाँ पे हमारी टीम्स क्या कुछ करती है। टोटल गेमिंग क्या डबल डिजिट किल्स कर पाएगी, एस गेमिंग क्या फिर से वैसा कॉन्फिडेंस दिखा पाएगी। जी हाँ गाइस यार बिल्कुल लिटरली बहुत ज्यादा कमाल का गेम रहता। पहले के तीन मैचेस में जिस प्रकार से डिलीट खेल रहे थे यार, वैसा ही अंदाज उनकी तरफ से यहाँ पे एक्सपेक्टेड होने वाला है। टीम इलीट की बात किया तो पहाड़ी की डबल स्नाइपिंग यार बिल्कुल सारे के सारे फैंस यहाँ पे मिस कर रहे हैं। बर्गेटरी के इस मैप में स्नाइपर बहुत ज्यादा प्रभावशाली वेपन होता है। जी हाँ गाइस लॉन्ग रेंज एंड मिड रेंज फाइट बहुत ज्यादा ली जाती है बर्गेटरी के मैप में। शॉर्ट रेंज ब्राजीलिया सेंट्रल ऐसे कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे अर्ली लैंड एंड फाइट शॉर्ट रेंज में चलते हुए जरूर नजर आती। बट गाइस बाद में यहाँ पे जो सेकंड सेगमेंट होता है उस बर्गेटरी मैप का, तब यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड मिड रेंज फाइट देखी जाती है, तब स्नाइपर्स एंड असॉल्टर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। जी हाँ गाइस प्रभावशाली यार रोल प्ले होता है स्नाइपर्स एंड असॉल्टर का। असॉल्टर राइट साइड से लेफ्ट साइड से फ्लैंक करके यार नॉक्स निकालते हैं एंड स्नाइपर सारे प्लेयर्स को यहाँ पे दूर से कवर फायर देते हैं 100 and 150 डैमेज के साथ AWM या फिर M82 बट कार 98 के साथ। बमुड़ा के मैप में बहुत सारे प्लेयर्स नजर आए थे। जी हाँ गाइस फोर रन के आनंद कार 98 के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो गाइस बिल्कुल टूर्नामेंट के प्लेयर्स भी, ई-स्पोर्ट प्लेयर्स भी कार 98 को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली वेपन मानते हैं। बिकॉज गाइस अगर आपने यार हेड ढूंढ लिया ना, बिल्कुल अगर आपने हेडशॉट बिल्कुल कनेक्ट कर दिया तो एक शॉट के साथ प्लेयर नॉक हो पाता है। तो यार स्नाइपर्स के बहुत ही ज्यादा जलवे होने वाले पर्गेटरी के इस मैप में वेट कर रहे गाइस, बिल्कुल टीम बहुत जल्दी बैक आ जाएगी। गाइस वेट कर रहे हैं हम, सारे प्लेयर्स थोड़ी देर में हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। जी हां गाइस आईडी एंड पासवर्ड यहां पे शेयर किया जा रहा है बिल्कुल टीम्स के साथ। अब यहां पे एक ही झटके में सारी की सारी टीम देखने को मिलेगी। टोटल गेमिंग टीम विलेट फोर गैलेक्सी रेसर्स, जी हां यूजी की टीम, एरो की टीम भी होने वाली, एस गेमिंग जिन्होंने डबल डिजिट किल के साथ बुया करने की कोशिश की थी वो भी होने वाले। बट गाइस उनसे जिन्होंने बुया चीना फोर रन भी यहाँ पे होने वाले, फटाफट आ जाएगी। बट गाइस आपको यहाँ पे सपोर्ट बना के रखना होगा बिकॉज टीम्स को मोटिवेशन की जरूरत होने वाली, सिर्फ दो राउंड यहाँ पे होने वाले। जी हाँ आपको भी यहाँ पे आगाह कर दू, सिर्फ दो राउंड सारी टीम के पास होने वाले कम बैक करने के या फिर कंसिस्टेंसी दिखाने के, तो आपका भी काम बनता है गाइस यहाँ पे सपोर्ट करने का अपनी सारी टीम्स को। तो फटाफट हैशटैग लगाएगा सपोर्ट में, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, अपने फेवरेट टीम्स तो हमारे लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, फटाफट बिल्कुल आ जाएगी। सबसे पहले यार देखते हैं यहां पे क्या कुछ देखने को मिलता है। बट गाइस फिलहाल बात की जाए तो सबसे पहले सवाल ये होने वाला है कि कौन सी टीम यहां पे मचाएगी बर्गेटरी के इस मैप में। जी हाँ गाइस बिल्कुल, अरे अपडेट के बाद गाइस एक सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार अपडेट के बाद कौन से एक्टिव स्किल कैरेक्टर सबसे ज्यादा ओपी हो चुके हैं। गाइस क्या आपको दाशा कैरेक्टर बताया? जी हाँ गाइस कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त मिल चुका है यार आपके साथ बातें करने का। तो बिल्कुल यार एक शेयर करना चाहता हूँ एक चीज, दाशा कैरेक्टर आप में से कौन कौन से प्लेयर यूज करते हैं, फटाफट यहाँ पे दाशा कैरेक्टर जो जो प्लेयर्स यूज करते हैं वो यहाँ पे येलो हार्ट स्पैम कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ एक ऐसा कैरेक्टर गाइस जो यहाँ पे बिल्कुल AR वेपन्स असॉल्टर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम आता है, जो गाइस रिकॉइल होता है ना गन का, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए दाशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम आता है। गाइस जब आप कोई हायर ग्राउंड से जंप करते हो नीचे गिरने के बाद, वो जो खुद को संभालने का एक समय होता है ना 1 to 2 seconds का, उसको भी दाशा कैरेक्टर कम कर देती है। गाइस जो डैमेज गिरता है उतरने के बाद या फिर बहुत ऊंचाई से यहाँ पे जंप करने के बाद, वो भी आपको कम पड़ता है। तो दाशा कैरेक्टर डैमेज कम करती है, दाशा कैरेक्टर यहाँ पे खुद को संभालने का जो टाइम है वो भी कम कर देती है एंड रिकॉइल गन्स के बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखे SKS एंड वुडपेकर के साथ बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले दिखाते हैं। जी हाँ गाइस दाशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है अपने स्प्रे के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिकॉइल। तो आप में से कौन कौन से प्लेयर दाशा कैरेक्टर यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट्स लगा के अपना जो यस है वो दिखा देना, मैं भी देखना चाहूंगा
आशा बहुत ज्यादा रेयर कैरेक्टर, वो कौन कौन सी टीम यहाँ पे, कौन कौन से प्लेयर, कितने प्लेयर्स फैन में से यूज करते हैं गाइज, बहुत कमाल का कैरेक्टर है। एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका यूज आज बहुत कम प्लेयर करते हैं, जो है क्लू कैरेक्टर। स्पोर्ट में क्लू कैरेक्टर आम बात हो चुके हैं, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत प्रभावशाली प्लेयर्स, बहुत पुरानी पुरानी टीम्स को मैंने देखा है क्लू कैरेक्टर के साथ खेलते हुए। बट गाइज फिलहाल यहाँ पे यार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ताशा एंड क्लू कैरेक्टर का यूज आप में से कितने लोग करते हैं। क्लू कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो 50 मीटर के रडार में जो भी प्लेयर्स, जो भी एनिमी स्टैंड कर रहे हैं, जो कि खड़े हैं, उनको यहाँ पे स्पॉट करने में बिल्कुल काम आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल टीम्स तो जरूर आ जाएगी बहुत ही जल्दी, बट गाइज यहाँ पे टोटल गेमिंग 4 हर एक टीम बिल्कुल आ चुकी है। गाइज देखते हैं यहाँ पे पॉकेट का मैप बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। गाइज इट्स टाइम टू शेयर द स्ट्रीम, फटाफट अपने फ्रेंड्स को बुला लो एंड उनको बता दो कि आपकी फेवरेट टीम यहाँ पे पर्गेटरी मैप में मचाने वाली है। जी हाँ गाइस, फाइनली यहाँ पे पासवर्ड पहुंच चुका है, टीम्स आ चुके हैं एंड प्लेन अपनी उड़ान बहुत जल्दी भर देगा। बट उससे पहले स्पॉन लॉबी देख लेते हैं यार, नया अपडेट है, नई स्पॉन लॉबी हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल मजा आएगा नई नई चीजें देखने के लिए। ग्राफिक्स बहुत ज्यादा ओपी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ओपी हो चुके हैं ग्राफिक्स। ये जो नए नए गाइस बहुत ज्यादा शानदार है, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी बॉडी वेपन एसएमजी इनके हाथों में होने वाली। टीम की बात किया शॉट गन के एक कमाल के प्लेयर है, बहुत ज्यादा दमदार प्लेयर है। डिलीट की टोटल गेमिंग की तरफ से बहुत ज्यादा दमदार गेम प्ले दिखाते हैं डिलीट यहाँ पे यार, M887 के साथ लिटरली कह रहा था। जी हाँ गाइज देखेंगे यहाँ पे कौन से वेपन सब डिलीट के हाथों में होने वाली है। प्लेन अपनी उड़ान भरेगा। सबसे पहले यार गाइज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे प्लेन पाथ कौन सा होने वाला है, आपको बता दू यहाँ पे प्लेन पाथ बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। जी हाँ गाइस क्वेरी के पास का एंडिंग पॉइंट होने वाला है यहाँ पे मॉथ हाउस की तरफ। देखते हैं हमारी सारी की सारी टीम कहा उतरने वाली है। जी हाँ गाइस 4 की बात किया तो बाबावर्क्स इनकी फेवरेट प्लेस होती है, बात की जाए टोटल गेमिंग की तो क्रॉस रोड इनका यहाँ पे फेवरेट पोजीशन होते वाला है। बट गाइस इस बार यहाँ पे बाबावर्क्स के ऊपर उतरा जा रहा है 4 के साथ ग्राउंड शेयर करेंगे टोटल गेमिंग वर्सेस यहाँ पे 4 आई थिंक कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर यही लूट करने के लिए उतरते हैं तो बिल्कुल 4 इनको झटका दे देगी। बट गाइस फाइनली इनके कदम जिस तरफ से जिस दिशा में बढ़ा रहा है ये वैसे यहाँ पे पता चल रहा है क्रॉस रोड बिल्कुल यहाँ पे पहुंचा जाएगा। तो गाइस फटाफट आपका काम बता यहाँ पे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाओ इतनी सारी प्यारी की प्यारी टूर्नामेंट्स देखने का बिल्कुल हर एक दिन मौका पाओ। बाला की बात किया तो ये बिल्कुल आगे बढ़ेंगे टोटल गेमिंग का ये कारवा गाइस क्रॉस रोड के ऊपर जाना पसंद करेगा। सीआरएस की बात किया तो इनका फेवरेट प्लेस अब यहाँ पे फोर्ज होने वाला है। कब तक उतरेंगे, कब तक यहाँ पे गन्स हाथों में मिलेगी, थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। गाइस चलते गैलेक्सी रेसेस की तरफ, देखते ये क्या कुछ परफॉर्मेंस करने वाले, बिकॉज इस बार सेंट्रल के ऊपर उतरे कोई भी टीम आई थिंक इनके साथ इस बार ग्राउंड शेयर नहीं कर रही थी। बट गाइस जो भी टीम यहाँ पे एक किल मैरिक्स के खाते में जरूर नजर आ रहे तो वो टीम रिट्रीट कर चुके, यहाँ से भाग चुके मैरिक्स। राइट साइड लेफ्ट साइड हर एक तरफ दिशा में जाके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई भी प्लेयर स्पॉट होगा वैसे अपने सारे टीममेट के साथ इस बात को बिल्कुल पहुंचा देंगे। वासे की बात किया तो इस बार इनको गन अभी अभी मिले M16 के हाथों में होने वाली, देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट रेंज वेपन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला लैंड एंड फाइट के लिए वो इनको कब तक मिलता है। 4 की बात की जाए गाइस तो वो यहाँ पे मॉबवर्क्स के ऊपर उतरे थे टोटल गेमिंग यहाँ पे बाल बाल बची, बिकॉज अगर ओपन एरिया में स्पॉट होते क्रॉस रोड के ऊपर जाने की कोशिश में तो 4 उनको यहाँ पे पनिश जरूर कर देते। TIG की बात की जाए तो यहाँ पे उतरे की ब्राजीलिया के ऊपर। जी हाँ गाइस ये टीम लिटरली गाइस बिल्कुल चूकती रही है, ब्राजीलिया हमेशा यहाँ पे इनका फेवरेट प्लेस होता है। बट देखेंगे इस बार इनके साथ पर्गेटरी में क्या गाइस ब्राजीलिया के ऊपर कौन सी टीम ग्राउंड शेयर करती है। विहान की बात की जाए तो बिल्कुल एक टीम को देख रहे हैं, जी हाँ गाइस एक प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करके गए 4x यहाँ पे बिल्कुल लगाया गया। बट देखेंगे यहाँ पे खोपड़ी को लेंगे या फिर बॉडी डैमेज के साथ एक प्लेयर को नॉक किया जाएगा। फाइनली प्लेयर स्पॉटेड है बिल्कुल उनको भनक तक नहीं कि TIG के विहान उनके ऊपर अपनी जो निगाह है वो बना के बैठे, कभी भी यहाँ पे डैमेज दिया जा सकता है, कभी भी यहाँ पे नॉक नहीं कर सकता TIG के कारवा। जी हाँ गाइस यहाँ पे आगे बढ़ेगा, चारों प्लेयर्स आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फाइनली TIG यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं, ओजस भी आगे बढ़ेगा, एक पोस्टर आगे आके यहाँ पे बिल्कुल चेक करना चाह रहे कहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स स्टैंड कर रहे, पोजीशन यहाँ पे लेके रह रहे। जी हाँ गाइस यार लाइन अप फाइट है या फिर कोई भी फाइट है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सबसे पहले प्लेयर को स्पॉट करना। चारों के चारों प्लेयर्स जब स्पॉट हो जाते हैं, एनिमी जब स्पॉट हो जाते हैं तो एक रश करने के लिए बहुत ज्यादा
बिल्कुल मौका मिल जाता है बात की जाए, इस बार टीम इंडिया की तो आगे बढ़ेंगे। चियागा इसकी लॉज हार्ट ये जोन, इस बार यहाँ पे टीम इंडिया के पास होने वाला है, तो चलते पहाड़ी की तरफ देखते क्या उनको स्नाइपर मिली है या फिर नहीं। ऑग वेपन एंड यूएमपी इनके हाथों में होने वाले, आइकॉनिक की बात किया तो इनके पास रिसोर्सेस स्नाइपर होने वाले पहाड़ी के साथ, बिल्कुल स्नाइपर शेयर की जाएगी। आरडीपी की बात किया तो जिया थॉमसन इनको मिल चुके हैं लॉन्ग रेंज के लिए, अच्छा के हाथों में नजर आ रहे किलर ऑलवेज विद शॉटगन यहां पे नजर आने वाले। तो गाइस यहां पे बिल्कुल पॉकेट के हिसाब में कौन सी टीम जीतेगी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यहां पे होने वाला है। टोटल गेमिंग की तरफ यहां पे बिल्कुल बढ़ते देखते क्रॉस रोड के ऊपर क्या कुछ चल रहा है, बट गैलेक्सी रेसेस एक टीम के साथ यहां पे पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जियागस गैलेक्सी रेसेस के दो प्लेयर्स यहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं, बट गाइस तीन किल्स खाते में यानी कि एक प्लेयर यहां पे ढूंढा जा रहा है। देखते हैं यहां पे राधे ठाकुर क्या उस प्लेयर को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। वास्तु यहां पे बिल्कुल लूट करने की कोशिश कर रहे हैं लूट क्रेट से, एंड फाइनली इनके हाथों में क्रूजा एंड MP40 नजर आ रही है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली वेपन शॉर्ट रेंज के लिए। लॉन्ग रेंज के लिए क्रूजा तो लिटरली मचा देती है, क्या हम सभी को पता है यार क्रूजा कितने ज्यादा प्रभावशाली होती है। राधे ठाकुर की तरफ चलते एक प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करके गए, यहाँ पर जा रहे थे जिपलाइन का यूज करते हैं बट नीचे यहाँ पे बिल्कुल गिराए जाएंगे। देखेंगे राधे ठाकुर को यहाँ पे कौन से प्लेयर स्पॉट करते हैं, जगह से कौन टीम की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। बात की जाए तो टीम ओपी की तरफ चलते गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर को ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। वास्यो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अकेले होने वाले, बट टीम ओपी का ये जो गाइस एंट्री है बिल्कुल सेंटर के ऊपर का, इनका यहाँ पे खाता खुल जाएगा। ज्ञान ऋषभ वो थे जिन्होंने अपना खाता यहाँ पे खोल दिया। अच्छा गाइस एक किल खाते में जरूर आने वाला है, बट देखेंगे बच्चे प्लेयर को कब तक ढूंढा जाता है, बिकॉज वास्यो 1600 सर्वाइविंग के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। सभी को पता है वास्यो कितना ज्यादा यहाँ पे सर्वाइव करते, बट देखेंगे इस बार यहाँ पे 1600 सर्वाइविंग क्या कामयाब रहेंगे। टीम ओपी के चंगुल से उनकी निगाह से क्या बचा जा सकता है, सवाल बहुत सारे होने वाले। बट गाइस चलते हैं यहाँ पे यूजी के पास, देखते खाता उनका अभी तक खुला नहीं, बट कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जी हाँ एरिया यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं मॉब बॉक्स के ऊपर का, जहाँ पर 4 रनर्स यहाँ पे उतरी थी गाइस, 4 रनर्स के बहुत ज्यादा करीब आई थी यूजी की टीम यहाँ पे बिल्कुल होने वाली है। देखते हैं यहाँ पे कब तक एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है 4 रनर्स एंड यूजी, काफी ज्यादा प्रभावशाली गेम प्लान। बात की जाए एपिस हिल की तो इन्होंने एक झटका किसी टीम को बिल्कुल देखे रखा है। देखेंगे चलते हैं 4 रनर्स की तरफ उनके साथ यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। एरो की टीम की बात किया तो यहाँ पे ब्राजीलिया के ऊपर जरूर आ चुके सामने होने वाले यहाँ पे टीएचजी के प्लेयर्स को, सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगाया गया था। चलते टीएचजी के पास फिलहाल पीछे हटेंगे, जहाँ गाइस आगे बहुत ज्यादा जा चुके थे, बट फाइनली यहाँ पे जो एरो की टीम है फटाफट करके आगे आ रही थी, इतना ज्यादा डोमिनेशन पावर दिखा दी, फोर्स करके रखा है टीएचजी को पीछे हटने के लिए। फाइनली इस फाइट को रिट्रीट करेंगे टीएचजी, आई थिंक यार मेडिकेट की कमी यहाँ पे होगी या फिर यार बुलेट्स एमो जो है गन वेपन यहाँ पे फेवरेट हाथों में नहीं होंगे तो शायद यहाँ पे सोच रहे हो पीछे हटने का। देखेंगे एरो की टीम कब तक रश करती है, टीएजी को यहाँ पे ओपन एरिया में पकड़ दिया। फाइनली गाइस टीएजी के फैंस के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि अर्ली फाइट से बिल्कुल टीएजी बच रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पे कम उठाया जा रहा है। 4 रनर्स की बात किया तो इस बार कुणाल को खो देंगे विदाउट टेकिंग सिंगल किल, बिल्कुल कोई भी किल खाते में नहीं होने वाला। स्वास्तिक 150 आनंद अब 4 रनर की कमान इस पगेट के मैप में संभालेंगे, एरिया होने वाला है चिया गाइस यहाँ पर जाएगा। बट गाइस फिलहाल यहाँ पे 1600 सर्वाइवर ही बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत सारी टीम अर्ली फाइट में यानी कि लैंड एंड पॉइंट में गाइस अनहेल्दी होते हुए नजर आ रही है। एरो की बात किया तो फिलहाल खाता इनका खुला नहीं है, बट गाइस टीएजी के ऊपर कभी भी यहाँ पे रश किया जा सकता है। बट गाइस यार मैं आपसे जानना चाहूंगा, पगेट्री का ये मैप है 5वां मैप होने वाला है, इसके बाद सिर्फ एक मौका है सारी की सारी टीम के पास, बट गाइस क्या लगता है कौन सी वो टॉप 3 टीम होने वाली जो आज यहाँ से क्वालिफाई करके जाए। लिटरली बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बिकॉज यार गाइस पिछले मैप में हमने देखा 4 रनों ने लिटरली एक बुआ बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ लगाया था, एस गेमिंग किल्स ज्यादा करके 4 रनों से भी ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करके गई थी, तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का कि यार आज इस पूरे के पूरे 6 मैचेस से क्या लगता है कौन सी टॉप 3 टीम होगी जो क्वालिफाई करके जाएगी। प्रेडिक्शंस लगाएगा मैं बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करूंगा एंड आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा नाम कमेंट सेक्शन में किसके नजर आ रहे हैं। फटाफट आपको एक काम करना है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। चलते बाकी सारे टीम की तरफ हम देखते हैं उनका गेम प्ले यहां पे क्या कुछ चल रहा है। टीम ओपी जिन्होंने गैलेक्सी रेसेस के ऊपर यहां पे बिल्कुल हमला किया था, दो किल्स खाते में लेके आगे बढ़ेगी सर्वाइवर से यहां पे होने वाले। जिया गाइस एरिया होने वाला है मौत हाउस की तरफ का एंड कोई भी किल यहां पर खाते में नहीं नजर आने वाला है। एस के भी खाता इनका कुछ का डबल किल यहां पे लकी के हाथों से आ चुके हैं गाइस, एरिया होने वाला है यहां पे मॉबवर्स की पार्टी एंड 4 रन यहां पे नजर आ रही है यूजी की टीम यहां पे नजर आ रही है। बट चलते टीम एलिट की तरफ जिन्होंने
अपना खाता यहाँ पे खोल के रखा है। पहाड़ी का एक खेल यानी कि बिल्कुल डबल स्नाइपर पहाड़ी का हाथों में नजर आने वाले। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखते हैं गाइस पहाड़ी क्या कुछ करने वाले, सामने होने वाले प्लेयर्स पीछे हटने की कोशिश करके बहुत ज्यादा टॉप रेच टीम लीड का यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर देखते हैं किस टीम को पूरी की पूरी तरह यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाबी बिल्कुल मिल जाएगा। आइकॉनिक अंदर जाने की कोशिश करें, आरडी अंदर जाके प्लेयर को बिल्कुल नॉक कर देंगे। जी हाँ तो वो भी यहाँ पे कवर पार करने की कोशिश में जाएगा। बट गाइस पहाड़ी बिल्कुल ट्रिपल किल लगा के बहुत तगड़ा फ्रैग यहाँ पे निकाल देंगे। टीम एलिट को एक पॉकेट के इस मैप में बूस्ट मिल जाएगा, एक पुश मिलेगा। जी अगर चार किल्स टीम एलिट के खाते में होने वाले, बिल्कुल एक भी प्लेयर को खोया नहीं है। पहाड़ी के हाथों से ट्रिपल किल यानी कि बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हैशटैग पहाड़ी लग जाना चाहिए। जी हाँ गाइस और अपनी टीम में से टीम एलिट में गाइस कोई अगर बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्लेयर है तो मैं बिल्कुल पहाड़ी का नाम लेना चाहूंगा। बिकॉज कवर भी देते, डबल स्नाइपर तो लिटरली गॉड लेवल चलाते हैं। फ्लैंक हो गया, सोलो सर्वाइविंग हो गया, सॉल्टिंग हो गया, हर एक चीज संभव करते हैं। M1887 से भी यहाँ पे उतना ही तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं जितना इनकी स्नाइपर बोलती है। चिया गाइस बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्लेयर चलते हैं बाकी सारी टीम की तरफ। टीम एलिट आगे बिल्कुल बढ़ेगी, सामने होने वाले ब्राजीलिया कह रही है देखिए टीएजी के साथ कब तक इनका आमना सामना होता है। बट गेमिंग यहाँ पे टीम के खाते में जोड़ के एक टीम को बिल्कुल अपना शिकार बनाएंगे। आगे बढ़ा जाएगा, गाड़ियां चाड़ियां लेके जाएगी। बट गाइस देखते हैं यहाँ पे किस टीम ने रन किया है। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिवेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और सिंगल प्लेयर एक तरफ टीम एलिट मचा रही है फील्ड्स के ऊपर, एक तरफ एस गेमिंग मचा रही है बाबो वर्स के ऊपर। दोनों सिरे में पगेट्री के इस मैप में दोनों आंधी तूफान बीच में आ रहे। देखते हैं इस आंधी तूफान में कौन सी टीम इसके चपेटे में आती है। जी हां गाइस बहुत ही कमाल का गेम प्ले इस गेमिंग की तरफ से देखने को मिलने वाला है। टीम एलिट क्या अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जी हां गाइस राइट साइड से ये फ्लैंक फील्ड्स यहां पे बिल्कुल छोड़ना होगा बिकॉज सर्कल का एडवांटेज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। गाइस सर्कल यहां पे बन चुका है दोनों आइलैंड के ऊपर। माबोवक्स जहां पे फोर उन्होंने हमें नजर आई थी, यूजी नजर आई थी। बट गाइस यहां पे बात की जाए क्रॉसरोड टोटल गेमिंग कभी भी अंदर आ सकती है। बात की जाए टीम एलिट की तो इनका राइट साइड से रोटेशन टोटल गेमिंग की तरफ इनको धीरे धीरे करके करीब लेते हुए जा रहा है। एस गेमिंग की बात किया तो बिल्कुल और भी यहाँ पे बिल्कुल ढूंढे जाएंगे। बट राज को यहाँ पे नॉक करके रहेगा, क्या इनको रिवाइव देने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। बिल्कुल राज को यहाँ पे खोया जाएगा। फाइनली एस गेमिंग कोशिश करेंगे बिल्कुल बहुत ज्यादा कमाल का गेम प्ले दिखाते हैं। जिया गाइस इतने सारे समन एयर ड्रॉप मंगाए जा रहा है तो ये कौन सी टीम मंगा रही है देखेंगे। टीम ओपी एस गेमिंग के साथ पंगा ले रही है। जिया गाइस बात की जाए एरो की तो ये बिल्कुल एक कमाल का गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहा है। इस बार समन एयर ड्रॉप मंगाए जा रहे हैं, सामने यहां पे होने वाली एक और टीम देखेंगे। दो किल्स जुनैद ने यहां पे अपने खाते में जोड़े। जिया गाइस बिल्कुल खाता खुल चुका है एरो का और आगे भी बढ़ा जाएगा। बट गाइस सबसे पहला सवाल यहां पे ये होने वाला है कि कौन सा प्लेयर यहां पे सबसे ज्यादा किल करता है। जिया गाइस डबल किल जुनैद ने करके रखे। बट आपको बता दूं यहां पे एस गेमिंग के लकी की तरफ से क्वाड्रा किल आ चुके हैं तो हर एक प्लेयर फैंस को खुश करने की कोशिश कर रहा है। क्वाड्रा किल से लेकर अंत तक लकी भाई हमारे कितने ज्यादा किल्स अपने खाते में जोड़ जाएंगे बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। जिया गाइस देखते हैं खुद के पर्सनल अकाउंट में क्या डबल डिजिट किल्स यहां पे जोड़ पाते हैं। सामने एक प्लेयर होने वाले लकी को बिल्कुल ग्लू वॉल लगाने से पहले यहां पे नॉक किया जाएगा। बट देखते हैं यहां पे फाइनली हार्ड कवर मिल जाएगा, दीवार के पीछे जाया जा रहा है। बट रिवाइव देने का मौका क्या यहां पे अंकित ढूंढने के बिल्कुल सवाल होने वाला। अंकित बहुत ज्यादा करीब आगे बढ़ेंगे, यहां पे लकी को रिवाइव देने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। बट ग्लू वॉल डालने की राइट साइड टीम का ये जो फ्लैंक है वो यहां पे बिल्कुल रिवाइव देने में कामयाबी नहीं रहने देगा। इसके भी बहुत ज्यादा मुसीबत है
बराबर इनको ढूंढना होगा इस साइड से भी प्लेयर बिल्कुल आने मिलेंगे जी गाइस इस गेम में क्या पे एलिमिनेट हो जाएंगे बट गाइस आपको बता दूं बिल्कुल 20 प्लस अलाइव होने वाले हैं सर्कल का बिल्कुल यहां पे देखते हैं फेवर कहां होने वाला है फाइनली हल्का सा शिफ्ट हो चुका है दोनों आइलैंड पे अभी भी सर्कल होने वाला है तो गाइस इस बार यहां पे मौका होने वाला है टोटल गेमिंग के पास भी बट मौका होने वाला है हमारी टीम ओपी के पास भी सर्वाइव एरो के ऊपर कहर बरसा जा रहा है सर्वाइवर्स वर्सेस एरो होने वाले सर्कल के अंदर दोनों के पास यहां पे हार्ड कवर है एक टीम के पास पत्थर का हार्ड कवर दूसरी टीम के पास प्रभावशाली इनके पास कितने अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है बट सर्कल के अंदर कैसे जाया जाएगा आपको बता दूं फिलहाल सर्कल के बॉर्डर के बाहर होने वाली है अंदर से सर्वाइवर्स उनका गेट कीपिंग कर रही है क्या सर्वाइवर्स का गेट कीपिंग तोड़कर एरो अंदर जा पाएगी या फिर नहीं ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है टीम ओपी जो चे किल करके यहाँ पे बैठी हुई है माबो बॉक्स से क्या यहाँ पे लैंड बिल्कुल चेंज कर पाएगी बिकॉज एक ही लिंक होने वाला है दोनों लैंड के ऊपर जो सेफेस्ट पे जी गाइस लैंड आइलैंड बदलने का सबसे आसान रास्ता सबसे सेफ रास्ता होता है ब्रिज का एंड यहाँ पे ब्रिज से गाड़ियां शाड़ियां लेके बिल्कुल डबल सीट बिठा के आगे लेके जाएंगे बट देखेंगे यहाँ पे कितने अच्छे खेल्स इनके पास होने वाले सोलो सर्वाइवर बहुत सारी टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है बट एरो की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पे सर्वाइवर्स का बिल्कुल गेट कीपिंग तोड़ा जा रहा है चलते सर्वाइवर्स की तरफ एंड अब हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली देखने गेम प्ले देखने को मिलेगा जी गाइस आपको बता दूं सर्कल यहाँ पे क्लोज इन होने के लिए शुरुआत हो चुकी है फाइनली स्नाइपर टावर की बिल्कुल पार आना होगा एरो की टीम का सर्वाइवर्स को यहाँ पे बिल्कुल रुकना होगा टीम लीड की बात किया तो बिल्कुल यहाँ पे शिकार बन रहे हैं आरडीपी को यहाँ पे खोया गया है जी गाइस किलर आइकॉनिक पहाड़ी आइकॉनिक को भी यहाँ पे खोया जाएगा पहाड़ी पे थ्री की कोशिश कर रही है दूसरी तरफ से सर्वाइवर्स यहाँ पे उनका बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे छोटी होने वाले बट यहाँ पे जो फ्लैंक लेना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आसान रास्ता होने वाला है आरो के पास जो राइट साइड से जी गाइस लेफ्ट साइड से जाते हैं तो बहुत सारी थर्ड पार्टी नजर आएगी अगर राइट साइड से जाते हैं तो सिर्फ एक टीम नजर आएगी जो होने वाली है सर्वाइवर्स की टीम एरो वर्सेस सर्वाइवर्स गाइस जी हमें देखने को मिलने वाला है एबीडी की बात किया तो वो भी यहाँ पे लिटरली तहलका मचा रहे बट आईबी को यहाँ पे बिल्कुल डबल स्नाइपर से कोई भी नहीं रोकने वाला ये प्लेयर एक आंधी बन चुका है जी गाइस डोमिनेशन पावर वो जो आवाज है ना जी गाइस वो भी यहाँ पे डरा देती है बहुत सारे प्लेयर्स को स्नाइपर की आवाज 120 का डैमेज यहां पे पहुंच जाएगा गो 90 का शॉट कनेक्ट कर देते हैं एक इधर को नॉक करके गाइस जिया गाइस फायर यहां पे और भी देखने को मिल रहा है रोके गोल में टीम की स्क्वाड जल्दी आ जाएगी बट एरो आईबी को सबसे पहले पकड़ा गया देखेंगे क्या ये कर हो पाएगा या फिर उनको रिवाइव मिल जाएगा फाइनली गाइस आईबी को यहां पे खोया गया एरो की गेट कीपिंग करते हुए जिया गाइस सर्वाइवर्स बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है बट टोटल गेमिंग 4 किल्स करके बिल्कुल सर्कल के डेड सेंटर में होने वाली जिया गाइस क्या लगता है इस बार टोटल गेमिंग क्या मचाएगी जी हाँ बिल्कुल 4 किल्स खाते में 4 प्लेयर्स अलाइव है सर्कल का सेंटर इनके पास होने वाला हार्ड कवर इनके पास है स्नाइपर टावर की हाइट इनके पास होने वाली बस समय है अब अच्छे खासे किल्स उठाने का देखते बाकी सारी टीम्स यहां पे कितनी ज्यादा है थोड़ी देर पहले जो एरो का हाल था वही सर्वाइवर्स का देखने को मिलने वाला है इनके पास भी अब सर्कल का एडवांटेज नहीं है ढलान से नीचे जाने यानी कि हेडशॉट खाने का बहुत ज्यादा खतरा यहाँ पे हो सकता है बट शॉट यहाँ पे आगे जाएंगे देखते क्या इनके पास ग्रेनेड होने वाला है या फिर नहीं फिलहाल ऊपर रश करने के फिराक में बिल्कुल नजर आने वाले लेफ्ट साइड से प्लान करके या फिर वेट करेंगे प्लेयर्स का नीचे आने का सवाल यह भी होने वाला अगर इस टीम के नीचे आने के लिए वेट करते शिकार यहाँ पे बन जाएगा चलते गोल्डन की तरफ ये क्या सारी क्रू बॉल यहाँ पे पूरी जा रही बट सर्कल के अंदर यहाँ पे टीम ओपी का बिल्कुल तहलका मचने वाला है जी हाँ गाइस टीम ओपी भी सर्कल के अंदर आ चुके हैं टोटल गेमिंग की तरफ बिल्कुल चलते जो सर्कल के सेंटर में थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है टीम में 3 किल्स आगे बढ़ेंगे जी हाँ गाइस यहाँ पे टोटल गेमिंग के खाते में बिल्कुल आ चुके हैं हमारे पास नजर आ रही टोटल गेमिंग एलिमिनेट जरूर हो चुके हैं बट गाइस यहाँ पे लिटरली आई थिंक टॉप 2 या टॉप 3 में यहाँ पे
बाकी सारे टीम्स ने दिखाया। सर्वाइवर्स ने गेट कीपिंग भी काफी शानदार की, एरो की वो बिल्कुल तोड़ नहीं पाए। बट गाइज इस बार सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा टीम ओपी का, बिकॉज यार सारे फाइट्स को अवॉइड करते हुए अंदर आए फाइनली अपने पोजीशन से इतने अच्छे खासे किल्स उठाए। जी हां गाइस आपको बता दूं यहां पे टोटल 9 किल के साथ बुया लिया, यानी कि 9 किल पॉइंट्स एंड यहां पे बुया के 12 प्लेसमेंट पॉइंट्स। काउंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया काउंट यहाँ पे बिल्कुल उठा के लेके गई है हमारी टीम ओपी। सेकंड पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल सर्वाइवर्स का देखने को मिला, इनके पास भी अच्छे खासे किल्स थे, 8 किल के साथ इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की। थर्ड टीम यहाँ पे होने वाले टोटल गेमिंग गाइस, ये भी बहुत अच्छा सर्कल का एडवांटेज ले रही थी, बट टीम ओपी के क्या ही कहना है, लिटरली बचा के चले गए। अवॉइड भी किया गया, पैसिव गेम प्ले भी दिखा, एक्टिव गेम प्ले भी यहाँ पे देखने को मिला। लिटरली गाइस कमाल का गेम प्ले, बिल्कुल एक बहुत ही शानदार गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जी गाइस लिटरली जितना भी कहे यार टीम ओपी की तरफ से उतना कम है, बिकॉज जोन प्रेडिक्शन पिछली बार जो जोन प्रेडिक्शन था वो 4 रन की तरफ से जितना शानदार था उतना ही टीम ओपी की तरफ से यहां पर शानदार देखने को मिला था। जी हां गाइस फिलहाल यहां पे सबसे सवाल मेरा ये होने वाला है कि आखिरी एक मैच, जी हां गाइस लिटरली आखिरी एक मैच यहां पे होने वाला है, सिर्फ एक मौका मिलने वाला है, वो मैप होने वाला है सबसे तगड़ा मैप करारी का, जो मैप खुद यहां पे टीम्स को धक्के लगा देता है। जी हां गाइस हम सभी को पता है करारी मैप कितना ज्यादा यहां पे सरप्राइज कर देता है हर एक टीम को, सर्कल ऐसा शिफ्ट हो जाता है कि यार रोटेशंस लेने में लेफ्ट हो राइट हो यार पहाड़ बीच में आ जाता है, तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल होती है रोटेशंस लेने के लिए। देखेंगे यार अब जो सारी टीम, नाम लेना चाहूंगा मैं पूर्ण उनका टीम ओपी का, ये जो टीम इतना तगड़ा जोन प्रेडिक्शन कर रही थी, क्या कैलरी के इस मैप में जोन प्रेडिक्ट कर पाएगी या फिर नहीं। जी हाँ गाइस बिल्कुल देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट गाइस आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रोकना नहीं है, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उनको बताएगा आपकी फेवरेट टीम यहाँ पे सिर्फ एक मौका यहाँ पे देखने वाले हैं हम गाइस सारे के सारे मिलके कि कौन सी टीम आपकी यहाँ पे बिल्कुल मौके पे चौका मारती है। जी हाँ गाइस सिर्फ एक मौका होने वाला, क्या कमबैक करेगी, क्या यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाएगी हमारी टोटल गेमिंग। इसी प्रकार से पिछली बार भी यहाँ पे गेम प्ले भी देखने को मिला था। बट गाइस एक सवाल मेरे मन में, यार बमुड़ा मैप हम जब देख रहे थे एज गेमिंग ने इतना तगड़ा गेम प्ले दिखाया, बट इस बार यहाँ पे वैसे ही फाइट दिखाने में मिड फाइट में एलिमिनेशन का शिकार बन गए टीम ओपी, बहुत तगड़ा रोटेशन लेते हुए आइलैंड भी उन्होंने चेंज किया एंड बहुत सारी टीम को इस बार उन्होंने शिकार बनाया था, तो काफी ज्यादा टीम के हिटलिस्ट पे होने वाले इस बार टीम ओपी। देखते हैं गाइस सबसे पहले टीम ओपी का शिकार कौन सी टीम बनाती है। जी हां गाइस यहां पे यार रिफाइनरी होने वाला है जहां पे 4 रन बहुत बार देखने को मिलते हैं, उनका फेवरेट प्लेस होने वाला है। बट देखेंगे बाकी सारी टीम्स कहां पे जाएगी। टोटल गेमिंग का फेवरेट प्लेस आपसे पूछ लूं, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएगा इस टोटल गेमिंग का फेवरेट प्लेस कलरी मैप में कौन सा होने वाला है। जी हां गाइस जो फैंस यहां पे टोटल गेमिंग की तरफ से देखने को मिल रहा है, जी हां गाइस वो बता दीजिएगा मुझे कि टोटल गेमिंग कलरी मैप में कहां उतरना पसंद करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप टोटल गेमिंग के कितने डाई हार्ड फैन हो। जी हां गाइस मैं भी देखना चाहूंगा यहां पे कितना डाई हार्ड सपोर्ट आ रहा है टोटल गेमिंग के लिए। तो गाइस एक सवाल है, बस आपको जवाब देना है, टोटल गेमिंग का सबसे फेवरेट यानी कि फिक्स इजेक्शन पॉइंट है मैप कौन सा है, बराबर कमेंट सेक्शन के अंदर मेरी निगाह जरूर है। चैनल तो वैसे मैं आपको बता दूं आपका जवाब सही है या फिर गलत है। फिलहाल यहां पे आती है गेम में नई चीजें यहां पे देखने को मिलते काफी शानदार होने वाले स्नाइपर लिटरली गाइस इस बार मचाने वाले। क्या गाइस आपको बता दूं स्नाइपर इस बार यहाँ पे मचाने वाले, प्लेन बिल्कुल अपनी उड़ान भरेगा आपके साथ, बिल्कुल शेयर कर दूंगा मैं इजेक्शन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट प्लेन पाथ का एंड एंडिंग पॉइंट। जी गाइस एक आखिरी मौका शुरू होने जा रहा है। जी गाइस टूर्नामेंट से सिर्फ इस राउंड से इन 6 के 6 राउंड से सिर्फ 3 टीम आगे जाएगी एंड नेक्स्ट राउंड में हमें एंटरटेन करते नजर आएगी। ये सारी की सारी टीम एक दूसरे में जुड़ रही है सिर्फ 3 स्पॉट के लिए खेल रही है। जी हां गाइस देखते हैं इन सारी 12 की 12 प्रभावशाली टीम में से कौन सी सबसे ज्यादा तगड़ी टीम बाहर निकल के आती है जो यहां पे टॉप 3 का पोजीशन शेयर करेगी। एरो की टीम एज ऑलवेज यहां पे बेफ्रंट के एरिया में बिल्कुल जाते हुए नजर आ रही है। बट देखते हैं गाइस शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पे बात की जाए तो टोटल गेमिंग यहां पर उतरना पसंद करेगी सेंटा कैथरीना के ऊपर। जी हां गाइस टोटल गेमिंग का सबसे फेवरेट प्लेस फिक्स इजेक्शन पॉइंट होता है सेंटा कैथरीना का। जी हां गाइस देखते हैं आपका जवाब यहां पे कब तक हमें देखने को मिलता है। जी हां गाइस चलते हैं यहां पे यार CRX डिवाइन की तरफ, वो यहां पे हाई टियर जोन के ऊपर उतरेंगे, कमांडमेंट कन्फाइनमेंट का एरिया यहां पे होने वाला है, गैलेक्सी रेसेस ऑलवेज यहां पे होने वाली है। जी हां गाइस द मेज के ऊपर कोई भी टीम यहां पे फिलहाल ग्राउंड शेयर कर नहीं रहा है, बट CRX के ऊपर यहां पे अर्ली फाइट के चांस नजर आ रहे थे, हल्का सा साउंड यहां पे देखने को मिला था। बट देखेंगे यहां पे CRX के साथ कौन सी टीम ग्राउंड शेयर कर रही है, सामने होने वाले प्लेयर्स ने आने यहां पे स्पॉट कर गया, AK-47 हाथों में आने वाली। बट गाइस नो शॉर्ट रेंज वेपन, तो सबसे पहले यार अच्छी खासी सेफ लूट की जाएगी। हम सभी को बताया गाइस कि यार अर्ली फाइट में
लूट की कमी के चलते अगर आप पॉइंट पिक करते हो एंड क्लोज इन हो जाते हो तो बिल्कुल उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कभी भी सामने वाली टीम आपको पनिश कर सकती है बिकॉज यहाँ पे यार आपके पास शॉर्ट रेंज वेपन नहीं। हरियाणा को सबसे पहले यहाँ पे ढूंढा जाएगा, उसको नॉक करके रिकवर देखेंगे। बाकी सारे प्लेयर्स क्या कुछ कर रहे हैं, शेनी राइट साइड से प्लान करने की कोशिश की है, हरियाणा को बचाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। फिलहाल सीआरएस की टीम तीन प्लेयर्स के साथ खेलते हुए नजर आएगी, बट गाइस बाकी सारे प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहां पर दमेज के ऊपर। यहां पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैलेक्सी रेसर्स के साथ दमेज के ऊपर कोई भी टीम ग्राउंड शेयर नहीं कर रही है। फोर रनों की बात की जाए तो बिल्कुल रिफाइनरी के ऊपर उतर चुके, कोई भी टीम ग्राउंड नहीं शेयर कर रही है, खाता अभी तक खुला नहीं है। टीएसजी की बात की जाए तो द सब इनका यहाँ पे फेवरेट प्लेस होता है, जी अगर सैंटा कैथरीना। अब यहाँ पे आपकी तरफ से देखने को मिलने वाला है रोहित राणा, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही सही जवाब था आपका, बिल्कुल सैंटा कैथरीना यहाँ पे टोटल गेमिंग का बहुत ही शानदार रिजेक्शन पॉइंट होता है, घर भी होता है, शिप भी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लूट मिलती है चारों प्लेयर्स के लिए। बट टीएसजी फिलहाल यहाँ पे द सब के ऊपर उतर चुके हैं, ग्राउंड साइड एंड हायर ग्राउंड दोनों तरफ यहाँ पे काफी शानदार लूट नजर आ रही है टीएसजी के पास। यहाँ पे आई थिंक जियान के पास यहाँ पे बिल्कुल वुडपेकर एंड MP5 बहुत ज्यादा प्रभावशाली वेपन। टीम एलिट की तरफ चलते हैं, जी हाँ गाइस काउंसिल हॉल ऑलवेज फेवरेट प्लेस टीम एलिट का, हमेशा कालेरी का मैप जब भी आता है चाहे कोई भी टीम लॉबी में रहो काउंसिल हॉल के ऊपर ही उतरती है, चाहे कोई भी टीम इनके साथ ग्राउंड शेयर करने की ताकत रखो काउंसिल हॉल के ऊपर ही उतरेगी। आई थिंक ये सीधा चैलेंज भी होता है कि भाई हम उतरेंगे तो उतरेंगे सिर्फ काउंसिल हॉल के ऊपर, अगर आप में दम है तो हमें बिल्कुल मिलेगा, हम आपके मेहमान नवाजी बिल्कुल करेंगे। फिलहाल किलर की बात किया तो बिल्कुल शॉर्ट रेंज में बने को मिल चुका है इनका फेवरेट शॉट गन आरडीबी के पास, यहां पे बिल्कुल शॉर्ट रेंज कमी नजर से जरूर आ रही है, बट देखेंगे गाइस शेयरिंग एंड किरिंग खेल जाएगी। पहाड़ी यहां पे लूट कर रहे हैं गाइस, फाइनली पहाड़ी के हाथों में स्नाइपर नजर आ रही कार 98 बिल्कुल है, बट देखेंगे यार पहाड़ी को MA2B कब तक मिलेगी, बिकॉज यार MA2B जब स्नाइपर प्लेयर के हाथों में आ जाती है तब उनका जो एडवांटेज है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ग्लू वॉल के पीछे भी वो यहां पे प्लेयर को नॉक करने की काबिलियत रखते हैं। इस बार पहाड़ी देखेंगे कितने अच्छे किल्स करेंगे, इसकी बात किया तो जो कमाल के फ्रैगर हर एक मैप में नजर आ रहे थे क्या वो इस बार यहां पे पहला शिकार किसको बनाएंगे, खटिया जी इनके सामने होने वाली, बिकॉज थोड़ी देर पहले आसपास टीएसजी बिल्कुल नजर आ रही थी। देखेंगे गैलेक्सी रेसेस आई थिंक यहां पे हो सकते हैं, कौन सी टीम यहां पे इनके सामने होने वाली, सर्वाइवर्स की बात किया तो एरिया होने वाला फाउंडेशन का, लूट की जा रही है वेंडिंग मशीन से, शॉपिंग की जा रही है। गाइस बात की जाए तो यार टीम ओपी जो पिछली बार काफी शानदार गेम प्ले खेल रही थी, रोटेशन इन्होंने लिए है, सर्कल इनके आइलैंड पे नहीं था, जी हां गाइस खेल रही थी यहां पे माबो वर्स के आइलैंड के ऊपर, बट सर्कल जैसे ही ब्राजीलिया के आइलैंड के ऊपर शिफ्ट हुआ वैसे ही इन्होंने यहां पे अपना रास्ता नाप लिया, बिल्कुल सर्वाइव किया, अवॉइड किया फाइट को एंड फाइनली लास्ट मैच में बुया लिया था। देखेंगे इस मैच में कंसिस्टेंसी दिखा के क्या एक और बुया अपने खाते में जोड़ पाएगी या फिर नहीं। यूजी की बात की जाए तो बिल्कुल तीन स्किल्स खाते में बिल्कुल होने वाले, एपिजियर को खो दिया, बट गाइस नो फियर बाकी सारे प्लेयर्स भी यहां पे होने वाले, उज्जवल प्रिंस एंड चाव बॉय, अब यूजी की यहां पे कमान संभालेंगे। चलते बाकी सारे टीम की तरफ बात की जाए, यहां पे जी हां गाइस किट यहां पे होने वाले, डीप डैम यहां पे होने वाले, त्रिशन यहां पे होने वाले, टाइगर यहां पे होने वाले, बट गाइस एरिया आपको बता दूं बे फ्रंट का, बे फ्रंट के आसपास यहां पे उतरी थी आई थिंक हमारी एरो की टीम, जी हां बे फ्रंट के ऊपर यहां पे दो टीम नजर आ रही है, एक तरफ एरो दूसरी तरफ यहां पे सुब्रता, जी हां गाइस देखेंगे यहां पे कब तक एक दूसरे का आमना सामना किया जाता है। अर्ली फाइट यहां पे कौन सी टीम बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, जी हां गाइस चलते फिर से एक बार अपनी सारी टीम की तरफ, देखते अर्ली फाइट का मौका यहां पे किनके पास होने वाला है। टोटल गेमिंग की बात की जाए तो जी हां गाइस यहां पे लूट कर रही है कन्फाइनमेंट के ऊपर, एक किल डिलीट के खाते में यहाँ पे नजर आने वाला, हाई टीएस जोन यहाँ पे था तो गाइस ये बिल्कुल अब सोचिएगा जो टीम यहाँ पे पिछली बार दूसरा स्थान बिल्कुल लेके गई थी क्या इस बार यहाँ पे मचा पाएगी, जी हाँ गाइस क्या लगता है आपको क्या इस बार यहाँ पे टोटल गेमिंग मचा पाएगी, बिकॉज इस बार उनके पास डबल वेक्टर सैडी के हाथों में नजर आ रही वाली है, हाई टीएस जोन के लूट यहाँ पे होने वाली है, जी हाँ गाइस लेवल 3 की बैग, लेवल 3 की यहाँ पे वेस्ट होने वाली, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 के ग्रिप, हर एक अटैचमेंट यहाँ पे बिल्कुल हाई टीयर की होने वाली। देखेंगे यहाँ पे टोटल गेमिंग इस बार कितने टीम्स को शिकार बनाती है, गैलेक्सी रेसेस की तरफ अगर बढ़ा जाए तो गाइस आगे बढ़ा जा रहा है एंड कोई भी टीम के साथ पंगा नहीं लिया जा रहा, तो इस बार गैलेक्सी रेसेस पैसिव गेम पे दिखाई है, फोर रनों की बात किया है तो आसपास नजर आ रहे हैं हमारी कोई भी टीम नहीं, तो आनंद के पास बिल्कुल स्नाइपर होने वाले इस बार यहाँ पे आनंद के पास एम टू बी, तो देखते हैं फिलहाल किसको यहाँ पे सबसे पहले पकड़ेंगे हमारे फोर रनों और किसको यहाँ पे अपना शिकार बनाएंगे। टीएसजी के पास चलते हैं गाइस, सबके ऊपर क्या कोई टीम आ चुकी है, बट गाइस एक बार आपको सर्कल दिखा देते हैं कि सर्कल के अंदर कौन कौन से एरिया होने वाला है, काउंसिल हॉल जहाँ पे टीम एलिट उतरी है वहां पे बहुत करीब सर्कल होने वाला है, टीम एलिट के पास अच्छा खासा सर्वाइव करने का मौका, बनाने की
बड़ी कोशिश की जा रही है विकेटकीपर की बात है तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड से प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। बट देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या नॉक यहाँ पे निकाल पाएंगे या फिर इंपोस्टर आगे बढ़ते हैं। ग्लूवॉल यहाँ पे डाली गई है जी, आगे कमाल का रश यहाँ पे टीआईजी की तरफ से देखने को मिलने वाला है। बिहान की बात किया तो वो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड से प्लान करेंगे, दूर से कवर फायर देने में क्या कामयाबी इनको हासिल होगी। रितिक की बात किया तो इनके पास यहाँ पे इस बार होने वाली है देखेंगे विहार अब अपने लिए कितने अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स इस मैच से निकाल पाते हैं। एरो की बात करें तो इनका खाता अब तक खुल चुका है गाइस। जी हां, टीनू की तरफ से एक किल, जुनैद की तरफ से एक किल, बात की जाए तो जुनैद यहां पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 87 के हाथ में होने वाली, देखेंगे यहां पे आईबी को बचाना क्या संभव रहेगा। यानी फटाक से दो ग्लू वॉल यहां पे लगाई जा रही है, बिल्कुल रिवाइव मिल जाएगा। आईबी फिर से एक बार तैयार हो जाएंगे इस वॉइड को पिक करने के लिए। देखेंगे इस बार शिकार किसको बनाते हैं। दो किल खाते में होने वाले जी हां, टीनू की तरफ से एक किल, जुनैद की तरफ से एक किल। यहाँ पे सामने होने वाले ग्रेनेड की बरसात यहाँ पे की जा रही है। 77 का डैमेज यहाँ पे लगाया जाएगा। देखेंगे एक और ग्रेनेड क्या अंदर फेंका जाएगा या फिर नहीं, क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट होगा। जी आगे ग्रेनेड फेंका तो जरूर गया था बट कोई भी नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। देखेंगे जुनैद यहाँ पे राइट साइड है, लेफ्ट साइड कहाँ से रश करने की कोशिश करेंगे। जी आगे जैरो यहाँ पे एक टीम को बिल्कुल थोड़ी दूर यहाँ पे रिफाइनरी के ऊपर एक और टीम नजर आती है हमेशा की तरह। देखेंगे इस बार क्या किसको वो अपना शिकार बनाएंगे। टीम ओपी की बात किया तो गाइस यहाँ पे जो सोलो सर्वाइव कर रहा है, बात की जाए यहाँ पे यूजी की तो उनकी तरफ से चावा बॉय सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। बट गाइस यहाँ पे बिल्कुल असंभव हो जाएगा आईबी को रिवाइव देना। एंड फाइनली आलोक की कमान जो है वो सिर्फ तीन प्लेयर संभालेंगे, टीटू, एबीडी एंड जुनैद। बट गाइस चार किल यहाँ पे खाते में, बिल्कुल एरो के तो एरो के फैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने वाले। बट गाइस यहाँ पे आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में फटाफट हैशटैग लगाने होंगे अपने फेवरेट टीम के, उनको सपोर्ट दिखाना होगा। जी हां गाइस फटाफट हैशटैग लगा दो। क्या लगता है कलर के इस मैप में कौन सी टीम यहाँ पर भूया कर जाएगी? क्या लगता है गाइस, क्या लगता है आपको कलर के इस मैप में कौन सी टीम भूया करके जाएगी? चलते बाकी सारे टीम की तरफ, बाकी सारे प्लेयर्स की तरफ, वो क्या कुछ कर रहे हैं गाइस। सर्वाइवर्स की बात करें तो खाता इनका कुछ नहीं है बट गाइस एक टीम इनको यहाँ पे शिकार बनाते हुए नजर आ रही है। इग्नाइट को खुद को बचाना होगा, हार्ड कवर फिलहाल हिलअप करेंगे खुद को, बट देखेंगे यहाँ पे कितने क्लोज बाकी सारे प्लेयर्स होने वाले। शॉन्टी हाइट का एडवांटेज लेते हुए सामने वाले प्लेयर के ऊपर बिल्कुल निशाना आने लगे और थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर होगा घरों का यहाँ पे आन सबसे पहले सेफ गेम प्ले करना होगा अगर भूया चाहते गैलेक्सी रेसर्स तो गाइस हैशटैग बिल्कुल लगाते रहिएगा अपने फेवरेट टीम को यहाँ पे सपोर्ट कीजिएगा। गैलेक्सी रेसर्स भी बहुत ज्यादा अग्रेशन में यहाँ पे नजर आ रही है और इन्होंने की बात की जाए तो बिल्कुल इन्होंने भी अपना खाता खोला है। देखते हैं इस बार किस टीम को अपना शिकार बनाएंगे। आनंद यहाँ पे होने वाले एम8 2v के साथ कुणाल के पास यहाँ पे होने वाले बिल्कुल M1897 एंड डॉमिनेट के लिए यहाँ पे की बात करें
के माफिया यहाँ पे क्या सर्वाइव कर पाएंगे, क्या सोलो सर्वाइवर यहाँ पे बुआ लेके गैलेक्सी जो मचा रही है उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज होने वाला है। एक टीम की गेट कीपिंग कर रही है, जगह 6 किल्स खाते में, डबल डिजिट के पास एक प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे राधे ठाकुर, बट अपने ही अंदाज में प्लेयर हार्ड कवर के पीछे चले जाएंगे। फिलहाल राधे ठाकुर को मौका नहीं मिलेगा, उनको यहाँ पे डैमेज देने का, बट देखिए वास्यो के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। जी अगर वास्यो है तो बिल्कुल मौके यहाँ पे होने वाले, देखेंगे गैलेक्सी रेसेस क्या इस बार यहाँ पे बुआ करेगी या फिर नहीं। 4 रन्स की बात की जाए तो इस बार यहाँ पे आनंद होने वाला है। बिल्कुल खेल रहे MP5 शॉर्ट रेंज वेपन के साथ, कुणाल के पास यहाँ पे होने वाली M87। स्वास्थ्य की बात किया तो बिल्कुल आई थिंक मैक्स 7 के साथ हमेशा खेलना पसंद करते हैं, तो इस बार क्या मैक्स 7 ही है या फिर नहीं देखना चाहेंगे। बट गैलेक्सी रेसेस गाइस सर्कल के बिल्कुल बॉर्डर पे होने वाली, सर्कल यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, बहुत सारी टीम अंदर आना चाह रही है। 16 प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव होने वाले गाइस, एक आखिरी मौका आपके पास सपोर्ट दिखा रहे हो फटाफट गाइस। जितने भी फैंस यहाँ पे देख रहे हैं अपने टीम के नाम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लगा के बिल्कुल अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा। हमें बताएगा कौन सी टीम से आप यहाँ पे बुआ देखना चाहते हो। वास्तव की बात किया तो बिल्कुल बहुत ज्यादा छोटी थी, बट हार्ड कवर यहाँ पे समन एड्रॉप का मंगाया जाएगा, जो बहुत ही पहले ही यहाँ पे सिचुएशन भाप ली थी यार, हाइट का एडवांटेज है यानी कि हमें हार्ड कवर की जरूरत होने वाली, तो यार समन एड्रॉप बहुत ही पहले से यहाँ पे मंगाए जा चुके थे, बट पीछे से एक गेट यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस को करने का मौका जरूर मिल चुका है। देखेंगे ज्ञान क्या कुछ करने वाले, कमाल का गेम यहाँ पे देखने को मिलने वाला गैलेक्सी रेसेस के बिल्कुल सामने होने वाले। देखेंगे M500 इनके हाथों में होने वाले, बुड पे कर रहे हैं M87 गाइस इनके पास नजर आ रहे हैं। इस बार वियान 1v4 क्लच क्या कर पाएंगे गैलेक्सी रेसेस का, क्या ये जो यार वो चक्र व्यू रहो या फिर यहाँ पे गेट कीपिंग रहो क्या वो तोड़ पाएंगे। फिलहाल गैलेक्सी रेसेस हर एक घर की छत पर जाके देखना चाह रहे कि विहान जिनकी हम गेट कीपिंग कर रहे हैं वो कहाँ होने वाले। अमन की बात किया तो बिल्कुल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पासियो लेफ्ट एंड राइट साइड से ग्राउंड पे रहकर यहाँ पे फ्लाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यार फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं, जिया गाइस देखेंगे यहाँ पे विहान को खपने स्पॉट करते हैं। मैरिक्स यहाँ पे आगे बढ़ गए विद द डबल स्नाइपर, यहाँ पे बिल्कुल अपने कदम बढ़ा रहे हैं, बट क्या इनको बताए। जी हाँ एक कमाल का गेम प्ले, एक प्लेयर का यहाँ पे गोया जाएगा विहान, यहाँ पे अमन को नॉक करके बिल्कुल उनका किल कंफर्म करके। इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है जिया गाइस TAG को एलिमिनेट करना, इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। विहान के हम चर्चे बिल्कुल सुन चुके हैं आज तक, बिल्कुल एक प्लेयर के ऊपर सिंगल सिंगल रश करके नहीं तो एक साथ रश करना होगा। अगर उस प्लेयर का खेल आप कंफर्म करना चाहते हो तो थोड़ा सा सर्वाइव कीजिएगा गाइस। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, हैंड कैनन क्या यहाँ पे कनेक्ट हुआ, बिल्कुल नहीं। फिलहाल यहाँ पे राधे ठाकुर ऊपर जाके देखते क्या इनको स्पॉट होते हैं हमारे विहान, यहाँ पे नहीं कमाल का डैमेज यहाँ पे विहान जरूर लगा देंगे, बट क्रोनो शील्ड उनको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बचा लेगी। जी हाँ गाइस यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिम की एबिलिटी की मदद से खुद को हील अप जरूर कर लेंगे राधे ठाकुर, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा खतरे में नजर आने वाले, बट गाइस देखते हैं यहाँ पे विहान क्या कुछ करने वाले। चलते विहान की तरफ एक कमाल का हाइट का एडवांटेज लेते नजर आ रहे, थर्ड पार्टी करने की कोशिश की जा रही है, सर्कल यहाँ पे होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे विहान के ऊपर होने वाला। गया गाइस आपको यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट करना अपनी फेवरेट टीम को, देखते हैं विहान क्या यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे। ग्रेनेड की बौछार यहाँ पे की जा रही, इतने ज्यादा प्रेशर में आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा बैलेंस नजर आने वाला, बैरियर्स बिल्कुल ऊपर निगाहें रखने वाले। जिया गाइस देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ गेम देखने को मिल सकता है। एक तरफ से टेओडल गेमिंग के माफिया भी सोलो सर्वाइविंग करते नजर आ रहे, गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स को शिकार बनाया जा रहा है, बट राइट साइड से एक और टीम यहाँ पे नजर आते नजर आ रही है। देखेंगे गाइस फोर रूम के प्लेयर्स यहाँ पे तीन जो कमांड संभाल रहे, तीन प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल उठा के रखे, तीन किल्स इनके टोटल गेमिंग यहाँ पे बिल्कुल एक ही प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ताने बैठी है। जिया गाइस इनके कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होने वाली, अकेले प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, बट 5 किल्स खाते में लेके रखे पूरी गैलेक्सी रेसेस के ऊपर गेट कीपिंग की, उनको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया हैशटैग माफिया। इतने चैट गाइस लग जाना चाहिए, शेयर कीजिएगा, एक आखिरी मौका आपके पास इस टूर्नामेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का, अपनी फेवरेट टीम को यहाँ पे सपोर्ट दुगना करने का। जिया गाइस फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला, माफिया लिटरली तहलका मचा रहे। जिया गाइस ये प्लेयर काफी ज्यादा शानदार तरीके से, एक्सपेक्ट नहीं किया था, अकेले प्लेयर थे थोड़ा सा प्रेशर में खेलेंगे ऐसा सोचा था, बट पूरी की पूरी गैलेक्सी रेसेस को यहाँ पर बिल्कुल गेट कीप करने में कामयाब हासिल किया इस प्लेयर ने। आगे जाने की कोशिश करेंगे खुद के टीममेट को यहाँ पे फिर से एक बार अपने कस्टमर खड़े होकर आंसर करके स्वास्थ्य और आनंद की यह जोड़ी क्या कुछ कमाल का कैमरे दिखाएगी। जी हां गाइस फ्रेंड्स और द डोर ऑफ बेनेक दिस मैच आ गए, यहां पे काफी ज्यादा शानदार गेम प्ले को टीम को यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहां पे ढूंढा होगा जी गाइस एस के मिस्टर राज नाम एक सर्वाइव दैन माफिया को एक कमाल का शॉट, यहां पे गाइस एक पूरी अपने नाम कर लेगी बहुत ही प्रभावशाली।
बहुत ही प्रभावशाली गेम प्ले पोरिन उनकी तरफ से देखने को मिलने वाला है गाइस। फटाफट यहां पे बिल्कुल हैशटैग माफिया इन द चैट लगा दो, बिकॉज गैलेक्सी नेसस की पूरी टीम को गेट कीपिंग करने में कामयाबी उस अकेले प्लेयर ने यहां पे हासिल किया। टोटल गेमिंग को दूसरा स्थान सोलो सर्वाइविंग बिल्कुल दिलाते हुए दिखाया। जी हां गाइस, बात की जाए तो टोटल गेमिंग के पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिएगा, बिकॉज गाइस 12 किल्स करके सेकंड पोजीशन के ऊपर आई थी 4 रन विद 6 किल्स, यहाँ पे बिल्कुल आ चुकी है। जी हाँ गाइस, एक कमाल का गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिलने वाला है हर एक टीम की तरफ से। देखेंगे यार गाइस यहाँ पे कितने अच्छे पॉइंट्स हमारी सारी टीम्स निकाल के गए, बट हैशटैग बिल्कुल लग जाने चाहिए। तो गाइस यहां पे यार 4 रन लिटरली मचाते हुए चली गई यार, एक कमाल का गेम प्ले यार। टोटल गेमिंग के माफिया एंड 4 रन, ये दो ऐसी टीम थी गाइस, ये दो ऐसे प्लेयर्स थे, इनके प्लेयर्स ने लिटरली आखिरी जो कलारी का मैच है उसमें 4 चांद लगा दिया। लिटरली गाइस माफिया कमाल का गेम प्ले, बहुत अच्छा 4 रन का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। जी हाँ गाइस, 6 मैचेस टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड गाइस आपको थोड़ा वेट करना होगा रिजल्ट्स के लिए, बिकॉज डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। बट गाइस वेट कीजिएगा, रिजल्ट जब भी आ जाएगा तब आपके तरफ बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। सारी की सारी टीम्स लिटरली यहाँ पे मचाते हुए चली गई। बट गाइस आप अगर खेलना चाहते हो इन सारे टूर्नामेंट्स को, तो गाइस एक बिल्कुल सजेशन देना चाहूंगा, इतनी सारी प्रभावशाली टीम को आप यहां पे सपोर्ट करने के लिए आते हो, इस टीम के साथ आप खेलने का मौका पा सकते हो। बस गाइस आपको करना कुछ नहीं, प्ले स्टोर में जाओ, game.tv ऐप डाउनलोड करो, सही समय पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, बिकॉज स्लॉट्स बहुत जल्दी यहां पे फुल जाता है। गाइस खुद को मौका दो एक प्रभावशाली टीम बनने का, एंड इनके साथ यहां पे कंधे से कंधा मिला के एक ही लॉबी में खेलने का, एंड हमें भी मौका दो आपकी टूर्नामेंट आपका गेम प्ले यहां पे कास्ट करने का। बिल्कुल एक हफ्ते में गाइस 10,000 से भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट यहां पे देखने को मिल सकते हैं आपको, एंड लाखों में आप प्राइस जीत सकते। तो यार बिल्कुल फटाक से जाओ प्ले स्टोर में game.tv ऐप डाउनलोड करो, एंड मौका दो खुद को स्पोर्ट के इस दुनिया में अपना नाम रोशन करने का। तो गाइस यहां पे यार आज का टूर्नामेंट यही खत्म होता है, हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कमाल का गेम प्ले यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला था हमारी 4 रन की तरफ से, टोटल गेमिंग की तरफ से, गैलेक्सी रेसेस की तरफ से, यूजी की तरफ से, हर एक टीम ने गाइस यहाँ पे मचाने की कोशिश की। अभी तक टोटल गेमिंग के हैशटैग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल चल रहे, 4 रन के हैशटैग यहाँ पे चल रहे हैं, हैशटैग माफिया ओपी यहाँ पे दिनेश भाई लगा रहे। तो गाइस सपोर्ट आज का आपका बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उससे भी खूबसूरत हर एक टीम का यहाँ पे परफॉर्मेंस था। दो टीम का नाम मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा, टोटल गेमिंग एंड 4 रन, लिटरली लास्ट कलारी मैप में 4 चांद लगा दिए। गाइस बात की जाए गाइस बर्मुडा की, तो 4 रन ने यहाँ पे काफी अच्छा पेशेंस दिखा के बिल्कुल जोन प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा किया था, कमाल का कहता है, एक बुया लिया। फाइनली यार पर्गेटरी के मैप में उनको बुया लेने का मौका नहीं मिला, बट यार इस गेमिंग में लिटरली डबल डिजिट के साथ मचा रही थी। एंड बात की जाए कलारी के इस मैप की, तो माफिया ने गैलेक्सी रेसर्स की पूरी टीम की गेट कीपिंग की, अकेले के दम के ऊपर अपना एडवांटेज रखा हाइट का, एंड सारी टीम को यहां पे एलिमिनेट करने में कामयाबी हासिल की। खुद 5 किल्स पर्सनल अकाउंट में जोड़ के रखे थे टोटल गेमिंग को। ये जो किल पॉइंट्स है ना गाइस आखिरी मैच के, वो बहुत ज्यादा पुश करेंगे टोटल रैंकिंग के ऊपर। एंड 4 रन का ये बुया काफी ज्यादा शानदार था, बमुड़ा का बुया एंड ये बुया बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। वो जो ट्विंस थे गाइस, हम हमेशा बहुत ज्यादा हैशटैग नजर आते हैं हमें 4 रन को सपोर्ट करते हैं, उनके फैंस हमेशा कहते हैं यार जब ट्विंस खेलते हैं तब विंस हमेशा नजर आती है, एंड स्वास्तिक और आनंद जब भी ये जोड़ी हमें देखने को मिलती है गाइस, कमाल का गेम प्ले, लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल का गेम प्ले हमें नजर आता है। तो यार बिल्कुल अपने फेवरेट टीम के लिए हैशटैग लगाएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देख पा रहा हूँ टोटल गेमिंग अभी भी आप हैशटैग लगा रहे हो, 4 रन हैशटैग माफिया के लिए हार्ट्स भेजे जा रहे हैं। जी हाँ गाइस बहुत ज्यादा प्रभावशाली गेम प्ले, एंड ट्विंस भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो गाइस जी हाँ गैलेक्सी रेसेस वो भी एक ऐसी टीम थी जो रोटेशन के लिए जानी जाती है, वास्यो ने यहाँ पे सोलो सर्वाइविंग की थी, बट देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कमाल का। जी हाँ गाइस परफॉर्मेंस अब तक हमारी सारी टीम करके गई है, एंड टॉप 3 टीम्स वो कौन सी होने वाली जो यहाँ पे क्वालिफाई होगी नेक्स्ट राउंड में, एंड इस टूर्नामेंट में हमें सेमीज में एंटरटेन करते हुए नजर आएगी। जी हाँ गाइस बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स यहाँ पे हमारे सामने आने वाले, तो देखते हैं क्या कुछ परफॉर्मेंस हमारी टीम ने किया, कितने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे 4 रन के पास होने वाले, टोटल गेमिंग के पास होने वाले, गैलेक्सी रेसर्स यूजी। जी हाँ गाइस बहुत सारी टीम्स विजेता यहाँ पे कौन से पोजीशन के ऊपर होने वाली, बाकी सारे प्लेयर्स एरो के प्लेयर्स यहाँ पे कितने अच्छे पॉइंट्स इकट्ठा करके गए थे हर एक मैप से, हर एक यहाँ पे बिल्कुल राउंड से। जी हाँ बहुत जल्दी गाइज आपको यहाँ पे फटाफट स्ट्रीम को शेयर करना होगा, बिकॉज बहुत जल्दी हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। तो गाइज
पहला यहाँ पे नाम होने वाला है एस गेमिंग विद 73 पॉइंट्स। जी हां गाइस, टोटल प्लेसमेंट पॉइंट्स इनके पास है 44 और किल्स 29। किल पॉइंट्स में कमी नजर आने वाली है जी हां गाइस, बट प्लेसमेंट पॉइंट्स लिटरली सारी की सारी टीम से ज्यादा होने वाले। टोटल गेमिंग ऑन द सेकंड पोजीशन जी हां गाइस, 64 पॉइंट इनके पास है एंड एलीट 63 पॉइंट्स लेके गई है। तो गाइस टॉप 3 टीम्स यहां पे क्वालीफाई होने वाली है एस गेमिंग, टोटल गेमिंग एंड एलीट। इनके हैशटैग यहां पे लग जाने चाहिए जी हां गाइस, हैशटैग एस गेमिंग इन द चैट, हैशटैग टोटल गेमिंग इन द चैट, हैशटैग एलीट इन द चैट। जी हां गाइस, ब्लू हार्ट्स येलो हार्ट्स यहां पे कलरफुल हार्ट्स स्पैम होने जाने चाहिए। ये 3 टीम्स यहां पे हमें सेमीज में एंटरटेन करेगी। बट गाइस बाकी सारे टीम की बात किया तो सर्वाइवर 4M, गैलेक्सी रेसर्स, 4 अननोन, TSG, टू साइड गेम जी आ गाइस, अनग्रेजुएट एम्पायर जी आ गाइस। बात करें तो यूजी एम्पायर ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्यान गेमिंग लिटरली मचाते हुए नजर आ रही थी, जिनको हम टीम ओपी के नाम से भी जानते हैं। एरो स्पोर्ट एक कमाल का गेम प्ले दिखा रही थी, फाइनल स्ट्राइक लिटरली यहां पे मचा के चली गई। बात की जाए तो CRX डिवाइन कमाल का गेम प्ले दिखाते हुए नजर आई, फैंस को खुश करने की कोशिश सारी टीम्स ने की। बट गाइस फाइनली एस गेमिंग टोटल गेमिंग एंड गाइस बात की जाए तो टीम विलेट, तीनों टीम्स मचाते हुए चली गए। तो गाइस ऐसे ही यार आज का टूर्नामेंट यहाँ पे खत्म तो जरूर है, बट गाइस बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट के साथ हम फिर से एक बार वापस आएंगे। स्टे कनेक्टेड गाइस, बिल्कुल गेम.टीवी ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।